कहते हैं और रसूल अल्लाह ने इसकी वजाहत कर दी ये फरमाते हैं कि मौत के ताल्लुक से और कैसे थे दुनिया और आखिरत की सबसे बड़ी हलाक चीज जो है वो मौत है। तो रसूल अल्लाह की सबसे बड़ी हलाक चीज वो मौत है और आगे फरमाया कुरान ने इसकी दलील और कहते थे कि इसकी तकलीफ इसकी हलाक ऐसी है कि आरों के चीरने से ज्यादा अज़ियत दे चीज है ये। 1% अगर इस्लाम तलवार की धार पर फैलता तो 800 साल तक जिस कौम ने स्पेन पर जिन लोगों ने शासन किया स्पेन पर अगर प्लान करते कि हर साल 1000 लोगों को एक्सिक्यूट करना है सिर्फ ये आबादी आज कैसी थोड़ी थी उस जमाने में लोग आबादी इतनी नहीं थी तो 800 साल में क्या कुछ नहीं कर देते थे। And its military protection allowed a degree of peace and prosperity that had never been known. The reach of this civilization's commerce extended from Latin America to China and everywhere in between. And this civilization was driven more than anything but by inventions. In alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله الذي هدانا لهذا والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال عز وجل في القرآن المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله جعل لكم من انفسكم ازواجا وجعل لكم من ازواجكم بنينا وحفظة ورزقكم من الطيبات اما بعد تمام تعریفیں اس اللہ عز وجل کے لائق و زیبا ہے जो तमाम जहानों का बनाने वाला और उसे पालने वाला है और दरूद सलाम उसके आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब यहाँ इस 10 रोज़ा इस्लामी कॉन्फ्रेंस के आखिरी नशिश्त लास्ट सेशन में जमा हुए हैं और जैसा कि आप तमाम के सामने ऐलान किया गया था कि आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं आप तमाम के सामने फैमिली प्लानिंग या ख़ानदानी मनसूबा बंदी जिसको उर्दू में कहेंगे या ज़ब्त विलादत या बर्थ प्रिवेंशन इंशाल्लाह ये हम माने अल्फाजी है बहरहाल इसके अंदर शामिल है इस ताल्लुक़ से कुछ बातें रखने की कोशिश करूँगा। इससे पहले कि मैं अपने उनवान की तरफ बढ़ूँ एक गलत फहमी का इजाला इंतहाई ज़रूरी है वो ये है कि एक गलत फहमी ये होती है कि अगर उनवान फैमिली प्लानिंग या इस पर है तो फिर ये बात तय कर लेनी चाहिए थी कि इसमें जो सिर्फ शादीशुदा लोग आए गैर शादीशुदा लोग ना आए क्योंकि हो सकता है इसमें बहुत से लड़के हो जिसकी शादी ना हुई हो बहुत सी लड़कियां हो जिनके निकाह ना हुए हो फिर उनको सुनाकर क्या फ़ायदा। इससे तो हो सकता है समाज में बेहाई फैल जाए। देखिए फितरी चीज़ तो ये है इंसानी ज़िंदगी और तमाम दूसरे मामूल जो हम ज़िंदगी में करते हैं उसका तकाजा तो ये है कि किसी काम के होने से पहले उसे सीखा जाए किसी काम के करने से पहले उसकी ट्रेनिंग हासिल की जाए है ना। तो जाहिर सी बात है कि इंसान जब फैमिली अपनी जो है नस्ल आगे बढ़ाएगा निकाह करेगा तो उसको निकाह से पहले ये तमाम चीज़ें मालूम हो कि अब इसके बाद क्या मरहले आएंगे उसके बाद क्या मामलात होंगे उसके बाद औलाद की पैदाइश में क्या मामले होंगे इनमें फ़र्क रखने के लिए क्या हलाल और क्या हराम होगा इसका सीखना उनके निकाह से पहले इंतहाई ज़रूरी याद रखी। इसलिए कि अगर निकाह हो जाएगा और उसके बाद कई औलादों को कत्ल कर देंगे और उसके बाद पता चलेगा ये गुनाह था फिर कहेंगे काश कि पहले सीख लिया होता। चूंकि ये इंसानी जान का मसला है ये इंसानी जान का मसला है एक जिंदगी का मसला है मामूली बात नहीं याद रखिए। और शरीयत में जान की बहुत बहुत अजमत और हुरमत है याद रखिए इंसानी जान की। तो लिहाजा लोगों को निकाह से पहले उसकी मसाइल पता होने चाहिए निकाह से पहले औलाद उसकी पैदाइश उसमें फ़र्क रखने के लिए क्या हो क्या ना हो इस्लाम ने मंसूबा बंदी के लिए क्या जायज़ क्या नाजायज़ करार दिया या जो है ज़ब्त विलादत के अंदर क्या जायज़ और क्या नाजायज़ है इसका जानना बे इंतहा उनके निकाह से पहले ज़रूरी है वरना कहीं इंसानी जाने सिर्फ इस मसले की लाइलमी से जाती है हर साल और हर जो है दहाइयों में लाखों और करोड़ों लोग सिर्फ इसलिए मारे जा रहे हैं क्योंकि इंसानी जान का मसला है। शरीयत में इंसानी जान की बड़ी हुरमत है
तो लिहाजा चूंकि अब निकाह के बाद एक जान वजूद में आएंगी, तो इसके वजूद में आने के बाद क्या हो सकता है इसे रोकने के लिए, और वजूद में आने से पहले क्या है, उसमें क्या हलाल है और क्या हराम है, वो जानना इंतहाई जरूरी है, इसलिए कि इंसानी खून का मसला है। अगर एक बच्चे को आपने बिलावजह कत्ल कर दिया, गोई ये आपने कत्ल किया एक, इसको समझिए इस जुर्म को, लेकिन चूंकि आज के समाज में ये जुर्म माना ही नहीं जाता है, इसलिए कि जो पैदा हो, अगर समझ लीजिए आपका कोई बच्चा हो और मैं उसे कत्ल कर दूं तो आप मेरा क्या हल करेंगे। लेकिन उसी बच्चे को अगर पैदाइश से पहले आप कत्ल करें तो वो जायज है, पैदाइश के बाद कत्ल करना हराम है, शरीयत में उससे पहले भी हराम और उसके बाद भी हराम है, याद रखिए। तो इस चीज को समझना इंतहाई जरूरी है। तो ये गलतफहमी कोई ना रखे कि नौजवान लड़के लड़कियां जिनके निकाह नहीं हुए या जो अभी बालिग हो रहे हैं इनको अभी से इन मसाइल का पता चलेगा, वरना दीगर दुनिया की तमाम फहिश की तालीमात तो आप दे रहे हैं बगैर उनकी उम्र के भी। आज छोटे बच्चों को आप औरतों के मसाइल के बारे में पूछिए, वो तमाम तफसीलात आपको दे देंगे, क्योंकि उनके लिए कोई खास टीवी के ड्रामे और प्रोग्राम देखने की जरूरत नहीं, वो ऐड उनको सिखा देते क्या करना है और क्या नहीं करना है, किसका ताल्लुक किससे और किसका ताल्लुक किससे नहीं। अगर टीवी पे कोई फहश ऐड आए और आप उसको बंद करने की कोशिश करें तो ऐड बंद होने के बाद वो गा के बताता आपको इसका था ना, मेरे को सब मालूम। फिर आप बोलते हैं यार इसकी अकल को क्या हुआ, इसको सब समझता है अभी से, है ना। तो जो शरीयत ने बताया है इंसानी जान का मामला है, फिर ये सीखना जरूरी है, याद रखें, ठीक है। तो ये जो मैं बात रखूंगा इसमें वो शादीशुदा और गैर शादीशुदा, निकाह जिसने किया जिसने नहीं किया, जो करने वाला है, ये सब मामला नहीं, असल ये है, ये एक इंसानी जान का मसला है, और चूंकि इंसानी जान का मसला है इसको सीखना चाहिए, चाहे निकाह को अभी ताखिर क्यों ना हो। दूसरी चीज, एक हिदायत जो मैं दूंगा इस लेक्चर के इब्तिदा में, वो हिदायत ये होंगी कि कुछ बातें मेरे लेक्चर में ऐसी आएंगी जो आपको लगेंगी फहश है, वो है नहीं फहश, ठीक है, वो लगेंगी ये बात की क्या जरूरत थी, ये लफ्ज क्यों अदा किया, वो लफ्ज क्यों अदा किया, इसको मतलब होता है ना, टीवी के ऊपर कोई लफ्ज आपको सुनाना नहीं तो एक आवाज आती टी खत्म, वैसा क्यों नहीं कर दिया फैज भाई ने इसको गायब, अगर मैं ऐसा करूंगा तो फिर मामला वही रहेगा, आप बोलेंगे हाँ क्या बोलना चाह रहे थे फैज भाई, अभी भी नहीं समझ आई बात, अब वो टी को आप कुछ भी लीजिए उसके बाद, मतलब वो अल्फाज को मैं स्कैन करता हुआ, डिलीट करता हुआ, हटाते लूंगा तो फिर मैं आपके सामने बात नहीं रख पाऊंगा, इसलिए कि मैं इंसानी जिंदगी के ताल्लुक से मामला रख रहा हूं, किसी की जिंदगी और मौत का मसला इस पे निसार है, तो लिहाजा मेरी तकरीर में कुछ अल्फाज ऐसे गुजरेंगे जो हो सकता है आपको लगे कि गैर जरूरी थे, क्या जरूरत थी, लेकिन ये जरूरत है इस वक्त की। तमाम तर बातें तो हम कर रहे हैं, जब मामला इंसानी जिंदगी का, उसकी हुरमत का और औलाद की पैदाइश या उसके रोकने का आया तो ये जानना बहुत जरूरी है, तो जाहिर सी बातें बहुत सारी बातें ऐसी लगेंगी कि ये फहश है। यकीनन मेरा मकसद फहज गोई करना नहीं, बुरी बातें करना नहीं या गंदी चीजें बयान करना नहीं, बल्कि मेरा मकसद है आपको सही डायरेक्शन में या एक मुसलमान नौजवान को या मुसलमानों को एक सही राह बताना कि इस मामले में जहां औलाद ने फर्क रखने का मामला है, शरीयत ने क्या हलाल किया है और क्या हराम किया, याद रखिए। और लाइलमी का नुकसान इतना बड़ा उम्मत उठा रही है, उठा चुकी है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं, याद रखिए। तो लिहाजा कुछ बातों को आप समझते चलें, कुछ बातों को आप ध्यान देते चलें और कुछ बातों को वक्त की और उनवान की अहमियत के मुताबिक समझते हुए चलें कि यहाँ इसकी ज़रूरत थी, कि मैं इसके बगैर चारा नहीं था कि मैं बयान करता हुआ चलूँ। और खुद कई बातों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी किताब में बहुत वाज़ेह अल्फाज में बयान किया, उन बातों को बयान करने मैं समझता हूँ मुझे भी शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए, इसलिए कि सबसे हयादार ने उन बातों को बयान किया है तो मैं उससे ज़्यादा हयादार तो नहीं हूँ, क्योंकि इंसानी जिंदगी का मसला है ना। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान किया, खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इंसानों में सबसे बाहर शख्सियत थी, सबसे ज्यादा गैरत वाली शख्सियत थी, लेकिन आपकी जिंदगी के भी चंद ऐसे हालात हम तक पहुंचते हैं जो उमूमन अगर मैं और आप अपने बारे में कहेंगे तो हराम होगा कहना, लेकिन आपकी जिंदगी के वो हालात भी हम तक पहुंचते, वो इसलिए, और आपकी उम्मात के हालात पहुंचते वो इसलिए कि उम्मत को पता चल जाए इन मसाइल में क्या करना है, चूंकि नबी नमूना है, ठीक है। तो वो बातें नबी की जिंदगी की जो आम जिंदगी में और आप डिस्कस नहीं कर सकते, वो बातें भी बयान की गई हदीस के अंदर, इसलिए ताकि उम्मत को उन मसाइल का इल्म हो जाए। असल मकसद को समझिए, अल्फाज को नहीं, मकसद क्या है वो समझाना। हो सकता कुछ बातें ऐसी गुजरे जो आपको लगे, लेकिन ये जरूरत होंगी इस उनवान की और मैं वहां उसको खत्म करते हुए नहीं चल सकता, वरना फिर आप कहेंगे आप फिर एक खला बाकी रहेगी और किसी सुनना पड़ेगा, ये क्या था और इसका मामला क्या था। और बहरहाल ऐसे कई मामला थे जिनको हमने ख्वाम खा के, जिसको शरीयत ने वाजिब करार दिया, ला इल्मी ना बताने की बुनियाद पर, ना सिखाने की बुनियाद पर, आज क्या कुछ नुकसान नहीं भुगत रहे मुझे बताने की जरूरत नहीं। और फिर दुनिया के लोग जो बेआई और जिना के अंदर
अपनी हदों को पार कर चुके हैं, वो आके हमारे बच्चे और बच्चों को स्कूल में सिखाते हैं अडल्ट एजुकेशन, तो वहां बड़ा वो करते हैं बड़ा अच्छा किया यार बच्चों को ये सिखा दिया, उसमें आपको भाई बेशर भी नजर नहीं आती है। लेकिन अगर कोई दीनी शख्सियत कुछ कहे ये लफ्ज ये बातें ऐसी, ये तो जरूरत थी, ये तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जबान से ऐसी कई बातें, मसाइल औरतों के मसाइल, पैदाइश के मसाइल, और जो है बहुत सारे ऐसे मसाइल जो तहारत से रिलेटेड है वो निकले हैं, याद रखिए। तो ये हया के खिलाफ बात नहीं है, हया के मातहत है, ताकि कौम असल मसले को जाने, और जब इंसानी पैदाइश का मसला है तो बे इंतहा जरूरी है इन अल्फाज का अदा होना और बे इंतहा जरूरी है कि तफसीला सामने आना, वरना हम पता नहीं कितनी जिंदगियों को ऐसी जाया कर देंगे और उसके बाद रोज़े क़यामत पछताएंगे इन आमाल पर। बहरहाल तो ये दो वजाहतें गलतफहमी और एक वजाहत की अगले बयानात में कुछ बातें आएंगी, उसको आप जो है समझते चले, उनवान की जरूरत होंगी। ठीक, इसी तरह आज हम देखते हैं हमारे इस माशरे में फैमिली प्लानिंग जिसको कहते हैं, जिसको खानदानी मनसूबाबंदी कहते हैं, या दूसरे अल्फाज में बर्थ प्रिवेंशन या जब्त विलादत की औलाद की पैदाइश को रोकना, उसको प्रिवेंट कैसे करना, उसको कैसे रोका जाए, इस मामले में लाइल्मी की वजह से, लाइल्मी की बुनियाद पर, या खूबसूरत खूबसूरत स्लोगन्स, ब्यूटीफुल लाइंस, खूबसूरत स्लोगन्स की बुनियाद पर आज उम्मत मुस्लिमा ने अपने बच्चों को कत्ल करना यह आम कर दिया है, याद रखिए। मैं बड़े अफसोस के साथ कह रहा हूं लेकिन ये बात बहुत आम है, याद रखिए। अगर आप कहें मुझे नहीं पता, तो हर चीज आपको पता होना जरूरी नहीं जो दुनिया में होती है, और हर चीज जो आपको पता नहीं है इसका मतलब ये भी नहीं कि वो नहीं हो रही है दुनिया में। इसलिए कि इतना आम समझ लिया गया है कि औलाद की पैदाइश रोकना, चूंकि उसके उसूल जवाबत हम जानते नहीं हैं, न जानने की कोशिश करते हैं, और खताएं कर करके फिर तौबा करने का रास्ता निकाल ही लेते हैं, कैसे न कैसे अब तौबा कर लूं। खताओं की तौबा तो अल्लाह जब कबूल करेगा जब किसी मसले को वाकई में लाइल्मी से आपने छोड़ा है, यहां तो तमाम तर इल्म को आप खास तौर से दूर रखते हैं नजरों से, ताकि हासिल कर लूंगा तो फिर वो काम नहीं कर सकूंगा जो करना है। और फैमिली प्लानिंग, खानदानी मनसूबाबंदी, बर्थ प्रिवेंशन, ये जब्त विलादत के नाम पर हमने अपनी औलादों को बेतहाशा, बेइंतहा और गैर मामूली तरीकों से कत्ल किया, याद रखिए, गैर मामूली तरीकों से। अगर आप भी इस चीज को देख ले कि जिस अंदाज से आज लोग अपनी औलादों को, और इस जुल्म में भी वो जुल्म ज्यादा उठाती है जिसको औरत कहते हैं, कि इस मामले में भी अगर लड़की लड़का हो तो फिर भी किसी ना किसी हद तक रियायत दे दी जाती है, लेकिन अगर लड़की पता चल जाए फिर तो उसका कत्ल होना, उसका मारा जाना, उसका मरना तो फिर जरूरी हो जाता है, याद रखिए। तो हमने उम्मत मुस्लिमा ने इस मसले की लाइल्मी से, या अपनी मनमानी करके, या खूबसूरत खूबसूरत नाम, खूबसूरत खूबसूरत स्लोगन्स के नाम पर जो है अपनी कई औलादों को, कई इंसानी जानों को, चाहे वो लड़के हो चाहे लड़कियां हो, उसको पामाल किया है, याद रखिए। बहुत खतरनाक जुर्म हमने ये किया है। और जैसा मैंने पहले कहा, अगर हम मैं किसी के लड़के को मार दूं, छोटे बच्चे को, तो आप मेरा खून करने पे तुल जाएंगे, लेकिन वहीं अगर वही वालिदैन उसको अपने पेट में मार दें तो वो फिर बिल्कुल दुरुस्त अमल होगा, जायज अमल होगा, जरूरत वाला अमल होगा, उसके लिए वो मुखालिफ से लड़ेंगे भी कि वो हमने किया ना, हमारा मसला था, तुम कहीं को बीच में बोल रहे तो मुंह क्या ज्यादा समझता, हमको मालूम थी तकलीफ क्या है। तो यहां तो आप मुझे कत्ल करने पे तुले, अगर आपकी पेट से निकल कर आने वाली औलाद को कत्ल करूं, और वहां पेट में हम खुद कत्ल करते हैं, और जब उसको बड़े खूबसूरत नाम दे देकर और पता नहीं क्या क्या, बहरहाल, तो इस बात को समझना जरूरी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह नहल सूरह नंबर 16 आयत नंबर 72 में यह फरमाया और कहा, जो मैंने आयत जो है इब्तिदा में खुतबे में तिलावत की, और फरमाया कि वल्लाहु जअला लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा, अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए तुम्ही में से तुम्हारी बीवियों को पैदा किया, अज़वाजन वजअल लकुम मिन अज़वाजिकुम बनीना, और उन्हीं औरतों से तुम्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बेटे और पोते पैदा किए, कि और तुम्हें अच्छी अच्छी चीजें खाने को दी। तो ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का फजल है, जूद और करम है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इंसान को औलाद नवाजता है, याद रखी, औलाद ये अल्लाह के फजल से है। तो अल्लाह ने यहां दो फजल गिनाए कि तुम्हारी नफ्स से हमने तुम्हारे जोड़े बीवी को पैदा किया, मतलब आदम से हव्वा आई, और उसी औरत से जो तुम्हारी बीवी होती है हम तुम्हारे बेटे भी पैदा करते हैं और तुम्हारे पोते भी पैदा करते हैं, मतलब नस्ल को आगे बढ़ाते हैं एक के बाद एक, और तुम्हें बेहतरीन रोजियां रिस्क अता फरमाते हैं। तो अल्लाह ने अपनी रोजी की नेमत से पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत ने औलाद की जो नेमत अता किए उस नेमत को इस आयत के अंदर गिनवाया है, याद रखिए। और औलाद अल्लाह रब्बुल इज्जत की बड़ी बेहतरीन नेमत है। इसी तरह बयाही की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते और कहते हैं तज़व्वजु फ़इन्नी मुकासिरु बिकुमुल उमम, कि तुम निकाह करो इसलिए कि रोज़े क़यामत मैं तुम्हारी कसरत पर फ़ख्र करूंगा,
क्या फरमाया, तुम निकाह करो इसलिए कि मैं रोजे क़यामत तुम्हारी कसरत उम्मत मुस्लिमा की तादाद जो बहुत ज्यादा होंगी दूसरी उम्मतों के मुकाबले में, मैं उस पर रोजे क़यामत फख्र करूंगा। तो लिहाजा फरमाया तुम निकाह करो इसलिए कि मैं तुम्हारी कसरत पर रोजे क़यामत फख्र करूंगा, दूसरी कौमों पर जो है मुझे फख्र हासिल होगा, बर्तरी हासिल होंगी। तो गोया शरीयती चाहती है कि आप निकाह करें और निकाह करके इस उम्मत को आगे बढ़ाए, इसलिए कि उम्मत बगैर निकाह के आगे नहीं बढ़ सकती। और आप सब फरमा रहे कि मैं तुम्हारी कसरत पर खुश होऊंगा, तो जाहिर सी बात है कसरत के लिए निकाह होंगे, निकाह होंगे तो फिर औलादे पैदा होंगी और फिर कसरत से पैदा होंगी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फख्र का बायस बनेंगी। तो गोया अगर कोई शख्स औलादे पैदा करता है तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फख्र के बायस बनेंगी उसकी औलादे। वो इसी तरह शरीयत ने, चूंकि इस्लाम एक मुकम्मल दीन है, इसने अपने मानने वालों को हर गोशे में रहनुमाई की है, याद रखें एवरी सेक्शन, हर गोशा जिंदगी का हर मरहला, पैदाइश, निकाह, मौत, इसके बाद उसके जो दीगर मराहल जिंदगी के होते, तिजारत कमाना और किस तरह से जो है मामलात होंगे, हालात अहवाल अखलाक क्या होंगे, गोया हर मामले में रहनुमाई की। तो शरीयत ने इस मामले में जो इतना अहम है इसमें भी रहनुमाई की, जब कहा निकाह करो और कसरत औलाद मैं उस पर फख्र करूंगा तो उस औलाद के लिए तमाम तर उसूल जवाबेद, निकाह के उसूल जवाबेद, औलाद की पैदाइश और तमाम मामलात भी खुल खुल कर एकदम वाज शफाफ तरीके से इस दीन ने बता दी, चूंकि एक मुकम्मल दीन है, कोई शोबा इसने नहीं छोड़ा। इसी तरह इस्लाम जहां अपने मानने वालों को निकाह का हुक्म देता है कि निकाह करो और इसकी हिकमत बताता है, तो निकाह के मकासिद भी बता देता है। जहां इस्लाम अपने मानने वालों को कहता है निकाह करो, और जैसा सूरह नून में फरमाया वह अन के हु अयामा मिनकुम, के निकाह कर दो तुम में जो बेनिकाह हो, तो जब निकाह का हुक्म दिया तो शरीयत इस्लामिया निकाह के मकासिद भी बताता है, मकसद क्या है निकाह का, निकाह क्यों इंसान करता है, जो जब शरीयत कह रही करो उसके मकासद में जो शरीयत ने बताया है उसमें से पांच मकसद जो बड़े अहम हैं वो रख रहा हूं। वैसे तो कई हिकमतें और कई जो है उसके मकासद हैं, जिसमें से पांच अहम मकसद हैं, जिसमें सबसे पहला मकसद है नजरों की हिफाजत हो, निकाह नजरों को नीचा रखता है, एक मकसद। दूसरा निकाह सुकून और इत्मीनान का जरिया है, याद रखिए नफ्सियाती इत्मीनान, ख्वाहिशात चूंकि इससे पूरी होती है, निकाह सुकून और इत्मीनान का जरिया है। तीसरा मकसद निकाह की शरीयत ने बताया, माशरे में गुनाह कम होते हैं निकाह की वजह से, वरना निकाह नहीं होंगे तो फिर क्या होंगे आपको पता है, जिना होंगे आम, तो माशरे में निकाह की वजह से गुनाह कम होते हैं और इंसान कबायर में मुलविस नहीं होता। चौथा फायदा ये, इंसानी नस्ल आगे बढ़ती है, ह्यूमन रेस आगे बढ़ती है निकाह की वजह से, ये इसके मकासद हैं। और पांचवा है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये औलाद की कसरत फख्र की वजह बनेंगी। तो जब एक इंसान निकाह करता है तो ये पांच मकासद तो कम से कम उसके सामने होते हैं, नजरों की हिफाजत, उसके बाद माशरे में गुनाह कम हो जाते हैं, उसके बाद जो है औलाद की पैदाइश, इंसानी नस्ल का बका। मेरा आज का ताल्लुक सिर्फ इस उनवान के इस हिस्से से, इंसानी नस्ल का बका, कि शरीयत के निकाह के मकासद में से एक अहम मकसद है इंसानी नस्ल का बका, कि ह्यूमन रेस आदम अलैहिस्सलाम की नस्लें उनकी औलाद आगे पै दर पै एक के बाद एक चलती रहे, याद रखिए। तो ये निकाह के मकासद में से इंसानी नस्ल का आगे चलना। इसी तरह और जब इंसान निकाह करके मुजामियत करता है, अपने बीवी के साथ रहता है, हमबिस्तरी करता है, तो इसका एक अहम मकसद औलाद की पैदाइश है, नफ्स की तस्कीन तो है लेकिन एक अहम मकसद औलाद की पैदाइश है, जिसके ताल्लुक से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरतुल बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 187 में फरमाया और कहा फल आन बाशिरहुन्ना वब्तगू मा कतबल्लाहु लकुम, क्या इसके बाद इनसे तुम मुबाशरत करो, मतलब पहले रमजान की रातों में भी औरत से हमबिस्तरी मना थी, मुबाशरत मना थी, उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसकी इजाजत दे दी, तो जब मुबाशरत की रमजान की रातों में इजाजत मिल गई तो इजाजत के साथ लफ्ज देखिए क्या है फल आन, तो अब तुम जो है बाशिरहुन्ना अपने बीवियों से हमबिस्तरी कर सकते हो, रमजान में रातों में मुबाशरत कर सकते हो, वब्तगू मा कतबल्लाहु लकुम, और उस चीज को तलाश करो जो चीज अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दिए, मतलब औलाद को तलाश करो। तो यहां कुरान ने मुबाशरत को, मियां बीवी के मिलने को, उनकी हमबिस्तरी के एक अहम मकसद को बताया, अल्लाह ने जो औलाद तकदीर में लिखी है उसको तलाश करो, उसको ढूंढो, उसकी कोशिश करो। तो यहां आयत ने वाज़े किया फलान बाशिरहुन्ना वब्तगू मा कतबल्लाहु लकुम, अब तुम मुबाशरत करो अपने बीवियों से रमजान की रातों में भी, और
वो चीज़ तलाश करो जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अल्लाह ताला ने लिखी हुई चीज़ को तलाश करने की इजाज़त दी है। तो यहाँ मुबाशरत का, मियाँ बीवी के मिलने का एक अहम मकसद क्या है? औलाद की पैदाइश, इंसानी नस्ल का आगे बढ़ना। इसी तरह खतीब बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते और कहते हैं, माफ़ करना, खतीब बगदादी, इनकी एक जो है इस किताब में एक रिवायत आती है, और जाबिर रजी अल्लाह उन्होंने हदीस के रावी फरमाते और कहते हैं, इज़ा आतैता अहलका फअमला अमलन कईसा। आपने फरमाया आप सबने और कहा, जब तुम अपनी बीवियों के पास जाओ तो वो अमल करो जो अकलबंदी वाला हो। क्या फरमाया? जब तुम अपने बीवियों के पास जाओ तो वो काम करो, अमलन, ऐसा काम करो जो अकलमंदी वाला हो। और उलमा लिखते हैं अकलमंदी से मुराद है औलाद को तलाश करो, मतलब ऐसे अवकात में और ऐसे वक्त हम बिस्तरी करो कि उस हम बिस्तरी से औलाद वजूद में आ जाए। अकलमंदी वाला काम तो औलाद वजूद में आ जाए, इस ताल्लुक से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको फरमाया। इसी तरह हाफिज इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह कहते हैं कि इनसे लोगों को उभारा जा रहा है कि तुम हम बिस्तरी से जो सिर्फ नफ्सियाती तस्किन ना हासिल करो बल्कि इसके जरिए औलाद हासिल करो, यह मकसद है। मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कह रहे हैं अकलमंदी वाला काम करो, तो यहाँ अकलमंदी वाला काम इस माने में नहीं है, बल्कि खाली नफ्सियाती तस्कीन मुराद नहीं है, बल्कि यहाँ इससे मुराद ये भी है कि तुम जो औलाद को तलाश करो। इसी तरह औलाद सवाब जारिया है इंसान के लिए। इंसान जब मर जाता है तो मरने के बाद जिन तीन चीज़ों के अजर उसको मिलते हैं उनमें से एक चीज़ है नेक औलाद। सही मुस्लिम की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक शख्स ने पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इंसान के मरने के बाद किन चीज़ों को उसको सवाब मिलता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, इंसान के मरने के बाद तमाम चीज़ के दरवाजे रास्ते आमाल के बंद कर दिए जाते हैं सिवाय तीन चीज़ों के। पहला फरमाया सदक़तुन जारिया, ऐसा कोई काम जो ज़िंदगी में कर गया हो जिससे इंसानियत या जो है इंसानी नस्ल फ़ायदा उठा रही है। दूसरा औ इल्मु यन्तफ़ऊ बिह, और ऐसा इल्म जिससे लोग फ़ायदा उठाए। और तीसरा फरमाया वलदिन सालिह यदउ लहू, और नेक औलाद जो वालिदैन के मरने के बाद उनके लिए दुआए मगफरत करे। तो इस हदीस में औलाद को सवाब जारिया बताया, याद रखी। तो औलाद को तलाश करने का हुक्म है, हम बस्तरी का एक मकसद औलाद की तलाश है, औलाद पैदा करना है, औलाद हमारे और आपके लिए मरने के बाद ये सवाब जारिया बनती है। इसी तरह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखा कि निकाह जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फख्र की बुनियादी बनने वाला है। जैसे कि अबू दाऊद और निसाई की रिवायत है, आपने फरमाया कि मैं रोज़े क़यामत तुम्हारी कसरत पर फख्र करूंगा। तो निकाह का एक मकसद है कि अगर हम तादाद बढ़ाएंगे तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फख्र का बायस बनेंगे। इसी तरह औलाद की पैदाइश बायस मसरत है और एक फितरी अमल है। औलाद की पैदाइश बायस मसरत है और एक फितरी अमल है, मतलब जब इंसान को औलाद पैदा होती है तो वो खुश होता है और ये एक फितरी अमल है, ये नेचुरल जो है एक चीज़ है, याद रखिए, ये गैर फितरी अमल नहीं है। तो औलाद की पैदाइश खुशी का बायस है और एक फितरी अमल है। इसी तरह औलाद की मौत एक बड़ी अरमनाक चीज़ है, याद रखिए। औलाद की पैदाइश जैसा खुशी की चीज़ है, उसी तरह औलाद की मौत इंसान के लिए एक अरमनाक वाकया होती है, बहुत दर्द वाला वाकया होती है, बहुत उसको तकलीफ होती है अगर उसकी औलाद जो है पैदा मर जाए। सही बुखारी की रिवायत है, अनस बिन मालिक रजी अल्लाह अन फरमाते हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेटा इब्राहिम, इनकी मौत का वक्त करीब आ गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटा इब्राहिम, उनकी मौत का वक्त करीब आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अपने हाथों में लिया, और हदीस में आता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू जारी हो गए। अब्दुर्रहमान इब्न औफ रजी अल्लाह अन जो मौजूद थे, कहा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप भी रोते हैं? तो कहा ऐ अब्दुर्रहमान, और फरमाया इन्ना रहमा, ये आंसू रहमत है जो अल्लाह ने दिए। तो औलाद की पैदाइश से तकलीफ होती है, हत्ता कि अंबियाओं को भी तकलीफ हुई औलाद की मौत के ऊपर, माफ करना, औलाद की मौत पर इंसान को तकलीफ होती है, हत्ता कि अंबियाओं को भी औलाद की मौत पर, अपनी औलाद की मौत पर तकलीफ हुई। इसी तरह सही बुखारी की रिवायत है, उसामा बिन जैद रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बेटी का एक लड़का इंतकाल कर गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस वक्त देखा गया, आपकी आंखों से आंसू जारी थे। तो एक नबी भी जो है औलाद की मौत पर, और औलाद से मुराद अपनी जाति नहीं, औलाद की औलाद नवाज से पोते ये भी होते हैं, या अपने भाई की औलाद, उस पर इंसान को तकलीफ होती है अगर वो मर जाए तो, ठीक। इसी तरह बच्चों की जो है मौत पर वालिदैन को अज्र मिलता है शरीयत में। अगर बच्चे मर जाए आपके पैदाइश के बाद, अगर बच्चे इंतकाल कर जाते हैं, पैदाइश से पहले इंतकाल कर जाते हैं कुछ वजूहत से, तो वालिदैन को अगर वो सब्र करते हैं इनकी मौत पर तो उनको अज्र मिलता है, याद रखिए।
और बड़ा अजर है। सही मुस्लिम की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अबू हुरैरा रजी अल्लाह अनु हदीस के रावी कहते हैं, मुसलमानों के, या आपने फरमाया, मुसलमानों के बच्चे जो बचपन में मर जाते हैं इन्हें अल्लाह जन्नत में छोड़ देता है। मुसलमानों के जो छोटे बच्चे बचपन में मर जाते हैं अल्लाह इन्हें जन्नत में छोड़ देता है जिसमें वो घूमते फिरते हैं, और क़यामत के दिन जब अपने वालिदैन से मिलेंगे तो अपने वालिदैन का हाथ पकड़ेंगे, और जब तक जन्नत में नहीं जाएंगे जब तक अल्लाह इनके वालिदैन को जन्नत में नहीं डालेगा। सुभान अल्लाह। देखिए आप, वो मुसलमानों के बच्चे जो छोटे मर जाते हैं, बालिग होने से पहले मर जाते हैं, पैदाइश से पहले, पैदाइश के फौरन बाद, या बालिग नहीं हुए मर जाते हैं, ये बच्चों को अल्लाह जन्नत में छोड़ देता है। रोज़े क़यामत ये बच्चे दौड़ते हुए आएंगे, अपने वालिदैन माँ और बाप का हाथ पकड़ेंगे, और हाथ पकड़ के जन्नत में जब तक खुद दाखिल नहीं होंगे जब तक कि अल्लाह इनके वालिदैन को ना डाले, लेकिन उन वालिदैन के जो मौत पर सब्र करे और जिनकी मौत कुफ्र और शिर्क पर ना हुई हो, याद रखे, इसके बगैर नहीं, वरना काफिरों के बच्चे भी मरते हैं, कुफ्र और शिर्क पर मरने वाले का नहीं, तौहीद पर मरा हो उनके बच्चे हाथ पकड़ के जन्नत में ले जाएंगे। इसी तरह सही बुखारी की रिवायत है, अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह ने हदीस के रावी फरमाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ऐसा कोई मुस्लिम जिसके तीन बच्चे बालिग होने से पहले मर जाए, एक रिवायत में दो, एक रिवायत में एक की भी अल्फाज है, ऐसा मुस्लिम जिसके तीन या दो या एक बच्चा बालिग होने से पहले मर जाता है, मर जाए, अल्लाह अपने रहम और फजल से इस बाप को और इस माँ को जन्नत में डाल देगा। ऐसा कोई मुसलमान जिसके तीन बच्चे या दो बच्चे या एक बच्चा बालिग होने से पहले इंतकाल कर जाता है, अल्लाह ऐसे वालिदैन को अपने रहम और फजल से कि उन्होंने सब्र किया तीन तीन औलादों की मौत पर जन्नत में दाखिल करेगा। तो ये औलाद जन्नत में जाने का जरिया है, और वो औलाद जो बालिग होने से पहले मरती है जन्नत में जाने का जरिया है। इसी तरह सुनन निसाई की एक रिवायत है, रावी हदीस फरमाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में, जो मस्जिद में सहाबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अतराफ बैठते, तो एक आदमी उस मजलिस में आता जिसके साथ उसका एक छोटा सा बच्चा आता, और वो अपने बाप के मांडी पर बैठता, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा देखा, मतलब एक मजलिस होती आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, सहाबा आते तो एक सहाबी अपने छोटे बच्चे को लाया करते थे जो मांडी पर बैठता, बहुत छोटा होगा, पता नहीं क्या उम्र रही होंगी, छोटा बच्चा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते कि रोज लेकर आता है अपने बच्चे को, एक दिन पूछा और कहा, तुहिब्बु, क्या तू उससे मोहब्बत करता है अपने बच्चे से, क्या तू अपने बच्चे से मोहब्बत करता है? तो उस आदमी ने जवाब दिया, ए अल्लाह के रसूल, अल्लाह आपसे वैसी मोहब्बत करे जैसी मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, मतलब मैं इससे बहुत बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ, अल्लाह आपसे वैसी मोहब्बत करे जैसी मैं इससे मोहब्बत करता हूँ। उसके बाद रावी हदीस कहते हैं, बहुत मैं मोहब्बत करता हूँ, और कुछ वक्त बाद वो आदमी आना बंद हो गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, वो आदमी कहाँ है जो आता मेरी मजलिस में, जो एक बच्चे को साथ लाता और दर्द सुनता मेरा, मेरी बातों को सुनता, मेरी मजलिस में तशरीफ फरमा होता? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा ने बताया, अल्लाह के रसूल, वो आदमी रोज जो बच्चे को लेकर आता था उसके उस लड़के का इंतकाल हो गया है, और वो इस मजलिस में इसलिए नहीं आता है कि इस मजलिस में आने से उसको उसकी याद आ जाती है, क्योंकि रोज लेकर आता था उसको। अब जाहिर सी बात है, अब वो खाली हाथ आ रहा है, उसका बच्चा उसके साथ नहीं है, तो आप सबको फरमाया गया कि अल्लाह के रसूल, उसको इतना रंज हुआ और वो इस मजलिस में इसलिए आना छोड़ चुका है कि उसके बेटे के इंतकाल की वजह से उसे याद आ जाता है हर बार इस मजलिस में, तो लिहाजा वो आना बंद हो गया, मजलिस में नहीं आ रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे बुला कर लाओ मेरे पास, उसे बुलाओ। जब उस शख्स को बुलाया गया, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इसे बतलाओ। जब वो आया तो आपने फरमाया, ऐ शख्स, तुझे क्या बेहतर लगता है कि इस बच्चे के साथ ये जिंदगी में फायदा उठाए या फिर आखिरत में फायदा उठाए? ऐ शख्स, तुझे क्या बेहतर लगता है, तो इस जिंदगी में इस बच्चे के साथ फायदा उठाए या आखिरत की जिंदगी में? वो सहाबी रसूल थे, क्या बोलते? उन्होंने फरमाया और कहा, जब तुम, क्या तुम आखिरत में, कि जब तुम जन्नत में जाओगे तो हम, तो वो तुमसे पहले से दरवाजे पर तुम्हारे लिए दरवाजा जन्नत तक खोल देगा। ऐ शख्स, तुम क्या चाहते हो, क्या दुनिया में इस बच्चे का फायदा उठाओ या ये तुम चाहते हो कि आखिरत में फायदा उठाओ, कि ये बच्चा जो तुम्हारा फौत हुआ है ये जाएगा, तुमसे पहले जाएगा और जन्नत का दरवाजा तुम्हारे लिए खुलवाएगा, तुम क्या चाहते हो, ये चाहते हो या जिंदगी में फायदा? तो शख्स ने जवाब दिया और कहा, इसने कहा आखिरत में। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, फजा का लक, तो तेरे लिए है, तो तेरे लिए यह हुआ कि तेरा बेटा तुझे जन्नत में ले जाएगा, दरवाजा खुलाएगा। उस पर जब ये सहाबा ने सुना तो एक शख्स सहाबी ने कहा, अल्लाह के रसूल, क्या इसके लिए खास है या सबके लिए है? फौरन पूछ लिया, क्या इसके लिए खास है कि इसका बेटा मरा तो जन्नत में ले जाएगा या सबके लिए? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और कहा,
कि ये तुम सब के लिए, बल कुल्लुकुम, तुम सब के लिए है। मतलब इस उम्मत में से जिस किसी की औलाद जो है बालिग होने से पहले मर जाए तो रोज़े क़यामत वो अपने वालिदैन का हाथ पकड़कर जन्नत में जब तक दाखिल नहीं होंगी जब तक कि उसके वालिदैन को ना किया जाए, और जन्नत का दरवाज़ा खुलवा के रखेंगे अपने वालिदैन के दाखिले के लिए। देख रहे हैं आप औलाद कितनी अहम चीज़ है, इसकी पैदाइश भी खुशी और मसरत, इसकी मौत भी आखिरत में फ़ायदे का बायस है। शरीयत में तो मोमिन के लिए अच्छा खुशी और गम दोनों फ़ायदेमंद है, बशर्ते कि सब्र करे इस पर और खुशी में शुक्र अदा करे, दोनों चीज़ें बड़ी अहम हैं। ठीक, इसी तरह औलाद का कत्ल गैर फितरी अमल है। औलाद की पैदाइश बायस मसरत और फितरी अमल, औलाद का कत्ल गैर फितरी अमल है, और इस्लाम ने औलाद को वजूद में आने के बाद कत्ल करने को हराम करार दिया है। एहतियाती तदाबीर है, वजूद में आने से सब पहले होंगी, वजूद में आने के बाद औलाद को कत्ल करना शरीयत में हराम है, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस बात को बिलखुसूस अरबों को जो अपनी लड़कियों को दफनाते हैं, और बिलउमूम पूरे इंसानियत को और हम जैसे मुसलमानों को भी जो अपने बच्चियों को पैदाइश के बाद तो नहीं पैदाइश से पहले जानकर कत्ल करते हैं, कुरान ने फरमाया सूरह तकबीर सूरह नंबर 81 आयत नंबर 13 से लेकर 14 में फरमाया वाइज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़म्बिन क़ुतिलत, कि उस लड़की को अल्लाह रब्बुल इज्जत रोज़े क़यामत उठाएगा जिसको मार दिया गया होगा उसकी पैदाइश के बाद, और उससे पैदाइश से पहले या उसके बाद, और उससे पूछेगा कि बता किस जुर्म में तेरे तुझे जो कत्ल किया गया। वालिदैन से तो उनकी नाराजगी अल्लाह रब्बुल इज्जत की इस आयत में जाहिर है, अल्लाह इतना नाराज होगा कि उनसे जो है उन वालिदैन से तो बात ही नहीं करेगा, उस बच्चे से सवाल करेंगे और पूछेगा कि बता किस जुर्म में तुझे कत्ल किया गया है। वो लड़की जो अरब दफना देते पैदा होने के बाद, और उन लड़कियों को जो हम पैदाइश से पहले कत्ल करते आज के जदीद दौर में, अल्लाह उन बच्चियों को लाएंगा और पूछेगा वैज़ल मऊदतु सुइलत, उस बच्ची से सवाल होगा ब्याई जमीन कुतिलत, कि जुर्म में तुझे मारा गया। और मैं समझता हूँ उन हन्नी और मासूम शायद ना जानती होंगी और क्या जवाब देंगी अपने रब के सामने, और रब का गजब क्या होगा उन वालिदैन पर जब वो छोटी सी बच्ची जवाब नहीं दे, रब को क्या जवाब देंगे, वो कहेंगे अल्लाह तू बेहतर जानता है इन्होंने क्यों कत्ल किया, मैं क्या जानू, उसको तो मालूम नहीं दुनिया क्या थी। अंदाजा लगा लीजिए इस हद तक बुरा माना है। दूसरी आयत ने फरमाता है अल्लाह रब्बुल इज्जत सूरह अनाम सूरह नंबर 6 आयत 151 में फरमाया वला तक्तुलु औलादकुम मिन इमलाक, कि तुम अपनी औलाद को इस डर से मत कत्ल कर दो कि क्या खिलाओगे, नहनु नरजुकुकुम व इयाहुम, हम तुमको भी देंगे और उनको भी देंगे। दूसरी आयत ने फरमाया सूरह बनी इसराइल सूरह नंबर 13 आयत 31 के अंदर फरमाया कहा वला तक्तुलु औलादकुम मिन खशयति इमलाक, अपनी औलाद को मुफलिसी के डर से ना कत्ल कर दो, और फरमाया नहनु नरजुकुकुम व इयाकुम, हम उनको भी देंगे और तुमको भी रोजी देने वाले। तो कोई इंसान क्या खिलाएंगा इस डर से औलाद तो खत्म नहीं कर सकता, याद रखिए ये बात बिल्कुल तय है कि क्या खिलाएंगे कहाँ पढ़ाएंगे इनके लिए, अब अपने पास कुछ पैसा नहीं है, नहीं, इसलिए कि हर पैदा होने वाला अपनी तकदीर लिख कर लाता है, याद रखिए। क्या आप और मैं समझते हैं हम खिलाते हैं लोगों को, अगर ऐसा सोचते हैं तो भूल जाइए, वल्लाह रब्बुल इज्जत जो रिस्क देने वाला है आपको भी खिलाता है और हमें मुझे भी खिलाता है और हमारे बच्चों को भी खिलाता है, याद रखिए। वो अपना रिस्क लेकर आएंगे जब आएंगे, तो हर आने वाला अपना रिस्क लाता है, तो कोई शख्स रिस्क के डर से औलाद तो कत्ल ना करे, याद रखिए। शरीयत ने दो मर्तबा इसको दोहराया और उस बच्ची का वाकया बयान किया कि उससे पूछा जाएगा किस जुर्म में उस बच्ची को कत्ल किया गया, अंदाजा लगाइए वो बच्ची क्या जवाब देंगे। इसी तरह जो बच्चे पैदा हो गए तो उनका मारना जिस तरह से हराम है, उसी तरह उन बच्चों का मारना भी शरीयत में हराम है जो अभी पैदा नहीं हुए, याद रखिए। दोनों चीजें शरीयत के अंदर उतनी ही जो है सख्त हराम है, और शरीयत ने बच्चों का तो इस हद तक तहफ्फुज किया, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हद तक उनका तहफ्फुज किया कि दुश्मन के बच्चों का कत्ल करना भी शरीयत में हराम है। एक वाकया आता है मुस्नद अहमद की रिवायत है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जंग में थे, और जंग के बाद आपने देखा कुछ बच्चे कत्ल किए गए काफिरों के मुशरिकीन की, तो आपने कहा लोगों से और फरमाया कि आज लोगों ने कत्ल में हद से ज़्यादा हद से तजावुज किया है, हद से आगे बढ़ गए हैं। तो एक शख्स ने कहा अल्लाह के रसूल काफिरों के बच्चे ही तो थे, इसमें क्या हुआ अगर उनको मार दिए हैं। तो एक शख्स ने कहा ये काफिरों मुशरिकीन तो बच्चे थे, मुशरिकीन के बच्चे थे क्या हो मार दिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अला इन खियारकुम अबनाउल मुशरिकीन, तुम में सबसे बेहतरीन लोग मुशरिकीन की औलाद ही है। इसलिए कि अबू बकर कौन थे और उमर कौन थे, उस्मान कौन थे, इनके वालिदैन कौन थे, ये मुशरिकीन की तो औलाद थे ये सब। तो कहा तुम में सबसे खैर तो वही है जो मुशरिक की औलाद है, और तुम इसे कत्ल करे हो
पता नहीं आगे चलकर इस्लाम कबूल कर ले, जो तुम कह रहे हो मुशरिक के बच्चे थे। शरीयत ने तो मुशरिकीन के बच्चों को जंग की हालत में कत्ल करने से मना किया, बाकी तो छोड़ दीजिए जंग की हालत में। तो रहा अपने बच्चे को अपने पेट में मारना, ये शरीयत कैसे इजाजत देंगी कि मुशरिकों के बच्चों को मारने को जिसने मना किया और जो है इतना उनका तहफ्फुज़ किया। और शरीयत में याद रखिए इतना इनका तहफ्फुज़ है और इतना इनके ऊपर वो किया। और आपने आगे फरमाया और कहा मुशरिकीन की औलाद है और कहा अला ला तख्तुलू जुर्रिया, और याद रखना आज के बाद बच्चों को खत्म मत करना जंग के अंदर, जुर्रियत को औलाद तो किसी की खत्म करना, चाहे मुशरिक हो चाहे मोमिन, उनका खत्म नहीं होगा। याद रखिए शरीयत में औलाद की इतनी अहमियत है और इतनी ज्यादा इतनी ज्यादा इतनी ज्यादा इतने हक इस औलाद के जो पैदा हुए इतने हैं कि वलद उस जिना को भी वजूद में आने के बाद कत्ल करने की इजाजत नहीं है। वो औलाद जो जिना की वजह से वजूद में आई उसको भी आप कत्ल नहीं कर सकते। रहने दीजिए या रहने दीजिए उस वाक्य को और उस बात को, तो कि आप अपनी औलाद को कत्ल करें जो शादी के बाद वजूद में आती है। शरीयत ने उस औलाद को कि अगर दो लोग गुनाह कर ले एक ऐसा संगीन जुर्म जिसके तहत अगर गैर शादीशुदा हो तो कोड़े लगाए जाएंगे और अगर शादीशुदा हो तो उन दोनों को कत्ल किया जाएगा, उसके बावजूद भी अगर औलाद वजूद में आ गई जिना के बावजूद उसको कत्ल करने से भी मना किया। इतनी हुरमत है औलाद की और उसकी जान की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मशहूर वाकया है, एक खातून आई कि अल्लाह के रसूल मुझसे जिना हुआ है, शादीशुदा थी, तो कहा फिर तेरे तो संसार है। पहले तो उसे मुंह मोड़ लिया, फिर कहा कि अल्लाह के मुझसे जिना, फिर मुंह मोड़ लिया, फिर आकर कहा कि मुझसे जिना हुआ, तो कहा ठीक है तुझे सजा दी जाएंगी, केस साबित हुआ। लेकिन उसने कहा मेरे पेट में हमल ठहर गया उस जिना का, तो कहा फिर अब सजा नहीं दी जा सकती। जो वजूद में आ गया अगर जिना की वजह से भी तो पैदा होना हक है उसका, कहा अब उसे कत्ल नहीं किया जा सकता। कहा अभी जा इसके पैदाइश के बाद आना। वो औरत पैदाइश के बाद आई, बच्चे को साथ लाई, कहा अल्लाह के रसूल पैदा हो गया, तो कहा अभी पैदा हुआ इसका हक रजात है, इसे दूध पिला, जब खाने पीने लगे तब आना। वो औरत गई और फिर जब बच्चा खाने पीने लगा तब आई, कहा अल्लाह के रसूल सलम ये बच्चा अब खाने पीने लगा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके हाथ में कुछ दिया, उस बच्चे ने खाया, आपने कहा इस बच्चे को हटा लो अब, क्योंकि अब ये सजा की मुस्तैक हुई। उस औरत को जो है लाया गया और सरे बाजार लाकर हुक्म हुआ सहाबा को उसे मारने का। और संसार होता है इंसान को गर्दन तक दफना देते जमीन में, उसका सिर्फ सर ऊपर होता है, उसको पत्थर मार के कत्ल करते हैं। जब सहाबा पत्थर मारने लगे तो उसकी जान ना निकलती, अली बिन अबी तालिब आगे बढ़े, एक बड़ा पत्थर लिया उसके सर पर उठाकर डाल दिया। जब पत्थर मारा तो खून का एक फवारा उनके आंख पे उड़ा, उसका सर जब फटा तो आपने करहात का इजहार किया कि इसका खून एक जानिया का मेरे हाथ पर आ गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा ली उस औरत की तौबा इतनी सच्ची थी कि अगर उस औरत की तौबा मदीने के 70 लोगों में तकसीम कर दी जाए तो मगफरत के लिए काफी हो जाएंगी। चूंकि उसने जिना किया, किसी ने देखा था रात में उसने जिना किया, लेकिन अपने रब के लिए वो निकल कर आके मेरे पास सजा ली उसने, जबकि मैंने उसे भेज दिया था। भेजने के बाद चाहती तो भाग जाती, फिर पैदाइश के बाद आई, पैदाइश के बाद चाहती तो फिर भाग जाती, बच्चे के खाते वक्त आई। कहा इसकी तौबा इतनी खालिस और सच्ची थी कि कम अज कम 2 साल से ज्यादा का मौका मिला उसको, चाहती तो भाग जाती, अगर तकसीम की तो तौबा ऐसी चीज है याद रखी। बहरहाल तो यहां इस वलद जिना, इस जिना के लड़के को भी कत्ल नहीं किया गया, इसलिए कि शरीयत में जो वजूद में आ जाए पैदा होना उसका बेसिक और फंडामेंटल राइट है, उसका राइट टू बर्थ, वो पैदा होंगी। फिर वजूद में आने से पहले बहुत सारी तदाबीरें की जा सकती है, इंशाल्लाह तफसीली कुछ तदाबीरें आपके सामने आज मैं जो रखने की बहरहाल कोशिश करूंगा। नाम तो फैमिली प्लानिंग लिया जाता है और खानदानों कम कैसे किया जाए वो सोचा जाता है, हालांकि होना उल्टा चाहिए था ना। फैमिली तो वो प्लान की जाती जो बड़ी हो, छोटी फैमिली प्लान थोड़ी होती है। एक बार एक साहब से दूसरे ने कहा क्या तुम फैमिली प्लानिंग तुमने की है, तो उन्होंने कहा हाँ मैं फैमिली प्लानिंग की नहीं कर रहा हूँ। तो कहा कैसे, तो कहा मैं अभी प्लान कर रहा हूँ कि मेरी एक शादी फिर दूसरी कैसा होंगी, तीसरी कैसा होंगी, चौथी कैसा होंगी, और एक एक से 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 6 बच्चे कैसा पैदा होंगे मैं प्लान कर रहा हूँ। तो कहा ये थोड़ी फैमिली प्लानिंग होती, फैमिली प्लानिंग मतलब 2 बच्चे हो 1 बच्चा हो। तो कहा ये प्लानिंग थोड़ी है, तो बगैर प्लानिंग की भी हो जाता है, प्लानिंग तो ज्यादा बीवी और ज्यादा बच्चों को करना पड़ेगा। कैसा प्लान करूंगा, इनका खाना कहाँ से लाऊंगा, इनके लिए नौकरी मेरी कैसे बढ़ेंगी, इनके लिए कैसी मशक्कत करूंगा, इनकी तरबियत तो कहाँ डालूंगा, कौन से मदरसे में जाएंगे, कौन से स्कूल, प्लानिंग तो वहां लगेंगी। ये 2 बच्चों की क्या प्लानिंग लगती है, प्लानिंग तो ज्यादा बच्चों को होती है। और वाकईतन बात सही है ना, प्लानिंग तो तब होंगी जब तो मेरे घर पर 2 लोग आ रहे हैं प्रोग्राम में, इसके लिए कोई प्लानिंग करूंगा मैं, आइए सोफे बैठ जाइए मैं दूसरे सोफे पर आपको सुना देता हूँ दर्स। प्लानिंग तो तब होंगी जब ज्यादा तादाद में लोग आएंगे, तो इंतजाम तैयारियां, तो नाम तो है प्लानिंग लेकिन काम डिस्ट्रक्शन का उसके खिलाफ,
देखिए शरीयत फैमिली प्लानिंग के खिलाफ नहीं है। अगर फैमिली प्लानिंग का माना यह है कि औलाद को तरतीब देना, उनके अंदर वक्फा रखना जिससे औलाद की क्या खिलाएंगे वो नहीं, जिससे औलाद की तरबियत को मौका मिले, तो बिल्कुल जायज़ है, इसमें कोई हर्ज नहीं। लेकिन ये तमाम चीज़ें उसके वजूद में आने से पहले याद रखिए, बात का तो सोचिए मत, वजूद में आने के बाद तो बेसिक उसका हक पैदा होना ही होगा सिर्फ, ठीक है। तो अगर कोई ये सोचता है कि मेरी फैमिली में प्लान करूं इस एतबार से कि एक बच्चे के बाद 2 साल का गैप हो ताकि बीवी की सेहत भी सुधर जाए और बच्चे की तालीम के लिए आसानी हो, तो बहुत अच्छी बात है, इसमें हर्ज नहीं। लेकिन अगर फैमिली प्लानिंग से मुराद ये कि औलाद को वजूद मिला और जाया करो, औलाद को वजूद मिला और जाया करो, औलाद को वजूद मिला और जाया करो, फिर जब दिल बोलेगा वो जो वजूद में आएंगी तब उसको बाकी रखेंगे, तो ये हरगिज फैमिली प्लानिंग नहीं है, याद रखिए। प्लान कहां, आप तो बर्बाद कर रहे हैं उसको, ठीक है। तो फैमिली प्लानिंग के माजी में क्या तरीके थे और अभी जो है, मतलब माफ करना, जो माजी में क्या क्या तरीके थे पास्ट में और मुस्तकबिल फ्यूचर में क्या अभी चल रही है, चल रहे और क्या होंगे, उसके ताल्लुक से कुछ तबसरा करता हूं। माजी में इंसान फैमिली प्लानिंग करते थे, जब्त विलादत बर्थ प्रिवेंशन करते थे, कॉन्ट्रासेप्टिव्स या मुख्तलिफ चीजों का इस्तेमाल करते थे, जो माजी में, पास्ट में जो इस्तेमाल होते थे, तो फैमिली प्लानिंग के या कॉन्ट्रासेप्टिव के या जब्त विलादत के लिए 5 तरीके इख्तियार किए जाते थे। पहला तरीका था जंग, जंगों में खुद ब खुद लोग मारे जाते हैं, पॉपुलेशन कंट्रोल में आ जाती है और खुद जो है बर्थ प्रिवेंशन की जरूरत नहीं पड़ती है, पॉपुलेशन कम होती है, लाखों लोग मर जाते हैं, आबादियां कम हो जाती थी। दूसरा तरीका था औलाद को कत्ल करना, क्योंकि जदीद आलात नहीं थे, औलाद पैदा होती, पैदा होने के बाद वो पैदाइश के फौरन बाद या 1-2 साल बाद उसको गढ़ा करके दफना देते थे, ये दूसरा तरीका था जब्त विलादत का। तीसरा तरीका था रहबानियत सेलिबेसी, के लोग निकाह नहीं करते थे, औरतों से दूर रहते थे, ये एक तरीका था, लेकिन आयन मुमकिन नहीं कि उस पर इंसान टिक सके, इसलिए कुरान में अल्लाह ने कहा कि अहले किताब ने अपने ऊपर रहबानियत इख्तियार की, हालांकि उनको इसका हुक्म नहीं था, लेकिन करने के बाद उस पर कायम ना रह सके, गड़बड़ हुई उनसे, खाली नाम लिया सेलिबेसी का, रहबानियत का, और बाकी सब करते रहे, ठीक। तो कहा उनसे फिर हो ना सके, इसलिए कि वो नफ्स पे जुल्म था उनके। तो सेलिबेसी तीसरा तरीका था जो उस जमाने में कि औरतों से दूर रहो, इस वजह से ना औरतों से नजदीक जाएंगी, ना औलाद वजूद में आएंगी, ना पैदा होंगी, तो औलाद से दूर रहना, माफ करना, औरत से दूर रहना। चौथा तरीका था मुखन्नस कास्ट्रेशन, जिसको बोलते हैं कि एक मर्द जो है उसके जो है फौते जो होते हैं उसमें से टेस्टिस निकाल लिए जाते, ठीक है, जिसकी वजह से उसकी ख्वाहिशात तो बाकी रहती लेकिन औलाद नहीं पैदा हो सकती, फिर मुखन्नस जिसको कहते हैं, ठीक है, तो कास्ट्रेशन जिसको बोलते हैं, ठीक है, तो वो जो है करके जो है लोग औलाद से बच जाते थे या अपने आप को औलाद ना पैदा हो बोलकर करते थे। और चौथा और पांचवा तरीका था जो अज़ल जिसको इंग्लिश में कहते हैं कोइटस इंटरप्टस, अज़ल मतलब एक इंसान अपनी बीवी से हमबिस्तरी करे और जब उसके मनी खारिज होने का वक्त हो तो वो पीछे हट जाए, जिसके वजह से उसका मनी जो है बाहर निकलता है, ये एक तरीका था। तो ये 5 तरीके थे जो पास्ट में इस्तेमाल होते थे, जिसके जरिए बर्थ कंट्रोल, बर्थ प्रिवेंशन या फैमिली प्लानिंग, जिसको आम जबान में कहेंगे, उसका एक पार्ट इस तरह से अदा होता था। ये तो था जो है माजी में क्या हुआ। अब आज के इस दौर में क्या क्या चीज़ें बहरहाल होती थी, हम उसको इंशाल्लाह देखेंगे, और उसमें मैं हर चीज़ के बोलने के बाद उसका हुक्म जो उलमा ने लगाया हराम हलाल या किन शक्लों में जायज़ है इंशाल्लाह रखता जाऊंगा एक के बाद एक, ठीक, ताकि बात वाजे होते जाए, ठीक। लेकिन एक अहम बात इससे पहले कि मैं आज के तरीक़ों और उसमें हलाल और हराम रखूँ, इन तमाम तरीक़ों में एक बात हर बार अपने जहन में उसूली रखेंगे, वजूद में आने के बाद कोई तरीक़ा इख्तियार नहीं कर सकते आप, ये बात उसूली है। ये सब बातें वजूद में आने से पहले होंगी, जब मैं कहूँगा ये दुरुस्त है, ये हलाल है, ये हराम है, ये सब वजूद में आने से पहले, वजूद में आने के बाद सिवाय पैदा होने के उसका और कोई दूसरा मामला नहीं, पैदा होंगे, सिवाय फिर माँ की जान को खतरा है, दोनों में से कोई एक बचाना है तो वो एक अलग शक्ल है, वो एक अलग शक्ल है। लेकिन आम हालत में जो है पैदा होना औलाद का वजूद में आने के बाद उसका हक है, ठीक है। इसी तरह आज के दौर में जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं या जो चीज़ें इस्तेमाल लोग करते हैं वो 7 किस्म के हैं, माजी में जो होते थे, पास्ट में जो हुए वो 5 थे, अब 7 हैं। पहला उसमें से है रहबानियत सेलिबेसी, इंसान अपनी बीवी से दूर रहे जब तक औलाद नहीं चाहिए। दूसरा तरीका है नेचुरल मेथड्स, कुदरती कुछ तरीके जिसके जरिए वो औलाद को वजूद में ना आने दें। तीसरा तरीका है प्राइवेट बैरियर मेथड्स, कुछ ऐसे तरीके जिसके जरिए कुछ आलात औरत के जिस्म में लगाए जाते हैं जिसकी वजह से औलाद वजूद में नहीं आती है। उसके बाद चौथा तरीका है कॉम्प्लेक्स बैरियर मेथड, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें, मतलब प्राइवेट बैरियर मेथड वो चीज़ें होती है जो इंसान खुद इस्तेमाल कर सकता है जिसके जरिए औलाद वजूद में ना आए, और कॉम्प्लेक्स बैरियर मेथड वो होते हैं जिसके जरिए मखसूस कुछ अमल करके औरत के जिस्म में कुछ चीज़ें लगाई जाती है जिसकी वजह से औलाद वजूद में नहीं आती है। पांचवा तरीका है हार्मोनल मेथड्स,
मतलब ऐसे जीन्स इंसानी जिसमें डाले जाते हैं, हार्मोन्स डाले जाते हैं जिसकी वजह से बच्चा वजूद में ना आए। और इसके अलावा जो है छठा तरीका है सर्जिकल मेथड्स, मतलब सर्जरी के जरिए औलाद वजूद में आ गई, माँ की जान को खतरा है तो उसको काट कर, सर्जिकल मेथड्स या जिस इंसानी जिसमें या खुद औलाद के ऊपर सर्जिकल मेथड्स। और पाँचवा तरीका है, सातवा तरीका है एबॉर्शन। ये सात तरीके हैं जो आज के दौर में औलाद के जब्ते विलादत या बर्थ प्रिवेंशन के लिए फैमिली प्लानिंग के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। अब इन सात के अंदर उनके मुख्तलिफ अकसाम और क्या उसमें हुक्म है, इंशाल्लाह मैं एक के बाद एक रखता जाऊंगा। अब जो जितने तरीके हैं जो मैंने सात बताए, ये सात तरीके दो किस्म के होते हैं, रिवर्सिबल इररिवर्सिबल। मतलब वो तरीके जिसके अंदर हमेशगी के लिए औलाद का पैदा होना बंद किया जाता है, और वो तरीका जिसमें वक्तन आरजी टेम्पररी तौर से रोक दिया जाता है। तो रिवर्सिबल मेथड वो होता है जिसमें आरजी होता है, मतलब थोड़ी दिन के लिए औलाद पैदा नहीं होती फिर हो सकती है, और इररिवर्सिबल में औलाद कभी पैदा नहीं हो सकती फिर, ये टेम्परमानेंट है, हमेशगी के लिए जब्त विलादत होती है, और हमेशगी के लिए जब्त विलादत करना शरीयत में हराम है। टेम्पररी मेथड्स आप यूज कर सकते हैं आरजी, लेकिन इसके अलावा जो परमानेंट मेथड्स है जो इरिवर्सिबल होते हैं इसको तब्दील करना शरीयत में, ये काम करना हराम, याद रखिए। ठीक, तो ये रिवर्सिबल मतलब ये सात तरीकों में दो टाइप्स के होते हैं, ये जो वापस टेम्पररी और जो हमेशगी वाले, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। ठीक, इसी तरह एक गलतफहमी का इजाला कर दूं इससे पहले मैं आगे चलूं। वो गलतफहमी क्या होती है, आबादियां बढ़ने से रिस्क कम हो सकता है, आबादियां बढ़ने से आपके बच्चों को अच्छी तरबियत और तालीम नहीं मिल सकती है, ज्यादा बच्चे होने से आपका बच्चा अच्छे स्कूल कॉलेज में नहीं आ सकता है, ज्यादा बच्चे होने से आपका बच्चा डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकता है, ज्यादा बच्चे होने से पॉपुलेशन से बड़ी तकलीफें हो सकती, जबकि ये सब ढकोसले है, याद रखिए। इसलिए कि दुनिया शाहिद और गवाह है कि हिंदुस्तान जैसा मुल्क, दो दुनिया के ऐसे मुल्क है जिनके यहां सबसे ज्यादा आबादी है, लेकिन एक का बेड़ा तो गर्क हो गया चीन का, हिंदुस्तान अल्हम्दुलिल्लाह उसमें बच गया। वो इस तरह से चीन ने फैमिली प्लानिंग के ऐसे मेथड्स लागू किए कि एक इंसान सिर्फ एक बच्चा पैदा कर सकता है, राशन कार्ड जैसे होते हैं, बच्चा पैदा होते कार्ड बनता है, अब दूसरा हो तो फाइन लगेगा, ठीक है, तो एक कर सकता है। तो चीन ने ऐसा खतरनाक नुकसान उठाया है जिसकी इंतिया नहीं कि वहां कोई रिटायरमेंट एज लिमिट नहीं है, मालूम आपको, आप जिंदगी जब तक काम करना पड़ेगा आपको, इसलिए कि जो जवान नस्ल है उनके पास खत्म हो गई है, जो जवान नस्ल जो 14 से लेकर 25 के बीच में होती है वो साफ हो चुकी है, उनके पास सिर्फ बूढ़े हैं और सिर्फ बच्चे हैं, क्योंकि फैमिली प्लानिंग के वो मेथड को इख्तियार कैसे एक बच्चा जिससे फिर हमारा प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, फला होगा या रिस्क की कमी ना हो जाए डर से किया, आज वो परेशान है। हिंदुस्तान ने वो कानून लागू नहीं किया, अल्हम्दुलिल्लाह आज हिंदुस्तान अपनी आबादी का पूरे दुनिया में फायदा उठा रहा है। आबादियां सिवाय फायदे के कुछ नहीं लाती है, मालूम आपको, कुछ नहीं लाती सिवाय फायदे के। आज आप देखिए अमेरिका चले जाइए, अमेरिका में अगर एक कॉल करेंगे आप, मोबाइल होते हैं ना आपके, मोबाइल एक कॉल करेंगे तो आपको 25 सेंट्स लग जाएंगे, 25 सेंट्स को आप तब्दील करेंगे अपने रुपये में तो कमोबेश जो है एक कॉल जो जाएंगी कमोबेश 18 रुपये 70 रुपये मिनट जाएंगी। हिंदुस्तान में आबादी का यह फायदा है कि रात में फुकट की कॉल है, फ्री कॉल्स, फ्री SMS, यूजर्स इतने ज्यादा है, लाइन्स खरीद ली गई, स्पेक्ट्रम ब्रॉड पूरा जो उनका जितना वो लेते हैं स्लॉट पूरा उनका फायदा देता है, ज्यादा देता है, तो स्कीम्स निकाल रहे हैं, सस्ता कर रहे हैं, दुनिया के सबसे सस्ते मोबाइल, सबसे सस्ती गाड़ियां, सबसे ज्यादा गाड़ियां, सब तमाम चीजें कहां हैं, जहां आबादी है। आज दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनी हिंदुस्तान को टारगेट कर रही, जिसकी इकोनॉमी हालांकि दुनिया के अंदर वर्ल्ड लिस्ट में बहुत कम है, इकोनॉमी के एतबार से रुपया इंडियन रुपीज बहुत आला दर्जे का आला मुकाम नहीं रखता है, लेकिन उसके बाद भी दुनिया की हर कंपनी आकर हिंदुस्तान में गाड़ियां बेच रही। और बड़ी बात आप जाने दीजिए, औरंगाबाद जैसा शहर जिसकी आबादी 25 लाख के करीब है, इसके फायदे भी देखिए कि औरंगाबाद आज दुनिया में बहुत ऊंचा मुकाम रखता है, कि औरंगाबाद में एक वक्त में 150 मर्सिडीज गाड़ियां खरीदी थी, हत्ता कि जर्मनी से उसका मैनेजिंग डायरेक्टर आया था औरंगाबाद, उसने अपने हाथों से चाबियां दी, 150 मर्सिडीज कहीं नहीं बिकी आज तक दुनिया के अंदर, तो यहां कैसे बिकी, आबादी के फायदे भाई मेरे, जर्मनी से आ रहा चाबी देने आपको, जिस गाड़ियों को आप सोचते थे आज आपकी सड़कों पर चलती है, क्यों, पॉपुलेशन, ये आबादियों ने उनको अपने चीजों को सस्ता करके मार्केट में बेचने पे मजबूर किया। तो आज आबादियों के फायदे आप देखिए, इतने फायदे हैं, तो ये सिर्फ ढकोसला है, आबादियों से नुकसान, माल की कमी, रिस्क में कमी, तालीम, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, ये फर्क देखिए। और इस बात को
असल चीज जो नुकसानदेह हिंदुस्तान के लिए वो आबादी नहीं है, करप्शन है, याद रखिए करप्शन, आबादी नहीं करप्शन, ये करप्शन सबसे नुकसानदेह चीज, आबादियां नहीं, याद रखिए आबादियों के तो फायदे ही है। और मुकेश अंबानी जो एक मशहूर शख्सियत है, ये एक मरतबा पाकिस्तान गया था, वहां उसका एक इंटरव्यू था, इत्तेफाक से मैंने एक चैनल पर जो है उसको इंटरव्यू को देखा था, एक बिजनेस चैनल था वो, शायद CNBC उसका नाम था, उस पर उसका इंटरव्यू आ रहा था। जब पाकिस्तान विजिट किया तो उसे किसी इंटरव्यू लिया और कहा कि हिंदुस्तान के बारे में आप क्या कहेंगे इसकी आबादी से मुतालिक, पॉपुलेशन 100 करोड़ जब हुई थी आबादी, जब वहां था 100 करोड़ हुई, उसे पूछा आप क्या कहेंगे, तो बड़ा अच्छा कमेंट किया था उसने और कहा था इंडिया इज नॉट अ कंट्री ऑफ 1 बिलियन प्रॉब्लम, मतलब इंडिया की अगर आबादी 1 बिलियन है, 1 खरब है, तो ये आप क्या समझ रहे हैं इससे 1 बिलियन प्रॉब्लम होंगे। उसने कहा नहीं, इंडिया इज नॉट अ कंट्री ऑफ 1 बिलियन प्रॉब्लम बट अ कंट्री ऑफ 1 बिलियन अपॉर्चुनिटीज। ये 1 बिलियन की आबादी कोई मसला नहीं है, ये 1 बिलियन की आबादी तो मुख्तलिफ जराए फराहम कर रही है इंसानियत को, अपॉर्चुनिटीज देती है, 1 बिलियन अपॉर्चुनिटीज। तो वाकई में आबादियां नुकसानदेह नहीं है, आबादियां कम होना नुकसानदेह मान लो। और दुनिया आज गवाह है, एक तरफ जर्मनी है जिसकी आबादियां दिन रात घट रही है, उसके बाजू उसका एक मुल्क है पड़ोसी तुर्की, जहां आबादी एक्सप्लोड हो रही है, फैल रही है, तो तुर्की लोग जाते और जर्मनी में बस जाते, तुर्की लोग निकल के क्रोएशिया में चल जाते रशिया की तरफ, चूंकि इसकी बाउंड्रीज बहुत से मुल्कों से मिलती है, तो ये उबल रहा है और वो घट रही है। यहां नए शहर बन रहे हैं, वहां शहर खत्म हो रहे हैं, खत्म हो रहे मान लो, चूंकि शादी करते नहीं है, आबादियां बढ़ती नहीं, आबादियों को बढ़ाते नहीं है, तो शहर जो थे 2 लाख के 1.5 लाख 1 लाख वहां कम हो रहे हैं, यहां बढ़ रहे हैं, एक्सप्लोड हो रहे हैं, वहां कम हो रहे हैं। हत्ता कि एक मिसल, एक मुहावरा, एक आम है जर्मन लोगों के अंदर, वो कहते हैं द लास्ट जर्मन विल बी बरीड बाय अ टर्क, आखिरी जर्मन को एक तुर्की वाला दफना देंगे आगे, चूंकि ये बढ़ते जा रहे और ये कम होते जा रहे, तो जब ये कम होंगे तो जर्मनी को जो वर्कफोर्स लगती हर साल वो तुर्की से लेता है मैन पावर, वो कहता है 5 लाख तुर्कों को दो, तुर्क जब जाते हैं जर्मनी में कहते हैं नेशनलिटी दो, फिर तुमको देना पड़ती है 5 लाख हर साल जाएंगे, ये 5 के 25 हो जाएंगे 10 साल के अंदर, तो जाहिर सी बात है इनकी बढ़ती जाएंगी, और वो जिना में मुलविस होकर निकाह करते नहीं, औलाद पैदा नहीं करते, मरते जा रहे हैं, तो थोड़े दिन होगा कि जो शहर खत्म हो रहे हैं तो ये तुर्क बस जाएंगे और जर्मनों को दफनाते जाएंगे ले जा, समझ रहे आप। आबादियां फायदा है, इसका कोई नुकसान नहीं, याद रखे कभी भी। आइए एक दूसरी गलतफहमी, उसका इजाला करके आगे बढ़ता हूं इन तरीकों की तरफ, कि गलतफहमी यह है कि 120 दिन से पहले अगर हमल को जाया कर दिया जाए तो जायज है। ये पता नहीं बात किसने उड़ा दी, ये अफवाह है, इस पर कभी ध्यान मत दीजिए, ये उड़ाई हुई बात है फालतू की, कि 120 दिन अगर 4 महीने से पहले अगर आप जाया करें तो जायज है, ऐसी कोई रिवायत, कोई दलील, कोई बात किताब सुन्नत से साबित नहीं है, याद रख लीजिए। हाँ, हदीस में सिर्फ इतना है कि जब मां के पेट में बच्चा 40 दिन का होता है, मतलब 120 दिन मतलब 4 महीने का होता है, तब फरिश्ता उसमें रूह फूंकता है, लेकिन ये थोड़ी कहा कि उससे पहले वो बेजान होता है उसको मारना जायज है, रूह आती है एक अलग बात है, लेकिन ये तो नहीं कहा शरीयत कि रूह से पहले वो गोश्त का एक टुकड़ा उसको मार दो। तो ये गलत फहमी के चक्कर में बहुत से लोग कहते हैं कि अभी 4 महीने से पहले जाया कर सकते, नहीं, कोई हदीस और कोई कुरान और सही हदीस का कोई मतन इसकी दलील नहीं, दलालत नहीं करता कि आप बच्चों को 4 महीने से पहले कत्ल कर सकते, नहीं, वजूद में आने के बाद पैदा होना इनका हक है, याद रखिए, ठीक है। अब आइए, पहला तरीका जो इस्तेमाल किया जाता है बर्थ प्रिवेंशन के लिए फैमिली प्लानिंग में, वो है सेलिबेसी, एब्सटिनेंस, रहबानियत, कि अपनी बीवी से दूर रहा जाए, ठीक। लेकिन ये तरीका हमीशगी वाला नहीं है, मुमकिन नहीं कि हर आदमी शादी करके अपनी बीवी से दूर रहे, ये तो हो सकता है एक आध महीना दूर रहे, 40-45 दिन दूर रहे, 2 महीने दूर रहे कि औलाद नहीं चाहिए, लेकिन ये तरीका हरगिज कारगर साबित नहीं होता कि आप सेलिबेसी को इख्तियार करें निकाह के बाद कि अब 2 साल औलाद नहीं चाहिए तो 2 साल बीवी के पास नहीं जाएंगा, मुमकिन नहीं, याद रखिए तरीका, गो ये भी एक तरीका है, और हमेशगी से इख्तियार करना तो हराम है, हमेशा कोई किसी अपनी निकाह करके बीवी से दूर रहे तो निकाह क्यों किया उसने, है ना, तो हमेशगी के लिए यह तरीका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, ठीक। लेकिन कुछ वक्त तक इस तरीके को इख्तियार किया जा सकता है, अगर आप चाहते हैं कि औलाद आपको ना हो तो कुछ वक्त अगर आप में इतना मामला है, इतना कंट्रोल है, इतना जब्त है और आप दूर रह सकते हैं और आप
बुराई से जो है फितने और फसाद से अपनी नफ्स को बचा सकते हैं तो एक तरीका है, या ये तरीका उन लोगों के लिए भी कारगर साबित हो सकता है जिनको कोई बीमारियां हो जाती है, जिसकी बुनियाद पर डॉक्टर कहता है कि आप अपनी बीवी से या अपने शौहर से हम बिस्तर ही नहीं कर सकते साल दो साल, तो तब ये तरीका कारगर हो सकता है सेलिबेसी, कि आप दो साल तक बीवी के नज़दीक नहीं जाएंगे। या उनके लिए भी हो सकता है जो परमानेंटली कुछ वजह से उनकी बॉडी डिसेबल हो गई हो और मियाँ बीवी हम बिस्तर ही नहीं कर सकते लेकिन फिर भी दोनों निकाह में रहना चाहते हैं, जैसा अल्लाह ना करे बीवी या शौहर को किसी को एड्स है, बीमारी है, लेकिन दोनों साथ जिंदगी गुजारना चाहते हैं, तलाक नहीं देना चाहता वो आदमी, तब जाहिर सी बात है हम बिस्तर ही नहीं कर सकते, तो सेलिबेसी वहां तरीका लागू हो जाएगा, वहां अपनी बीवी से कभी मिलेगा नहीं लेकिन वो निकाह में उसके रहेंगे, समझे आप बात को। लेकिन ये तरीका हर आम आदमी के लिए तो जाहिर सूटेबल नहीं होगा, लेकिन ये भी एक नेचुरल मेथड है कि आप थोड़े दिन अपने बीवी से दूर रहें या जितने दिन औलाद नहीं चाहते उतने दिन दूर रहें, ये पहला तरीका है, ठीक है। हमेशगी के लिए सेलिबेसी हराम है, रहबानियत हाँ कुछ वक्त के लिए शरीयत में जायज है, आप अपने आप को रोक सकते हैं, पहला। दूसरा तरीका नेचुरल मेथड, कुदरती तरीके। अब कुदरती तरीकों के अंदर तीन तरीके याद रखिए, ये बिल्कुल नेचुरल कुछ नहीं करना होता इसके लिए आपको। पहला मेथड है रिदम मेथड, मैं इसकी तफसीलात आगे दूंगा। दूसरा है कोइटस इंटरप्टस, अज़ल वाला मेथड जो मैंने इससे पहले रखा था। और तीसरा तरीका है, माफ करना, इसमें दो ही तरीके हैं, एक रिदम और दूसरा कोइटस इंटरप्टस अज़ल वाला। पहला तरीका क्या है जो रिदम मेथड है, ये तरीका ये है कि औरत के उन अय्याम में उससे आप दूर रहे जो अय्याम सबसे ज्यादा इम्कान है कि उन अय्याम में हम बिस्तरी करने से औलाद पैदा हो सकती है, जिसको कहते हैं अनसेफ पीरियड। अब ये पीरियड कब होता है वो भी बता देता हूं मैं, या मैं उल्टा करता हूं, पहले आपको सेफ पीरियड क्या है बता देता हूं, तो अनसेफ आप समझ जाइए क्या है। औरत एक खातून उसको हैज जब आ जाता है, उसकी एमसी गुजर जाती है, उसके बाद से जब वो पाक होती है उससे लेकर चार दिन से सात दिन, ये वो दिन अय्याम होते हैं जिन अय्याम में अगर कोई आदमी से हम बिस्तरी करें तो बहुत इम्कान है कि उसका हमल ठहरने वाला नहीं है, इसलिए कि ये सेफ पीरियड है और उसकी बच्चेदानियां भी बनना शुरू होती है इसके बाद। तो उन अय्याम में अगर कोई हम बिस्तरी करे तो जरूरी नहीं है, लेकिन हाई पॉसिबिलिटीज है कि औलाद पैदा नहीं होंगे, इसको बोलते हैं सेफ पीरियड। और इसी तरह औरत के हैज आने से फिर सात से चार दिन, सात से आखिर दिन तक वो अय्याम होते हैं जिन अय्याम में हम बिस्तरी करने से, ये भी सेफ पीरियड होता है, उसको वजूद में हमल ठहरने वाला नहीं है फिर। और इसके अलावा ये सात दिन या चार दिन से लेकर पांच छह सात, या पांच से लेकर या चार छह से लेकर या सात से लेकर जो अय्याम होते हैं, जो बिलखसूस दस दिन होते हैं उसके एमसी के बाद से दस, मतलब ये अय्याम छोड़ के दस दिन, ये हाईएस्ट पॉसिबिलिटीज डेज होते हैं जब हम बिस्तरी करने से हमल वजूद में आ सकता है, इसको बोलते हैं अनसेफ पीरियड। और बिलखसूस तेरहवा दिन हमल है इसके बाद, और चौदहवा दिन सबसे हाईएस्ट पॉसिबिलिटीज होती है कि अगर हम बिस्तरी करेंगे तो हमल में, हमल वजूद में आ जाएगा। तो इसलिए बहुत से लोग जिनको औलाद नहीं होती, डॉक्टर्स कहते हैं कि ये चौदहवा दिन, तेरह, बारह, तेरह, चौदह और पंद्रह दिन में उनसे हम बिस्तरी करो, हो सकता है वजूद में आ जाए। और अगर किसी को एहतियात करना है तो ये सेफ पीरियड उसके लिए जो हैज के पहले चार पांच दिन और हैज के फौरन बाद चार पांच दिन होता है, अदर की इसमें भी ये सेफ पीरियड होता है और इम्कानात है, यकीनी बात नहीं याद रखी, इसलिए कि हदीस में अल्फाज है जिसको पैदा होना है वो पैदा होकर रहेगा, हत्ता कि अगर पत्थर पे भी मनी किसी गिर जाए अल्लाह को अगर औलाद को वजूद में लाए तो ला लेगा। मतलब ये कि जिसको लिख दिया अल्लाह ने वो तो पैदा होने वाला है, तरीके इख्तियार करो तुम एहतियातन, लेकिन वजूद में आना है तो आने वाला है, ठीक। तो पहला तरीका हुआ रिदम मेथड जो नेचुरल है आपको, लेकिन कैलकुलेशन करना होगा क्या अय्याम चल रहे हैं, कब क्या हुआ, ये एक है, लेकिन कोई गारंटी नहीं, याद रखें। तो आप बोलेंगे फैज़ भाई के दर्स में सुने और फंस गए आकर, ठीक है, मैं गारंटी नहीं ले रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि क्या एहतियात की जा सकती है भाई, वरना मेरे पे वो कर देंगे ये था वो फैज़ भाई होंगे ना, चार पांच साल बाद मिलेंगे तो बोलेंगे ये था वो जो आपने बोले और मैं फंस गया, ठीक है। मैं आपको तरकीब बता रहा हूं, मैं जिम्मा नहीं ले रहा हूं, मैं पहले वादे कर रहा हूं, वरना आप मेरे पीछे पड़ जाएंगे उसके बाद, ठीक है। मैं बता रहा हूं ये सेफ पीरियड है, लेकिन अल्लाह को वजूद में लाना है तो फिर अल्लाह कभी भी ला सकता है, उस पर अल्लाह खादिर है, उस मामले में हमारी कोई नहीं, ये एहतियात इंसान कर सकता है, फर्स्ट। सेकेंड मेथड अज़ल कोइटस इंटरप्टस, कि एक इंसान अपने बीवी से हम बिस्तरी करे और मनी खारिज होने से पहले अपनी बीवी से दूर हट जाए, इस मामले में भी याद रखिए बहुत इम्कान है कि औलाद वजूद में नहीं आएंगी, और इसके परसेंटेज के हिसाब से
76% इम्कान है कि औलाद वजूद में नहीं आएंगी, सिर्फ 24% इम्कान है वजूद में आएंगी। बल्कि मतलब अगर 100 औरतों के साथ मतलब एक 100 जोड़े इस तरह से करें तो सिर्फ 24 को औलाद होंगी और 76 बच जाएंगे, समझ रहे आप। लेकिन ये भी कोई परमानेंट हल नहीं है, याद रखिए, इसलिए कि बहुत सी बार इंसान अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रख पाता और मामला ये हो जाता है कि औलाद वजूद में आ सकती है, ठीक है। लेकिन ये भी एक तरीका हो सकता है, शरीयत के अंदर इस तरीके की कोइटस इंटरप्शन अज़ल की इजाजत तो है लेकिन पसंदीदा नहीं, याद रखिए पसंदीदा नहीं, ये कोई चॉइस फैसला नहीं कहा कि करो, लेकिन इजाजत तो है आप कर सकते हैं चाहे तो। इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी और कहा, मैं अपनी गुलौंडियों से जो है अज़ल करता हूं, मैं नहीं चाहता उनसे औलाद पैदा हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ठीक है तू कर, लेकिन जब वजूद में आ जाए तो औलाद तेरी होंगी। मतलब इसके बाद भी औलाद वजूद में आ सकती है, और फरमाया अल्लाह ने जो तेरी तकदीर में लिख दिया है उसको तो पैदा होना ही है, चाहे तो कुछ भी कर ले, समझे आप बात को। तो पैदा हो इस पे भी, लेकिन ये एक मेथड है कि एक इंसान मनी खारिज होने से पहले अपनी बीवी से दूर हो जाए, कोई टच नहीं। तो ये था नेचुरल मेथड। अब तीसरा मेथड है प्राइवेट बैरियर मेथड्स, मतलब वो तरीके जो इंसान अपने खुद के इस्तेमाल ऐसे करे कुछ चीजें जिनके इस्तेमाल से जो आसान इस्तेमाल करना वो औलाद पैदा ना होने दे। इसके अंदर जो प्राइवेट बैरियर मेथड्स में तीन तरीके, एक स्पर्मिसाइड्स, मतलब ऐसी गोलियां जो औरत की शर्मगाह में डाली जाए, ठीक है, स्पर्मिसाइड, जिससे जब आप उससे हम बिस्तरी करें तो आपका मनी अंदर खारिज होते ही वो पूरे स्पर्म्स को बर्बाद कर देगा, उसको मार देगा, उसके अंदर जो होते हैं जो जाकर जो मिलते हैं अंडे से जो जाकर मिलता है नुत्फे का हिस्सा, तो वो जो है ना मिले बोलकर स्पर्मिसाइड्स एक। इसका दूसरा तरीका, जो दूसरा चीज हो सकती है जो इस्तेमाल हो सकता है प्राइवेट बैरियर मेथड में, वो है कि मुख्तलिफ किस्म के कॉन्डम्स का इस्तेमाल, मुख्तलिफ से मुराद फीमेल कॉन्डम्स और मेल कॉन्डम्स दोनों अलग होते हैं याद रखें, इनका इस्तेमाल भी, लेकिन ये भी हमेशगी के लिए नहीं, टेम्पररी मेथड्स बता रहा हूं सभी। हमेशगी करना शरीयतन हराम है, कोई भी हमेशा औलाद पैदा करने के लिए कोई काम करना हराम है। टेम्पररी मेथड्स, किसी औलाद में कुछ फर्क रखना है, कुछ साल दो साल का वक्फा रखना है, तो ये मेथड्स, ये वो मेथड्स है जो कि आप कर सकते हैं। स्पर्मिसाइड्स, साइड इफेक्ट्स का जिम्मा आपका अपना है, अदर इनके साइड इफेक्ट्स बहुत हैवी होते हैं स्पर्मिसाइड्स। रहा कॉन्डम्स का जो मामला है वो फीमेल और मेल होते हैं, ये इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है, चूंकि कंपनियां खुद बोल देती है कि इसके बाद हम गारंटी नहीं लेते हैं, इसलिए कि जिसको वजूद में आना है हदीस में वादे हैं वो तो वजूद में आकर रहेगा। लेकिन ये भी तरीके कर सकते हैं, ये तरीकों की इजाजत है, लेकिन ये पसंदीदा नहीं है। फिर भी पसंदीदा तो औलाद वजूद में आना, लेकिन एहतियातन आरजी टेम्पररी अगर इन चीजों को इस्तेमाल कर ले तो इंशाल्लाह अजीज इसका जवाब तो है, हमेशा के लिए दुरुस्त नहीं, पसंदीदा नहीं। आइए चौथा तरीका, कॉम्प्लेक्स बैरियर मेथड्स। कॉम्प्लेक्स बैरियर मेथड्स वो होते हैं जिसमें एक मेडिकल फिजिशियन, हेल्थ फिजिशियन स्पेशली औरत की शर्मगाह में कुछ ऐसे डिवाइसेस और चीजें बिठाता है जिसके जरिए औलाद वजूद में ना आए। और ये जो कॉम्प्लेक्स बैरियर मेथड होते हैं इसके अंदर दो तीन मारूफ मशहूर चीजें जो इस्तेमाल होती है, इसके अंदर पहला एक डायफ्राम, दूसरा है सर्विकल कैप, और तीसरा होता है इंट्रा यूट्रीन डिवाइसेस जिसको IUDs बोलते हैं। क्या? इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, IUDs, जो औरत के शर्मगाह के जरिए जो उसके बच्चेदानी में लगाई जाती है, याद रखें। तो ये तीन चीजें होती है, ये भी जो है कॉम्प्लेक्स में बैरियर मेथड है, मतलब ये वो तरीके हैं जिनमें आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है और कमोबेश कुछ ना हो तो पहली बार फिटिंग वो करके देते हैं, चाहे डायफ्राम का मामला हो या फिर सर्विकल कैप का मामला हो या फिर इसके अलावा जो है इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, जिसके अंदर जो सबसे मारूफ और मशहूर चीज है जो लोग करते हैं वो है कॉपर्टी। ये IUD की एक मिसाल है, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस के अंदर कॉपर्टी, CU66 या कॉपर्टी जिसको आम जबान में बोलते हैं, कॉपर का बना होता और टी शेप में होता, टी होता है ना, अल्फाबेट टी, ठीक, तो वैसा वो बनता है, याद रखिए। तो ये वो डिवाइसेस होते हैं जो मखसूस आपको डॉक्टर्स के पास जाना पड़ता है, बिठाना पड़ता है। इनके ताल्लुक से तीन शरायत है, अगर ये तीन शरायत में बैठते हैं तो दुरुस्त है वरना हराम है। वो तीन शरायत क्या है? पहला, वजूद में आने से पहले, आने के बाद ये कोई काम ना करे। ये तीनों चीजें या इसके अलावा जो भी है ये इंसान के वजूद में आने से पहले काम करे, वजूद में आने के बाद करेंगे तो ये भी इस्तेमाल हराम। जैसे कि कॉपर्टी जो इस्तेमाल होता है उमूमन आमतौर से, ये कॉपर्टी याद रखिए ये जो है हलाल नहीं है, ये हराम है। इसलिए कि कॉपर्टी क्या करता है, ये वजूद में आने के बाद वो जो अंडे से जाकर मनी का हिस्सा मिल जाता है उसको वो टी छड़ा देता है, तो हर बार वजूद में आने के बाद झड़ाते जाता है। ये जिसको कहेंगे अर्लीस्ट एबॉर्शन, एकदम इब्तदाई दौर में 4-5 दिन में झड़ा देता है उसको। तो कॉपर्टी कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं है, कॉपर्टी जो कॉन्ट्रा इम्प्लांटेशन है, मतलब वजूद में आने के बाद काटता है उसको।
तो पहली शर्त क्या है, ये IUDs या कॉम्प्लेक्स बैरियर मेथड के लिए पहली शर्त ये है, या सर्विकल कैप या डायफोग्राम के लिए पहली शर्त है, ये वजूद में आने के बाद वर्क ना करते हो, वजूद में आने से पहले इनकी वर्किंग स्टार्ट हो जाए, कि आने ही ना दे। तो जो पहली शर्त में कॉपर्टी नहीं बैठती, याद रखें, इसलिए कॉपर्टी वजूद में आने के बाद काट कर फेंक देती है उसको 6-7 दिन के अंदर, जिसकी वजह से, जिसको आम जबान में कहेंगे अर्लीस्ट एबॉर्शन है, ये जायज नहीं इस्तेमाल करना, ठीक। दूसरी शर्त इनके लिए ये है, अगर ये आप कॉम्प्लेक्स मेथड इस्तेमाल करते हैं, कि शौहर खुद डॉक्टर हो जो औरत को वो चीज बिठाए, इसलिए कि किसी मर्द का किसी मर्द को शर्मगाह दिखाना और किसी औरत का बेवजह किसी औरत को शर्म दिखाना शरीयत में हराम है। तो एक औरत ये चीज बिठाने के लिए डॉक्टर के पास जाएंगे, अगर वो लेडी डॉक्टर भी है तो लेडीज को अपनी शर्मगाह लेडीज को नहीं बता सकते, इसलिए कि रसूलुल्लाह ने फरमाया मर्द मर्दों को शर्मगाना बताए और औरतों को अपनी शर्मगाना बताए। तो लिहाजा चूंकि शर्मगाह बिना वजह बताना हराम है, तो इस डिवाइस को फिट करने के लिए अगर कोई मैं उस औरत का मिसाल के तौर उसका शौहर ही डॉक्टर है और वो करना चाहता है अपनी बीवी के लिए, तो ये काम तो वो कर सकता है, लेकिन दूसरे नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि फिर आप खामोखा अपनी शर्मगाह उनको दिखाएंगे हर बार, शरीयत इसकी इजाजत नहीं देंगे आपको, ठीक। और तीसरी चीज, औरत की जान को अगर हमल के वजूद में आने से वाकईतन संगीन खतरा हो, ये नहीं कि सिर्फ मेरी खूबसूरती बिगड़ जाएंगी, जल्दी पैदा होंगे बच्चे तो तंग करेंगे, स्कूल कौन ले जाएगा, नहीं, संगीन खतरा हो, तो उस हालत में इसको बिठाया जा सकता है, इसके अलावा इसका इस्तेमाल दुरुस्त नहीं। पहली शर्त क्या है, वजूद में आने से पहले रोक दे, अगर ऐसा नहीं है इनका इस्तेमाल हलाल नहीं है, कॉपर्टी ये वजूद में आने के बाद करती हलाल नहीं है। दूसरा, शौहर खुद डॉक्टर हो, चूंकि शर्मगाह औरत को अपनी शर्मगाह नहीं बता सकती बेवजह, लिहाजा दुरुस्त नहीं। तीसरा, अगर मजबूरी है कि अगर वजूद में बच्चा आ जाएगा तो माँ को वाकईतन जानी नुकसान हो, तो फिर बहरहाल शर्त इजाजत देती है, बिठा ले तो कोहर नहीं। तो ये तरीका आम हालत में हराम है, सिवा इसके के ऊपर दिए गए मामलात में जहां इंसान मजबूर हो कर सकता है, वो शराइत जो मैंने बता दी, ठीक है। इसके बाद पांचवा तरीका है हार्मोनल मेथड। हार्मोनल मेथड क्या होता है, इसके अंदर तीन आते हैं, पहला बर्थ कंट्रोल पिल्स, ठीक है, माने हमल गोलियां, दूसरा इसके अंदर जो चीज आती है वो है हार्मोनल इम्प्लांट्स। हार्मोनल इम्प्लांट्स क्या होता है कि इंसानी जिस्म में एक जो माचिस की तीली होती है ना, उस जैसी एक डब्बी होती है बारीक, वो औरत के हाथ के ऊपरी हिस्से में कहीं अंदर डाल दी जाती है, जो कमोबेश 3 से 5 साल तक एक किस्म के हार्मोन्स रिलीज करती है जिससे औलाद वजूद में नहीं आती है। तो पहला है बर्थ कंट्रोल पिल्स, जिसको आप गोलियां बोलते हैं, जो बहुत मशहूर मारूफ गोलियां मालाडी और इस किस्म की है, इनके साइड इफेक्ट्स का जिम्मा आपका है, याद रखिए, मैं सिर्फ क्या हो सकता है उसकी हलाल हराम नुकसान क्या हो सकते हैं बॉडी को, ये आपका मसला है, ठीक। तो दूसरा है हार्मोनल इम्प्लांट्स, तीसरा है हार्मोनल इंजेक्शंस, ऐसे इंजेक्शन जो कभी मर्द भी लेते हैं कभी औरतों को दिए जाते हैं, जैसे 3 महीने 4 महीने या साल भर तक औलाद पैदा नहीं होती है। इसकी चौथी किस्म है पैचेस, कुछ किस्म के ऐसे पट्टियां होती है जो खाली आंख पर चिटकाना होती है, महीने में 3 दिन 3 हफ्ते फिर 1 हफ्ते निकालना होती है, वो पट्टियां जब तक होती है वो हार्मोन्स बॉडी में रिलीज करती है जिसकी बुनियाद पर औलाद वजूद में नहीं आती है। और इसके अंदर पांचवा तरीका है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, जिसको EHC बोलते हैं, इमरजेंसी हार्मोनल जो है कॉन्ट्रासेप्टिव जिसको बोलते हैं, जो 72 घंटे के अंदर लेना पड़ती है। ये जो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है, ये कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का या हार्मोन्स का बहुत हाई डोज होता है, जो कि अगर 72 घंटे के अंदर ले लिया जाए तो औलाद वजूद में नहीं आती है, ठीक है। तो इसके अंदर 5 तरीके हैं, तो उसमें पहला बर्थ कंट्रोल पिल, अब इसके लिए जो है माने हमल गोलियां जो डॉक्टर्स देते हैं, हफ्ते में ये गोली इतने 7 बार खाना, पूरा जब तक औलाद नहीं चाहिए खाते रहना, ये बहरहाल वो लोग कर सकते हैं जो मजबूर हैं या औलाद पैदा होने से बहुत संगीन उनके जिस्म को नुकसान है, शरीयत ने इसको उसका उन लोगों को जवाज है, हर किसी को नहीं। इसके साइड इफेक्ट्स ये आपका जिम्मा है, इसके बहुत साइड इफेक्ट्स होते हैं साइकोलॉजिकल और इसी तरह जो है फिजिकल नुकसान आदि बड़े हैं इसके। दूसरा हार्मोनल इम्प्लांट्स, जिसम के अंदर कोई हार्मोन्स की एक डब्बी लगाई जाती है बारी, जो हर 5 साल या 3 साल तक अच्छी होती है और जो औलाद की पैदाइश को रोक देती है। हार्मोनल इंजेक्शंस, जिस्म के अंदर इंजेक्शंस लिए जाते हैं जो 2-3-4 महीने तक वर्क करते हैं। और पैचेस, जो जिस्म पे लगाने से जो है 3 हफ्ते लगा के रखना होता है, 1 हफ्ते निकालना, जिसके असर होता है। और ESCs जो होते हैं इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ये है। ये तरीका आम हालत में अगर हल्की मिकदार में लिया जाए तो उलमा ने कहा जायज़ है, आम हालत में हल्की मिकदार में, इसलिए कि ज्यादा मिकदार जिस्म को नुकसान दे, और शरीयत कहती है ना नुकसान दो ना नुकसान सहो, ना तकलीफ दो ना तकलीफ सहो, ठीक है। तो लिहाजा अगर कम मिकदार में हो तो ली जा सकती है,
ठीक है, इसी तरह ये जो है लिया जाता है तो जो है और ज्यादा मिकदार में अगर लिया जाता है तो शरीर ने इसको नापसंद किया है, याद रखिए। कम मिकदार में पसंदीदा है, हाई डोज इसका सख्त नापसंदीदा है, और ज्यादा मिकदार में लेना जैसे इंजेक्शन और EHCs जो 72 घंटे में लेते हैं ये हराम है, याद रखिए। ठीक है, तो अगर आप मजबूर हैं और कम मिकदार में ये लेके जिसम को कम नुकसान पहुंचा के कुछ आप अपने आप को बचा सकते हैं, इसलिए कि औलाद का वजूद में आने से आपको हैवी लॉसेस जिस्मानी हो सकते हैं, ऐसा माँ को नुकसान हो सकता है रिस्क, और वो सब नहीं याद रखिए, माँ को नुकसान जान का, तो बहरहाल ये सब किया जा सकता है। ठीक, इसी तरह छठा जो मेथड है वो सर्जिकल मेथड्स है। अब सर्जिकल मेथड्स में तीन तरीके होते हैं, एक वैसेक्टोमी जो मर्दों पे किया जाता है, दूसरा जो है ट्यूबल लाइगेशन जो औरतों पर किया जाता है, और तीसरा है हिस्टेरेक्टोमी। अब ये क्या होता है बता देता हूं। वैसेक्टोमी ये सर्जिकल मेथड है जिसके अंदर मर्द के जो है जिस्म में एक ऑपरेशन किया जाता है और जो मनी उसका निकल कर जो है निकलता है उस रास्ते को बंद कर दिया जाता है, उस नस को काट दिया जाता है आम जबान में, जिससे उसका मनी खारिज नहीं होता, ख्वाहिशात बाकी होती है लेकिन मनी खारिज नहीं होता, परमानेंट मेथड। और परमानेंट मेथड कोई भी शरीयत में जायज नहीं, याद रख लीजिए, ये चूंकि इररिवर्सिबल, इसमें वापस नहीं हो सकता मामला, तो वैसेक्टोमी। दूसरा ट्यूबल लाइगेशन, इसके अंदर होता ही है जैसे मर्दों में किया जाता है ये औरतों पर किया जाता है, जिसके अंदर जो फेलोपियन ट्यूब एक जिस्म का हिस्सा होता है उसको या तो काट दिया जाता है पूरा, जिससे अंडे नहीं बनते हैं जिसकी वजह से औलाद वजूद में नहीं आएंगी, या उस पर गिरह लगा दी जाती है, लेकिन बहुत मुमकिन है कि ये गिरह हमेशगी वाली होती है और वो बाद में खुलती नहीं, याद रखी, बोलते हैं वो खुलती है लेकिन फिलहाल कौन खुलवाएंगा उसको बाद में। तो इसमें भी दो तरीके, एक गिरह वाला एक काटने वाला, ये भी तरीका दुरुस्त नहीं। और तीसरा हिस्टेरेक्टोमी, इसमें होता यह है कि औरत के जिस्म में ऑपरेशन करके उसकी बच्चेदानी यूट्रस निकाल लिया जाता है, जिसकी वजह से औलाद वजूद में आई नहीं सकती। तो ये तीन सर्जिकल मेथड है और ये तरीके आम हालत में पूरे हराम है, पूरे हराम है, चाहे वैसेक्टोमी हो, ट्यूबल लाइगेशन हो, या इसी तरह हिस्टेरेक्टोमी हो, तीनों हराम, इसलिए कि अल्लाह की खलकत में तब्दीली है सीधा ही, और हमेशगी के लिए आप औलाद का पैदा होना बंद कर दे रहे हैं। और इसके बाद सातवां तरीका है जो आखिरी है, एबॉर्शन। एबॉर्शन के फिर चार तरीके होते हैं जो किए जाते हैं। पहला टनलिंग, टनलिंग एबॉर्शन का वो तरीका है जिसमें मुख्तलिफ किस्म के औजारात के इस्तेमाल से औलाद के वजूद में आने के बाद अंदर डालकर उस औलाद को टुकड़े करके या जो भी बोलिए बस कत्ल करके उसको बाहर निकाला जाता है, टनलिंग मेथड। दूसरा मेथड केमिकल मेथड, जिसके जरिए ऐसी दवाएं, ऐसे इंजेक्शंस दिए जाते हैं या ऐसी दवा अंदर डाली जाती है जिसके जरिए जिसके वजह से वो फीटस जो बच्चा भी बन रहा है या जो है वो जो है छोटा हो जाता है, जल जाता है, सुकड़ जाता है और जिस्म से निकाल दिया जाता है। दूसरा, तीसरा जरिया हार्मोनल मेथड्स, ऐसे हार्मोन बॉडी में डाले जाते हैं इंजेक्शन के जरिए जिससे वो हालत पैदा हो जाती है जो पैदाइश के वक्त होती है, जिसकी वजह से खुद ब खुद औलाद निकल जाती है और अबॉर्शन हो जाता है। और ये तमाम तरीके मारने के लिए, याद रखिए, इसमें बचती नहीं है औलादें। और उसके अंदर चौथा तरीका है सेक्शन मेथड। ये मेथड वो है कि जब बहुत ज्यादा प्रेगनेंसी को टाइम होगा और आप बच्चा नहीं चाहिए तो औरत का पेट काटा जाता है, सीजेरियन जिस तरह होता है, सीजरिंग की जाती है, लेकिन सीजेरियन में औलाद बचाना मकसद होता है, यहां सेक्शन के अंदर औलाद मारना मकसद होता है, वहां सेविंग के लिए और यहां डेथ के लिए करते हैं। तो सीजेरियन करते हैं, पेट चाक करते हैं, चूंकि काफी वक्त हो चुका होता है, लेकिन इसमें रिस्क बहुत बढ़ जाता है, याद रखिए। ये जितने मैं आपको कह रहा हूं, जितना आप हायर लेवल पर जा रहे हैं, ये रिस्क ह्यूमन लाइफ को, इंसानी जान को निस्बत बढ़ता है। और सेक्शन के अंदर बहुत सी बार औरतें भी मर जाती है उसमें, इसलिए कि वो औलाद बहुत बड़ी हो जाती है, उमन 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने की, और आप उसको निकालना चाहेंगे तो इस तरह के नुकसान फिर होते हैं। तो ये है सेक्शन। तो ये चार किस्म के एबॉर्शन के तरीके जो किए जाते हैं, तो ये तमाम के तमाम तरीके शरीयतन हराम है, सिवाय बड़ी जान को बचाने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। समझे आप बात को, बड़ी जान कि औरत को नुकसान हो गया, मतलब औरत अच्छी थी, औलाद वजूद में आई, 4-5 महीने हो गए और अब पता चला उसको एक ऐसा संगीन मर्ज है कि जिसकी वजह से या तो वो औलाद पैदा कर सकेंगी या तो उसकी जिंदगी बचाने के लिए उसकी औलाद को जाया करना पड़ेगा, तो आप क्या करेंगे? आप तो ये मजबूरी में आप करेंगे। अब इन तमाम चीजों में भी आपको पहले एक स्पेशलिस्ट से राय लेना पड़ेगी। कोई भी डॉक्टर बोले तो आप अबॉर्शन और ये तमाम चीजें नहीं कर सकते हैं, स्पेशलिस्ट डॉक्टर से राय लेनी होगी। कोई भी अमल जो करेंगे हमेशगी वाला नहीं होगा, टेम्पररी मेथड इस्तेमाल करेंगे आप, हमेशगी वाला नहीं होगा, और उसके बाद आलिमों से उसका मशवरा लेंगे।
लेकिन हर अरे गहरे डॉक्टर से आप पूछ करके उन्होंने बोल दिया ठीक है कर दो, नहीं स्पेशलिस्ट और दो स्पेशलिस्ट से मशवरा लेंगे आप कभी भी इस मसले में, चूंकि इंसानी जान का मामला है, मजाक मत समझिए इसको, ठीक है। स्पेशलिस्ट से राय, उल्मा से मशवरा, उसके बाद आप स्टेप ले सकते हैं कि भाई इन स्टेप्स में क्या करना है। तो मुस्लिम डॉक्टर एक नसीहत जरूर हासिल करें कि याद रखें, इस दुनिया में हो सकता है लोग थोड़ा बहुत इन जराए से कमा लेंगे, बहुत से लोग अपनी कमाई के लिए बोलते हैं ये दे दो वो दे दो वो खिला दो ये चलता वो कर दो, मशवरे दे देते हैं उठाकर मुंह खोल देते हैं अपना, अल्लाह रहम करे। तो थोड़े से इस दुनिया की नफे के लिए कभी भी इंसानी जान का सौदा मत कीजिए आप, इसलिए कि जो थोड़ा सा आपको नफा यहां हो जाएगा आखिरत की पकड़ बहुत सख्त है, इंसानी खून इसकी हुरमत बहुत बड़ी, याद रखिए। ये रिस्क कभी ना ले डॉक्टर्स, पहले दो स्पेशलिस्ट से राय ले आप, उसके बाद जो है उलमा से राय ले, उसके बाद देखा जाएगा इंसानी जान बचाने के लिए खुशी से नहीं, वरना आजकल होता है डॉक्टर्स अरे करा लो दो, दूसरा बच्चा तुम्हारा भी 2 साल का ही है क्या उसमें होता, करा लो चुप उसकी वजह से दूसरे बच्चे की तालीम का मसला फला है, और बोलते हाँ ठीक है और चले और करा के आ गए खुशी से कि वह अच्छा हो गया डॉक्टर साहब ने पैसे बचा लिए अपने। थोड़े से रकम के लिए आखिरत मत बर्बाद करें, और ये वाइट कॉलर मर्डर से बचें, ये वाइट कॉलर मर्डर है याद रखिए। कुछ लोग सुपारी लेके करते हैं, वो ब्लैक कॉलर होते हैं, पुलिस उनके पीछे होती, क्या ये वाइट कॉलर मर्डरर्स हो जाएंगे अगर डॉक्टर्स बिना शरई उज़्र के अबॉर्शंस कर रहे हैं या माने हमल इस तरह कर रहे हैं। ये वाइट कॉलर मर्डर कहता हूं मैं अपनी जबान में इसको, कि एकदम बिल्कुल सफेद रख के भी अपनी कॉलर खून खून कर रहे हैं आप, ये मर्डर से बचिए, बहुत सख्त चीज है। दूसरा, वालदैन हरगिज माने हमल जब्त विलादत के ऐसी चीजों की तरफ ना जाए जो शरीयतन उनको इजाजत नहीं इस्तेमाल की, लेकिन वो खामोखा अपने नस्बे करें कि ऑपरेशन करा लिए, बच्चीदानी निकलवा दी, औलाद वजूद में आबाद जाया कर रहे हैं हर थोड़े दिन को जाकर, कभी ये रिस्क ना ले, इसलिए इस दुनिया में तो हो सकता है आसानी से हो जाए, आखिरत बड़ी सख्त होंगी याद रखिए। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में फरमाया सूरह मायदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 32 में, वमन मन खतला नफसिन बिगैरी नफसिन औ फसादिन फिल अर्दी फकअन्नमा खतला नास जमीअ वमन अहया फकअन्नमा अहया नास जमीअ, जिस किसी ने एक इंसान की जान ले ली बिना किसी शरे उज्र के उसकी मिसाल ऐसी है उसने इंसानियत का कत्ल किया, और जिस किसी ने एक जान बचा ली उसकी मिसाल ऐसी उसने इंसानियत को जिंदगी दी। तो लिहाजा ये जिंदगी और मौत का मसला है, तो कभी भी ये रिस्क डॉक्टर्स भी ना ले, पेरेंट्स वालदैन भी इसका बहुत ख्याल रखें, इसलिए कि बहुत बड़ा जुल्म है, ठीक है। इसी तरह आज हम देखते हैं इस जुल्म का शिकार अक्सर लड़कियां बन रही है, इस जुल्म का शिकार अक्सर लड़कियां बन रही है, लड़कों को तो बचा लेते हैं हम देखकर, लड़कियों को मार देते हैं। इस जुल्म से हम पूरी पूरी बहरहाल बचने की जो है कोशिश करें। तो ये थी चंद बातें जो इसके ताल्लुक से, फैमिली प्लानिंग के ताल्लुक से, उसके तरीक़ेकार जो इस्तेमाल होते हैं और उनमें जो फतावे उल्मा की और जो हलाल और हराम की बातें थी वो रखी। इंशाल्लाह अज़ीज़ मैं एक आखिर में अपनी बात ख़त्म करूँगा। किसी साहब ने मुझे एक नज़म ला कर दी थी कल, और बड़ी बेहतरीन और बड़ी अच्छी नज़म है, और उनवान से मुतालिक नज़म है। गो इस नज़म के अंदर कुछ जुमले मैंने अपनी तरफ से निकाल दिए है, लेकिन बकिया नज़म पूरी वैसी ही है, मैं उसमें कोई तब्दीली नहीं लाई, सिर्फ कुछ जुमलों को क्योंकि वो जन्नत के बारे में थे और वो दुरुस्त नहीं थे मैंने हटा दिए, वरना बाकी नज़म अच्छी है। नज़म एक खयासी वाक़या है, एक खयासी वाक़या लेकिन अच्छा वाक़या है। नज़म का उन्वान है और लाइन कट गई। आप फ़ोन करते हैं किसी को, फ़ोन करते वक्त बात करते हैं और लाइन कट जाती बीच में, तो उनके नज़म का उन्वान है और लाइन कट गई। बड़ा अच्छा उन्वान है, बड़े अच्छे से नज़म उन्होंने लिखी। उन्होंने नज़म ये लिखी कि एक बेटी जिसको उसके वालिदैन ने पैदा होने से पहले मार दिया, अपनी माँ को जन्नत से फ़ोन करती है। खयासी इसलिए पहले कह दिया था, खयासी वाक़या है, लेकिन एक अच्छी नसीहत है उस वाक़े के अंदर, और लाइन कट गई उसका उन्वान है। वो लिखते हैं और कहते हैं, बेटी फ़ोन करती है अपनी माँ को और कहती है, मैं जन्नत से बोल रही हूँ, हेलो मम्मी कैसी हो। फ़ोन आया कि मैं जन्नत से बोल रही हूँ, हेलो मम्मी कैसी हो, यहाँ जन्नत में फूल खिले हैं, मंजर रंग बिरंगे हैं, खुशबुओं के डेरे हैं, शहद की झीलें फैली है, दूध की नदियाँ बहती है, ठंडी हवाएं चलती है, चुड़िया नगमे गाती है, सखियाँ गीत सुनाती है, हमद सनाए होती है, मैं झूलों में झूल रही हूँ, हूरों के संग खेल रही हूँ, मैं जन्नत में खुश हूँ मम्मी, लेकिन तुम याद आती हो, हेलो मम्मी, बोलो डैडी मेरे कैसे हैं, आपा बाजी भैया मुन्ना घर में सारे कैसे हैं, बोलो मम्मी। आगे वो कहती है, धरती अंबर चांद सितारे दुनिया कैसी लगती है, सोना जागना हंसना रोना ये सब कैसा लगता है, बोलो मम्मी। क्या तुम भैया की आंखों में भी कांटा कोई चुभौती हो, क्या तुम आपा बाजी की भी
गर्दन काटने वाली हो? क्या तुम अपने मुन्ने का सर पत्थर से अब कुचलोगी? क्या तुम अपने जिगर को खुद ही अपने हाथों से काटोगी? वरना मेरे साथ ही तुमने क्यों ऐसा बर्ताव किया? हेलो मम्मी, रिस्क तो मैं खुद अपना लाती, और का हिस्सा थोड़े ना खाती। जिस मालिक ने तुमको दिया था, सबको दिया था, वो मुझको भी दे देता। बोलो मम्मी, मैं दुनिया में चंद दिन रहती, कौन सी आफत तुम पर आती? डैडी के सीने से लगती, साथ में भैया के भी रहती, मुन्ने के संग बोलती हंसती, आपा बाजी से भी मिलती, तुमसे लोरी सुनते सुनते गोदी में मैं सो जाती, लेकिन तुमने मुझसे मेरा जीने का हक छीन लिया, पेट में अपने तुमने मुझको बोलो कैसे कत्ल किया? चाकू चुमटा नश्तर काटा, मेरे बदन में घोंप दिया, मुझको तुमने टुकड़े टुकड़े करवाया, रेशा रेशा छिदवाया, खून में मुझको नहलाया और गले में फिकवाया। प्यारी मम्मी, अच्छी मम्मी, ये तो बोलो, दुनिया जिसको कहते हैं, जिसमें इंसान बसते हैं, वहां पे कुत्ते बिल्ली को भी क्या ऐसा करते देखा है? आगे वो कहती है, हेलो मम्मी, मैं जन्नत में खुश हूं, लेकिन याद तुम्हारी आती है, ये बतलाओ क्या तुमको भी मेरी याद सताती है? आगे कहती है, फिर भी मम्मी, मुझसे मिलने एक दिन तुम भी इस जन्नत में आ जाना। लेकिन मम्मी, मेरा मालिक, मेरा आका तुमसे जब ये पूछेगा, जुर्म वो क्या था जिसके बदले तुमने मेरा खून किया, बोलो मम्मी क्या बोलोगी? आगे वो कहती है, खालिक मालिक अल्लाह को, बोलो मम्मी क्या बोलोगी? खालिक मालिक अल्लाह को, सोचो मम्मी, कुछ तो सोचो, जल्दी सोचो, वरना मुझसे जन्नत में तुम मिलने कैसे आओगी? हेलो हेलो मम्मी, हेलो, और लाइन कट गई। बहरहाल एक बहुत अच्छे अनुमान के तहत उन्होंने एक नज़्म लिखी है, एक दर्द है इसमें उस बच्ची का जिसको उसके वालिदैन ने पेट में ही कत्ल कर दिया। ये खून है, याद रखिए, बहुत अजीम जुर्म है। लिहाजा इसी के तहत मैंने ये अनुमान बांधा था। बहुत से लोगों को गलत फहमी थी कि पता नहीं इस अनुमान में मैं क्या कुछ बोलूँगा या क्या होऊंगा, लेकिन इसकी संगीनी इंसानी ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखता है, याद रखिए। तो ये वो शोभा है ज़िंदगी का जो निकाह के बाद और तमाम मरहले गुजरते हैं, इसका जानना भी ज़रूरी है। चूँकि इंसानी ज़िंदगी का मामला था, मैंने इसका इस अनुमान का इंतखाब किया। अल्लाह से आखिर में दुआ है कि अल्लाह सुबहान ताला हम तमाम को जो जो कुछ कहा सुना गया उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए, हम तमाम को दीन और शरीयत को समझकर उसके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जो कुछ खताए और गुनाह हमसे हुए, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे माफ़ करें, और अल्लाह सुबहान ताला जन्नत में हमें आला से आला मुकाम अता फरमाए, जहन्नुम से हमें नजात दें। जब तक जिंदा रखे इस्लाम और ईमान पर जिंदा रखे, खात्मा ईमान पर हो। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, वस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मुनीर अहमद है, मैं एक कार्डियोलॉजिस्ट हूँ प्रैक्टिसिंग। फैज़ भाई, आपने जो आज काफ़ी इंफॉर्मेटिव टॉक दिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जैसे भी अब साइंस काफ़ी इवॉल्व हो रही है, काफ़ी टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं, और औलाद की ख्वाहिश एक इतनी शदीद और वो है कि उसमें कभी कभी हमसे ये हो सकता, मतलब शरी है या नहीं इसको देखना भी ज़रूरी है। तो मैं आपसे कुछ चीज़ों में क्लेरिफिकेशन चाहूँगा। ये जो नए मेथड्स आ रहे हैं उसमें एक तो है स्पर्म बैंक, जैसा ब्लड बैंक है उसी टाइप आजकल एक स्पर्म बैंक भी आ रही है कि जिसमें मतलब एक स्पर्म कलेक्ट किया जाता है नंबर ऑफ डोनर से, और वो यूज़ किया जाता है मतलब विलादत के लिए। सेकंड है IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, टेस्ट ट्यूब बेबी जो बोलते हैं, जिसमें कि स्पर्म और ओवम हस्बैंड और वाइफ का ही होता है, लेकिन फर्टिलाइजेशन इज डन आउटसाइड द बॉडी। जिसको एक उसको लेता हूँ, हाँ आपने जो उसी तरतीब में रहते हैं चले। भाई ने एक अच्छा सवाल किया कि आजकल चूँकि जदीद टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल होता है, तो एक जैसा ब्लड बैंक होता था, एक नई चीज़ है कि स्पर्म बैंक होता है। स्पर्म बैंक में होता ये कि लोग अपना स्पर्म देते हैं, डोनर होता है, फिर अगर किसी को औलाद ना हो सकती है तो वो वहाँ जाकर वो करता है, और उससे मखसूस जो कैरेक्टर सिफत वो सब लिखा होता है उससे लेकर वो देता है। तो क्या स्पर्म बैंक से लेकर विलादत के लिए इस्तेमाल करना दूसरे, तो शरीयतन स्पर्म बैंक से लेकर विलादत के लिए इस्तेमाल करना ये हराम है, याद रखिए। शरीयतन स्पर्म बैंक से या डोनर किसी से स्पर्म लेकर अगर किसी को कुदरती तौर से ना हो तो किसी और का स्पर्म नहीं लिया जा सकता, इसलिए कि शरीयत में ख़ानदान बड़ा अहमियत रखता है, कौन से नसब से इंसान आ रहा है।
और चूंकि जिना में नसब बदल जाता है इसलिए जिना की सजा इतनी सख्त है। तो स्पर्म भी तो वही कर रहा है, एक किस्म का वो एक किस्म का जिना ही है कि आदमी ना होते हुए उसका लिया जाता है। स्पर्म बैंक का उस तरह का यूज वो दुरुस्त नहीं। ठीक जी, दूसरा आपका इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। दूसरा था इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसमें होता ही है कि मर्द का ही जो है स्पर्म लिया जाता है, मनी औरत का अंडा होता है, लेकिन चूंकि जिसमें किसी नुक्स की वजह से वो अंदर नहीं मिल सकता, उसे बाहर आलात के जरिए मिलाकर वापस जिसमें डाला जाता है औरत के, तो ये तरीका जायज है। इसलिए कि इसमें औरत से और वही मर्द, मतलब बीवी और शौहर से ही लिया जाता है, दोनों का होता है, उसको बाहर निकाल कर किया जाता है और उसको फिर जो है औरत में वापस डाल दिया जाता है तैयार होने के बाद, ताकि वो फिर जो है आगे बढ़ना शुरू हो। इसलिए कि कुछ लोगों को बीमारी और मर्ज होता है या जिस्म साथ नहीं देता, औलाद वजूद में आने से इब्तदाई दौर में ज़ाया हो जाती है, तो लिहाजा उसके लिए तरकीब है कि बाहर। लेकिन इसमें इस चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जिन लोगों से ये करवा रहे हैं आपको उन पर एतमाद हो, वरना ऐसे केसेस सामने आए हैं कि लोगों ने अपना दवाखाना चले बोलकर उस औरत का जो शौहर था उसके स्पर्म काम के नहीं थे तो दूसरों के लगा दिए और उसमें डाल दिया, औलाद पैदा होगी बताइए, बाद में डीएनए टेस्टिंग पता चला इसका बाप कोई और है। तो इस मामले में ये एहतियात जरूरी है, किस लैब पे आप एतमाद कर रहे हैं, कौन लोग उसको चला रहे हैं, क्या इन पर एतमाद किया जा सकता है, इतने एक बहुत अहम मसला है ये। लेकिन अगर ये सब होता है, ऐसा मुस्लिम कंट्रीज में तो हम एतमाद कर सकते हैं, बहुत सारे ममालिक में हैं, तो अगर ऐसा होता है और एक ही उस बीवी और इस शौहर का इसका अंडा और इसका स्पर्म लिया जाता है मनी से और मिलाकर बाहर अंदर वापस डाला जाता है, तो इंशाल्लाह इसमें कोई खबात और हर्ज नहीं है। जी सर, एक और पॉइंट है, सरोगसी एक नया आया है, सरोगेट मदर, जिसमें कि जैसा बोल सकते हैं कि यूटेरस किराए पे लिया जाता है और वो किया जाता है, तो उसका भी क्या रूलिंग है अपने? भाई ने एक अच्छा सवाल किया कि सरोगेसी जो होता है, इसमें होता ये है कि एक औरत के अंदर, मतलब एक औरत और एक मर्द होता है, लेकिन उस औरत में वो ताकत नहीं होती उस बीवी में कि उस बच्चे को पाल सके, तो उसको जिस्म से बाहर निकाल कर बनाकर दूसरी औरत के बच्चेदानी यूटरस में डाला जाता है। तो माँ बाप अलग होते हैं लेकिन बच्चा किसी और के पेट में परवरिश पाता है, इसको सरोगेसी बोलते हैं, और ऐसी औरतें जो करती है उसको सरोगेट मदर्स बोलते हैं। ठीक है, तो भाई ने सवाल किया क्या सरोगेसी दुरुस्त है, तो शरीयत उलमा ने कहा सरोगेसी हराम है। अगर बाहर निकाल कर अंदर मिलाकर वापस औरत के बीवी के ही जिस्म में डाला जाए वो मामला, तब तक तो ठीक, लेकिन अगर वैसा करके किसी और, चूंकि जब किसी और के पेट में डाला जाएगा तो जो खून रवा होता है जाहिर सी बात है वो भी सिफत रखता है, वो किसी औरत का होगा, तो उलमा ने कहा ये हराम है, सरोगेसी हराम है शरीयत में। उसके बरक्स अगर वो आईवीओ जो आपने कहा इंटर जो फर्टिलाइजेशन का होता है जो अंदर नहीं हो पाता, तो वो बहरहाल दुरुस्त है, लेकिन सरोगेसी और स्पर्म बैंक ये दोनों का बहरहाल शरीयत में मौजूद नहीं, इसका इस्तेमाल करना हराम है। जी एक और फैज भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट और वेरी रिसेंट है, इसमें क्या कर रहे हैं कि स्पर्म, मतलब हस्बैंड के ही स्पर्म स्टोर किए जा सकते हैं फॉर द इयर्स ऑल टुगेदर। उसमें कुछ ऐसे केसेस हुए कि हस्बैंड के ही स्पर्म्स उसके इंतकाल के बाद उसी के ही वाइफ को बाद में इन विट्रो टाइप यूज किया है, तो ये उसकी विलादत लेकिन हस्बैंड के इंतकाल के बाद हुई है, तो फिर ये अपने इसमें क्या रूलिंग? मैंने एक सवाल किया कि जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का उन्होंने कहा, तो ऐसा कुछ होता है, जैसा ये सवाल बहुत सी बार उनकी तरफ से भी आता है, जैसे कि कुछ ऐसे मरीज, ऐसे ऑपरेशन होते हैं जिसमें इम्कान होता है उस ऑपरेशन के बाद या उस दवा के खाने के बाद ये औलाद पैदा नहीं कर सकेगा, तो वो क्या करते हैं जवानी में उसके स्पर्म्स निकाल लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं, फिर बोलते हैं बाद निकाह तुम उसको इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि वो उस इलाज की वजह से मरीज हो जाता है या वो काम नहीं कर सकता। देखिए इस मामले में उलमा की कोई वाज़ह राय मेरे सामने अब तक नहीं आई है, मतलब कोई क्लियर ऐसा वो मतन हो कि उन्होंने कहा कि ये फलाएं फलाएं, और ये बहुत हाल का ही है जो बिल्कुल रिसेंटली ऐसा हो रहा है कि स्पर्म बैंक का जब से एक सिलसिला आया है फिर लोगों ने उठा के रखना शुरू किया, फिर चाहे बीमारी की वजह से, फिर चाहे जैसा आपने कहा इंतकाल के बाद शौहर के, फिर उसी का जो है लेकर नुतफा उसमें डाला जाता है। तो इस मामले में बहरहाल मेरे पास कोई अभी उसका कोई मशवरा राय नहीं, इंशाल्लाह कभी आए तो मैं आपको ज़रूर बताने की कोशिश करूँगा। अगर किसी की औलाद खुद से ही ज़ाया हो जाए या बच्चे में किसी नुक्स बीमारी की वजह से ज़ाया करना पड़े तो इसका क्या मामला है, प्लीज़ बताइए। ऐसी औलाद रोज़े महशर के दिन अपने वालदैन से क्या सवाल करेंगे बताइए। तो देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये, अगर किसी की औलाद खुद ही से ज़ाया हो जाए के वजूद में आए लेकिन बीमारी, जिस्मानी कुछ वजूहात या मुख्तलिफ चीज़ों की वजह से एक महीना, दो महीने, तीन महीने, चार महीने वजूद में तो रहती है और बाय नेचर बट नेचुरल वो ज़ाया हो जाती है, वो निकल जाती है, तो बहरहाल इस मामले में वालदैन पर कोई गुनाह नहीं है और ये औलाद भी इंशाल्लाह
ये चूंकि मर गई है, रोजे क़यामत आपके लिए वो बच्चे होंगे जो आकर ले जाएंगे, उसमें शामिल होंगी पहले। लेकिन उन्होंने आगे पूछा, या बच्चे में किसी नुक्स या बीमारी की वजह से अगर ज़ाया करना पड़े, ये सवाल थोड़ा अलग है। पहले उसमें वो बच्चा जो खुद से ज़ाया हो रहा है वो जन्नत में रहेगा, लेकिन बीमारी की वजह से बच्चे को ज़ाया किया जा रहा है, तो इसमें पहली चीज़, क्या बच्चे की बीमारी ऐसी है जिसके वजह से माँ की जान को खतरा है? अगर नहीं तो फिर उसको ज़ाया नहीं कर सकते आप। बच्चे में क्या ऐसी बीमारी है? वरना शेख बिन बाज़ रहमतुल्लाह से और दीगर उलमा से सऊदी लजना से एक सवाल हुआ था, एक बच्चा है माँ के पेट में जिसको जिल्द नहीं है, स्किन डेवलप नहीं हुई, इसी तरह उसके हार्ट का वॉल काम नहीं करता है, एक इसी तरह उसके हाथ पैर टेढ़े है, मतलब डिसफंक्शनिंग है, ख़राब है, उसका फेफड़ा काम नहीं करता है, उसका जहन मुकम्मल डेवलप नहीं हुआ, तो क्या ऐसे बच्चे को ज़ाया कर सकते हैं? देखिए उसमें क्या क्या नुकसान है, उसका जहन नहीं है, उसका दिल काम नहीं करता, उसको जिल्द नहीं, उसके हाथ पैर ख़राब है, अब इंसान में क्या बचता है? सांस उसकी नहीं चल रही बड़ा। तो शेख बिन बाज़ और दीगर उलमा ने कहा, क्या वो जिंदा है और माँ की जान को कोई खतरा है? तो कहा नहीं। तो कहा फिर पैदा होना उसका हक है, फिर पैदा होना उसका हक है, फिर आप मत खयास कीजिए कि वो कैसा होगा क्या, फिर पैदा होना उसका हक है। तो लिहाजा अगर किसी के पेट में बच्चा हो और उसका नुकसान ये हो कि अगर वो पेट में रहने से माँ की जान को खतरा हो, तो ज़ाया करना कराहत के साथ, बुराई के साथ, स्पेशलिस्ट से मशवरा लेकर दो, उल्मा से बात करके फिर ज़ाया किया जाए, तो इंशाअल्लाह रोज़े क़यामत गुनाह नहीं होगा। लेकिन सिर्फ इस वजह से कि वो बोल रहे बीमार है, तो अगर वो हयात जिंदा है उसकी माँ के पेट में, तो पैदा होना फिर उसका हक है, फिर आप उसको ज़ाया नहीं कर सकते, फिर वो पैदा होगा। लेकिन अगर कोई ऐसा करे कि बच्चे में कोई बता दे डॉक्टर कि उसका हार्ट खराब है, भाई क्या फ़ायदा ऐसा बच्चा पैदा होके, उनकी बातों में मत जाइए, इसलिए कि साइंस इतनी तरक्की नहीं कर चुकी है कि इतनी बारीकी बता सके क्या नहीं। बहुत सी बार होता है कि लोग, एक वाकया मैं सुनाता हूँ, एक खातून थी और उसको जो है लड़के की बड़ी ख्वाहिश थी, उसको लड़कियाँ थी, वो एक मरतबा गई डॉक्टर के पास और उसको फिर हमल ठहर गया, गई तो पता चला फिर लड़की है, डॉक्टर ने कहा लड़की, उसने कहा अगर लड़की है तो पहले मुझे तीन चार लड़कियां हैं, इसको ज़ाया कर दो। जब उसको ज़ाया किया गया और जब वो बाहर निकल कर आया कत्ल के बाद, तो वो लड़का था, इसकी तकदीर ही मतलब लड़का नहीं था, और एक चूंकि जुर्म भी किया उसने इस नीयत से कि लड़की होंगी तो मार दूंगी, लड़का होंगा तो, अल्लाह ने उसको इबरतनाक सजा दे दी। अब कैसा उसके दिल पर गुजरी होंगी कि तीन लड़कियाँ थे, लड़का नहीं था उसको, और उस पर उसने लड़के को कत्ल कर दिया अपने। तो एतमाद मत कीजिए इन चीज़ों पर, हो सकता है कुछ हद तक ये 100% नहीं होते राइट, याद रखिए ये अप्रोक्सीमेशन होता है, डॉक्टर्स खुद कहते हैं कि इतना इतना इसमें प्रॉब्लम हो सकती है, 20% चांसेस है, 15%, 5%, 10%, 90% बोलते हैं ना, परसेंट क्या है, मतलब कि एग्जैक्ट 100% नहीं बोल सकते, हम दावेदार नहीं है इस चीज़ के, ठीक है। तो लिहाजा आप उनकी बात ना सुने, अगर वो जिंदा है और माँ को कोई तकलीफ नहीं है, तो टू टेक बर्थ उसका बेसिक राइट है, उसका बुनियादी हक है और वो पैदा होगा। जी अस्सलाम वालेकुम। फैज़ भाई, जैसा आपने बताया कि दूसरों की शर्मगाह देखना हराम है, तो मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ, तो आपसे पूछना चाहता हूँ कि एक मेडिकल स्टूडेंट ने क्या एहतियात बरतनी चाहिए, और साथ में ये भी पूछना है कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो है, हार्मोनल पिल्स, फैज़ भाई उनके एडवर्स इफेक्ट इतने ज़्यादा होते हैं कि पैरालिसिस, कैंसर, यहाँ तक कि सडन डेथ तक उनसे हो सकती है, क्या तब भी ये जायज़ हो सकते हैं इनका यूज़? भाई ने दो सवाल की, एक तो जैसा मैंने कहा शर्मगाह देखना और दिखाना, ये दोनों दुरुस्त नहीं, तो वो एक मेडिकल स्टूडेंट है, तो क्या उनका ये मामला जो कि अब स्टडी कर रहे हैं, तो क्या मामला, तो देखिए यहाँ इस चीज़ का आपके पास जवाब है, चूंकि आप इंसानों के एक बड़े फ़ायदे के लिए, उनके इलाज के लिए, इंसानियत की फ़ायदे के लिए काम कर रहे हैं, जिसके लिए जब तक आप मुशाहिदा ना करेंगे तो आप उस इलाज, बीमारी, तशख़ीस नहीं कर पाएंगे, तो बहालत मजबूरी अगर आप ये कर रहे हैं कराहत के साथ, मतलब आप खुशी से ना करें, कराहत करें, जैसा मैंने बहुत सी बार देखा मेडिकल कॉलेज के अंदर लाशें होती है, कुछ बच्चों को डिसेक्शन के लिए दिया जाता है, ये तुम्हारी, किसी को फीमेल मिलती है, किसी को मेल मिलता है, और बहुत से लोग उन लाशों के साथ मसखरी हरकतें करते हैं, मैंने देखा डिसेक्शन के अंदर, हंस रहे उसका ये है, उसको ये बना हुआ है, कितनी बुरी बात है कि आदमी मर चुका है, आपने फरमाया मुर्दों को बुरा ना कहो, वो अपने अंजाम को पहुंच चुके, वैसे उसका इबरतनाक अंजाम है कि उसको दफनाया नहीं गया, और उस पर उसके साथ ये सलूक होता है। तो हुरमत के साथ आप, या फिर जिंदों को भी हो सकता है कभी आपको तशखीस के लिए देखना पड़े, चेकिंग के लिए, तो आप इस नियत से कि अल्लाह मेरा मकसद नहीं है सिवाय कि इंसानों के फ़ायदे के लिए, उनके फलाह के लिए, क्योंकि ऐसे अमराज हो सकते हैं मर्द और औरतों को जिसमें वो शर्मगा देखे बगैर उसका हल ना हो, तो लिहाजा आप चूंकि इंसानियत के फ़ायदे के लिए कर रहे हैं, आप वो काम कर सकते हैं, दीगर लोगों को वो चीज़ देखने की इजाज़त नहीं। फॉर एग्जाम्पल आपकी टेक्स्ट बुक है,
जिसके अंदर आप पढ़ रहे हैं कि पूरा ह्यूमन जो उसके अंदर के इंसानी शर्मगाह, उसका सेक्सुअल पार्ट्स और उसके डिटेल्स पढ़ रहे हैं, ये बुक कोई और नहीं देख सकता, आप देख सकते, इसलिए कि आप स्टडी कर रहे हैं, आपके लिए जरूरी है, कोई और का देखना हराम होगा उस चीज़ को, ठीक है। तो बहरहाल आप चूंकि स्टडी कर रहे हैं तो इंशाल्लाह आपके देखने में गुनाह नहीं होगा, लेकिन हमेशा कराहत रखे और खामखा कोशिश ना करें कि देखने की, जो दिख जाए जो मजबूरी हो उस हद तक इंशाल्लाह अजीज दुरुस्त होगा जी। दूसरा आपका हिस्सा क्या था? ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। भाई ने एक अच्छा सवाल किया ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के ताल्लुक से कि उसका खाने के जो साइड इफेक्ट्स होते हैं। देखिए मैंने अपनी पूरी बात के अंदर ही बार बार आपसे कहा इसके साइड इफेक्ट्स के जिम्मेदार आप लोग खुद हैं, और मैं भी जानता हूँ ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जो पिल्स होते हैं इतने साइड इफेक्ट्स हैं इसके। एक तो खुद औरत का जो पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगड़ जाती है, उसका साइकोलॉजिकल कंडीशन ये होती है कि वो हमेशा परेशान और हमेशा चिड़चिड़ी हो जाती है, और उसके अलावा भी कैंसर और सडन डेथ्स और पता नहीं क्या क्या डेथ इसके नुकसान हैं। तो साइड इफेक्ट देखिए ये आपका मामला है, शरीयत के हद तक अगर थोड़ा सा डोज लिया जाए जो डोज की बुनियाद पर आपको साइड इफेक्ट जिसको जर नुकसान ना पहुंचे और फायदा भी हो जाए बहालते मजबूरी, ठीक। हाई डोज लेना तो मैंने पहले कह दिया उलमा ने कहा हराम है, ठीक। तो लिहाजा अगर मजबूर हो इंसान और थोड़ा बहुत ओरल ले ले तो बहरहाल उसकी इजाजत है, साइड इफेक्ट्स उसका अपना जाती मसला है, क्या क्या होते हैं सबको पता है, खुद डॉक्टर्स ही बताते हैं ये होते हैं, खयां होती है और क्या क्या नहीं, बहरहाल साइड इफेक्ट उसका मसला है। लेकिन अगर उसके अलावा हल ना हो कोई और वो मजबूर हो बेचारे तो एक अलग बात है, लेकिन साइड इफेक्ट्स देखना करना वो आपका जाती मसला है, उस मामले में जो है वो आपका और डॉक्टर का है, आप उससे पूछिए क्या साइड इफेक्ट्स होंगे क्या नहीं, और उसके मुताबिक आप वो रिस्क लेना चाहे तो आप आगे बढ़ सकते हैं, शरीयत ने थोड़ा बहुत लेने की इजाज़त दे दी है बस। किसी ने एक अच्छा सवाल किया कि जैसा मैंने हदीस में बयान किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़्यादा औलादें पैदा करो, और जाहिर सी बात है इंसान जब एक से ज़्यादा निकाह करेंगे तो ज़्यादा औलाद पैदा करने का जरिया हो सकता है, लेकिन देखिए ये मामला इतना भी सीधा नहीं है इस उम्मत के पास, शरीयत के पास नहीं, शरीयत में बहुत सीधा मामला है, इस उम्मत के पास ये मामला इतना सीधा नहीं है कि वो इतने जल्दी कबूल कर ले हज़ारों साल और कई सदियों गैर मुस्लिमों के शाना बशाना बाजू रहने की ये बुनियाद हो गई कि ना इस उम्मत की औरतें इसके लिए तैयार होंगी ना इस उम्मत के मर्द इसके लिए तैयार है। फर्ज कीजिए एक आदमी ने निकाह कर लिया दूसरा निकाह, तो दूसरों को छोड़ दीजिए खुद हम लोग, इसकी बीवी अच्छी नहीं होंगी, क्यों इन्हें अच्छा था वो नहीं, इसकी बीवी अच्छी ये गंदी नजर का था, समझे आप बात को, हम खुद करेंगे तो चूंकि हम कई सदियों से गैर मुस्लिमों के बाजू रहे जहां सिर्फ एक निकाह का तस्वूर है, तो एक ऐसी जहनीत उम्मत मुस्लिमा की बन गई कि एक से ज्यादा कोई निकाह करेगा तो या तो बीवी खराब थी या तो शौहर खराब था या तो बद नजर था या तो फला था या तो फला था या तो उससे उसको सुकून नहीं मिला होगा, वो सुनती नहीं होंगी, उससे फला नहीं होगा, उससे इल्जाम शुरू हो जाते हैं। तो उम्मत इस चीज को पहले समझे, और ये एक ऐसा मसला है कि बहुत से लोग जो है एक से ज्यादा निकाह करते हैं, उम्मत इतना बदनाम करती कि जिंदगी जीना हराम कर देती है उनका। तो ये मसला ऐसा है कि उम्मत इसके लिए राजी हो, इसके लिए तैयार हो, इसलिए कि कभी मसला ये होता है कि इंसान दूसरा निकाह कर भी ले तो दूसरे करने देते, तुम्हारे करने से हमको नुकसान होगा उसका, क्यों तुम ऐसा शुरू कर देंगे तो सब करना शुरू कर देंगे, सब करेंगे तो दूसरों की बहन बेटी का क्या होगा, मतलब इतनी अजीब व गरीब बात है, इतनी सिक मेंटेलिटी जिसको बोलते हैं ना, बीमार जहनीत इस उम्मत की कि वो कबूल नहीं कर सकते इसको, ठीक। और जो उसका पहले से निकाह बर्बाद कर देंगे इसके चक्कर में कि उसने दूसरा कर लिया तो पहले घर वालों भगाएंगे, तुमने करने कैसे दिया अपने दामाद को, अपनी बेटी को वापस बुलाओ। अब आदमी रिस्क लेंगे उससे पहले बच्चे और वो उसकी पहली बीवी चले जाएंगे, समझ रहे आप। इसके लिए उम्मत राजी हो, उम्मत अपने जहन बनाए, और ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का इतना प्यारा और बेहतरीन हल है, इस हल को इख्तियार हम सर मार मार के दीवार पर फिर आके करने वाले, करना है इस हल को, इसलिए कि उम्मत में औरतों की तादाद मर्दों से हर दौर में ज्यादा रही, आज भी ज्यादा है अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मत मुस्लिमा अपनी बेटियों को इतना मारने के बाद भी इनमें औरतों की तादाद अल्हम्दुलिल्लाह आज भी ज्यादा है, अगर ना मारती तो कितनी होती अंदाजा लगा लीजिए। तो अगर हम बेटियों को ना मारे तो बेटियों की तादाद बढ़ जाएंगी, लड़कों की तादाद कम होंगी, तो ये शरीयत ने एक हल दे दिया आपके पास, ये हल है। आज आप देखते हैं बड़े बड़े शहरों में कई लड़कियां खुदकुशियां कर रही है, बूढ़ी हो जा रही, निकाह नहीं हो रहा, क्यों, तो लड़का नहीं मिल रहा या फिर दूसरी शादी का रिश्ता है, दूसरी कैसा करेंगे हम, दूसरों क्यों देंगे, मिजाज बनाइए अपना, ये हल है, शरीयत ने हल दिया इस उम्मत की इफ्फत और पाकबाजी के लिए कि ऐसे हालात आएंगे औरतें ज्यादा होंगी मर्द कम ही होंगे, तो लिहाजा दो एक से जायद निकाह ये हल है उसका। लेकिन उम्मत समझती कि ये वो लोग करते हैं जो शरंगेज होते हैं, या मुल्ला को सिर्फ ही जमता, बाकी लोग नहीं कर सकते, बुरी नजर वालिश करते, अच्छे लोग कहाँ करते ऐसी शादी, देखिए किसी अच्छे आदमी करते हुए ना, और मुख्तलिफ इल्जाम, जबकि सोचते नहीं इस इल्जाम का असर कहां तक जा रहा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और असहाब में से, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ दीजिए, असहाब में से ऐसे गिनती के सहाबा जिनकी एक बीवी थी, गिनती के सिर्फ,
बाकी सब को कहीं कहीं बीवियां थी। रिवायत में 10, 20, 30 तक के अल्फाज आते हैं। जब कुरान ने हुक्म नाजिल किया कि निकाह करो चार, तो सब सहाबा गम में थे। हमको क्या लग रहा, सहाबा खुश हो रहे होंगे, क्या मजा आएंगे अब चार बीवियां चार शादियां। सहाबा खुश नहीं थे, सहाबा गमजदा थे कि अब इस 10 में से 6 किसको तलाक दूंगा, क्योंकि अल्लाह ने कह दिया चार रखो। अब आप सब परेशान थे कि मेरे 9 हैं, इसमें से 5 कौन निकलेंगे, समझे। तो अल्लाह ने लेकिन आखिर में कह दिया जो हुआ सो हुआ, अब इसके बाद के लोग 4 से ज्यादा नहीं कर सकते। तो वो गमजदा थे आयत आने के बाद, खुश नहीं थे, इसलिए कि उनके पास कहीं कहीं औरतें थी, कहीं कहीं बीवियां सबसे मोहब्बत करते थे, किसको छोड़े अब, समझे आप बात को। ये हल था उम्मत के लिए, हमने अफसोस कि इसको समझा, ये आखिर खुदकुशी से पहले ये हल है, कुछ ना हो तो देखा जाएगा। हत्ता कि किसी को अगर औलाद भी ना हो, औलाद ना हो तो फिर तो ये तो औलाद पैदा होना जरूरी है और इंसान के लिए सवाब जारिया है, वो भी दूसरा निकाह नहीं करते, क्योंकि उम्मत इतना बदनाम करेंगे उनको उस वजह से, बेचारे बोलते जान दो ऐसा ठीक। अगर उम्मत के इस प्रेशर की वजह से, तो जाहिर सी बात है सोसाइटी में रहना है, इंसान 100% उसका इनकार नहीं कर सकता, और ऐसे प्रेशर की वजह से अगर एक इंसान की जिंदगी बर्बाद होती है या उसकी बीवी इजाद नहीं देती उससे उसकी जिंदगी बर्बाद होती है, हालांकि उसको इजाद की जरूरत नहीं है, इसका गुनाह उस बीवी और पूरे माशरे पर आएगा कि उस आदमी की आप नस्ल बर्बाद कर रहे हैं। वो बीवी जिसको औलाद ना हो उसके अपने शौहर से, वो चाहेंगी उसके भाई को औलाद ना हो तो दूसरी शादी ना करे, अपने शौहर को इजाद नहीं देती, लेकिन भाई को बोलेंगी, भाभी को बोलेंगी तुमको नहीं हो रही औलाद, तुम्हारे भाई का खानदान क्यों खत्म कर रहे हैं, इसका खानदान खत्म करते तुमको नहीं होता, एक नस्ल खत्म हो जाती है ना, आपका नाम लेने वाला कोई बचता नहीं, आपके लिए दुआएं करने वाला कोई बचता नहीं मरने के बाद, कितनी अहम चीज है। तो दूसरा निकाह, तीसरा निकाह, चौथा निकाह, एक से जायद निकाह, अजवाज की तादाद की बढ़ाना, ये उम्मत को हल था, लेकिन पूरी उम्मत ने मिलकर इसको आखिरी चारा खुदकुशी से पहले वाला रखा, समझिया। तो बहरहाल यही मामला है कि जो है उम्मत मुस्लिमा ने इस चीज़ को छोड़ दिया, ये ट्रेंड नहीं है, और अगर कोई शख्स आगे बढ़े तो क्या कुछ बदनामियाँ नहीं होती। बहरहाल मुझे वाजे करने की ज़रूरत नहीं, मैं खुद कुछ हालात से गुजर चुका हूँ, तो बहरहाल मैं इस चीज़ को जानता हूँ, तो लोग इस चीज़ को नहीं समझने वाले। ये मामला उम्मत के नज़दीक बहुत एक ऐसी चीज़ हो गई, लेकिन ये उम्मीद है मुझे कि ये हल है इस शरीयत का, और हम दीवार पर सर मार मार कर हल्के तरह, मतलब रास्ता है, हम वहाँ ना जाके दीवार सर से तोड़ना चाह रहे हैं, उसके बाद फिर आना पड़ेगा, एक जमाना आएगा तादाद होंगी तो फिर खुद लोग बोलेंगे भाई मेरी बहन है आप निकाह कर लेते क्या आपके दूसरे निकाह में, चूंकि ये हल है इसलिए कि रास्ते नहीं है इसके अलावा, या तो मर जाए बूढ़ी होकर। बड़े शहरों की हालत इसी तरह याद रखी, बड़े बड़े मुस्लिम शहरों में जहाँ मुस्लिम आबादियां 10-10, 20-20, 50-50 लाख करोड़ करोड़ है, वहां आप देखेंगे ऐसी हजारों लड़कियां इनकी जिंदगी सिर्फ गुजर रही है, शादियां नहीं कर सकती, क्योंकि एक से ज्यादा निकाह कोई करने वाला है नहीं, किसी को ऑफर दिए तो गला ही काट देंगे आके कि तूने क्या सोच के ऑफर लाया तेरी बेटी का मेरे शादीशुदा बेटे के लिए और फलां। बहरहाल इसको समझिए, ये एक बहुत ज़बरदस्त हल है जो उम्मत मुस्लिमा को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिया है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़ख्र का बायस भी हो सकता है, ज़्यादा अज़वाज़ ज़्यादा औलाद फ़ख्र का बायस बनेंगे। बहरहाल जी अस्सलाम वालेकुम फैज़ भाई, मेरा नाम शेख इरफान है और मैं पेशे से एक तालिबे इल्म हूँ। तो पहले तो ये जो आप काम कर रहे, आपके ऐसे अगर 5% लोग उस दुनिया में आ गए तो इंशाल्लाह जो इस्लाम के नाम पर इतने दंगे फसाद हो रहे वो बंद हो जाएंगे, और उसके बाद में कि सब लोग जब इस्लाम कबूल कर लेंगे तो इंशाल्लाह सब जान लेंगे कि इस्लाम एक अमन और शांति का मजहब है। और दूसरी बात यह है कि आपके जो वॉलंटियर्स रात दिन यहाँ पे काम कर रहे हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं रात भर यहाँ पे जाग जाग के आपके हमारे लिए जो काम कर रहे हैं, हमको कुछ तकलीफ ना हो, इसके लिए मेरी तरफ से तहे दिल से उनके लिए दुआ निकलती है। और मेरा सवाल यह है कि एक एक इंसान है जो एक लड़के के चाह में 2-3-5-10 लड़कियाँ पैदा करते जाता है, और जब उसे आखिरी में एक लड़का हो जाता है तो वो अपने फैमिली मतलब प्लानिंग कर लेता है कि अब इसके बाद मैं बच्चा पैदा नहीं करूँगा, तो इसके लिए उसका क्या। भाई ने एक सवाल किया कि अगर कोई शख्स है वो जो उसको लड़कियाँ पैदा होती हैं और उसके बाद फिर उसको एक लड़का पैदा हो जाता है, तो फिर वो फैमिली प्लानिंग के नाम पे वो हमेशा के लिए औलाद पैदाइश बंद कर देता है, इस मामला क्या था। देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये, शरीयत ने लड़कों और लड़कियों में फ़र्क नहीं किया, याद रखी। अगर किसी को पूरी भी लड़कियाँ हों तो कोई बुरा आदमी नहीं है, वो कमतर आदमी नहीं है, सोसाइटी में उसका मुकाम कुछ कम नहीं हो जाता। इस शरीयत में तो लड़की जिसको पैदा हो 1-2-3 परवरिश करे, बालिग हो जाए, तालीम दे, शादी कर दे, वो आपसे फरमाते हैं मेरे साथ जन्नत में ऐसा होगा। एक शख्स उठा और कहा अल्लाह के रसूल दो का क्या, तो कहा वो भी। और अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक का पूछा जाता तो आप एक पर भी यही कहते थे। तो इस शरीयत में तो बहरहाल वो कहते हैं लड़का पैदा होते हुए क्या करते, फिर हमेशगी वाला ऑपरेशन करा लेते कुछ ना कुछ और फिर रोक देते। याद रखिए शरीयतन ये जायज़ नहीं है। हाँ आप ये प्लान कीजिए कि आगे औलाद नहीं करना जल्दी पैदा, ये अब नहीं करना है, लेकिन उसके लिए ये तरीका इख्तियार करना कि ऑपरेशन करवा लेना,
ये नुकसान दे, इसलिए कि मैं ऐसे वाकया जानता हूँ कि लड़कियाँ थी, बहुत से लोगों को ऑपरेशन करा लिया, लड़का हो गया और परमानेंट ऑपरेशन करा लिया और उसके बाद ये हुआ कि लड़के का इंतकाल हो गया। अब जो रास्ता तबंदी कर लिया अपने हाथ से, है ना, तो बहरहाल ये होना नहीं चाहिए। और बहुत सी बार ये ऑपरेशन ही फेल जाते हैं, ये फेल जाते हैं ऑपरेशन ज़्यादा की। एक साहब थे, वो मुझे सुनाया करते थे वाकया, वो कहते थे कि वो उम्र में बहुत बड़े थे और उनके बहन भाई छोटे थे बहुत काफ़ी। एक बार मैंने ऐसे ही पूछ लिया कि आप में और आपकी बहन भाई में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, मतलब एक क्या फिर डायरेक्ट एकदम बहुत छोटे थे। मैंने कहा ये बहुत ज़्यादा फ़र्क दिखता है, ये क्या है? तो कहा अल्लाह की तरफ से सज़ा है, बोले अम्मी अब्बा को। बोले ये क्यों? बोले ऑपरेशन करा लिए थे, फ्री हो गए थे, बोले बाद में पैदा हो गए, बोले नू। अल्हम्दुलिल्लाह, बोले अल्लाह ने उनको बता दिया ये गलत काम किए थे तुमने, उसके बाद भी मैं दे सकता हूँ, परमानेंट ऑपरेशन की बात भी हुए अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो जिसको पैदा होना है वो होके ही रहता, ठीक है। तो लिहाजा उनका वो अमल कराना, हमेशगी के लिए औलाद रोकना गलत है, याद रखिए, शरीयतन दुरुस्त नहीं है, जायज़ नहीं। हाँ, ये सोच ले कि भाई आगे नहीं करना है, हम अब नहीं करेंगे, तो उसके दूसरे तरीके हैं, लेकिन ये तरीका परमानेंट मेथड शरीयत इसकी इजाज़त नहीं देता, ये दुरुस्त नहीं होगा, ये अल्लाह की फितरत में तब्दीली है और ये जायज़ नहीं। याद रखिए, उन्होंने सवाल किया, मेरी शादी को 2 साल हो गए हैं पर मुझे औलाद नहीं है और मुझे 2 चॉइस दी गई है, या तो अपने देवर के साथ हम बिस्तरी कर लो या तो उन्हें तलाक दे दो जिससे उनका भी निकाह है। अब मैं बहुत परेशान हूँ, प्लीज़ इस मामले में कोई सलूशन दें। देखिए, ऐसे बहुत सारे वाक़ात मेरे सामने आते हैं, चूँकि एक इदारा हम चलाते हैं, बहुत ऐसे हालात ऐसे वाक़ात जो होते हैं। हिंदुओं में एक तरीक़ा है, उनमें यह होता है कि अगर किसी को औलाद ना हो तो वो जन्नत में नहीं जाएंगा, तो औलाद हासिल करना बहुत अहम होता है। अगर उनको औलाद हासिल ना हो, कुछ मियाँ बीवी को उस या मर्द में कोई कमज़ोरी हो, तो वो क्या करते हैं, अपने घर में से किसी एक फ़र्द को चुनते हैं और 1 साल के लिए उसकी टेम्पररी बीवी बन जाती है, उसके बाद उसके साथ रहती है। जब उससे हमल ठहर जाता है तो फिर वो इसकी बीवी रहती है एक्चुअल, लेकिन उससे वो हमल ठहराती है, फिर उसके साथ वो रहती है, ठीक है। फिर उसको बच्चा हो जाता है जो इनका कहलाता है, ठीक, और उसको मुख्तलिफ नाम हिंदू मज़हब में पुत्री का पुत्रा या इस तरह के, उनके मज़हब के अतबार से ये सब चीज़ें हैं, उनमें ये चीज़ें हैं। लेकिन अफसोस, मैंने कहा ना, हम बहुत ज़माने से कौम के साथ रहे, जिस कौम के साथ रहने का असर हम पे बाकी है, छवि है, ये शादी का मामला हुआ, इस तरह के मामले, तो ये होता है मुसलमान घरों में। मैंने सुना ये वाक़ियात कि वो कहते हैं उस बहू को कि फिर तो उसके दूसरे भाई से हम बिस्तरी कर, ताकि उसको औलाद हो जाए उससे। शरीयतन ये हराम है, ये जिना है। आपको जो 2 ऑप्शन दिए जा रहे, आप दूसरे ऑप्शन को ले लीजिए, उससे तलाक ले लीजिए, इसके अलावा कोई हल नहीं आपके पास, ठीक है। इसलिए कि शरीयतन ये अमल हराम है, याद रखिए, लेकिन ये वाक़ियात से बईद नहीं उम्मत भी, याद रखिए। ऐसे कई वाक़ियात मेरे सामने आते हैं कि सासें मजबूर कर रही है कि इस तरह का अमल करो, उसके बगैर औलाद नहीं होंगी, तो बहरहाल शरीयतन हराम है। आप उस शौहर को अगर वो कह रहे तलाक ले लो तो ले लीजिए, इसलिए कि जो दूसरा ऑप्शन है ये हराम है और इसकी कभी इजाज़त नहीं दी जा सकती, इल्ला कि आप तलाक दे दें उस शौहर को, बाद में आपकी किसी से निकाह हो, फिर चाहे वो आपका देवर ही क्यों ना, बाद में दिस इज समथिंग, मतलब वो जो प्लान नहीं होंगी, अनप्लान चीज़ है, तलाक हो गई बाद में कभी रिश्ता, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन इस तरह से करना शरीयतन हराम है। लिहाजा आप अगर वो तलाक का आपको करें तो आप तलाक दे दें उनको। अस्सलाम वालेकुम, मेरा सवाल ये था आपसे कि अगर किसी शख्स को पता चल जाए कि जो औलाद होने वाली है वो अबनॉर्मल है या फिजिकली हैंडीकैप है, तो उसके बारे में क्या उसका पैदा होना है ये, और उसके बारे में अगर आज के समाज में कुछ लोग ये करते हैं, बच्चों को या तो आश्रम में डाल देते हैं या पागलखाने में डाल देते हैं, इसके बारे में। मैंने सवाल किया कि अगर ऐसा बच्चा हो जिसमें कुछ नुक्स हो, कमजोरियाँ हो, डिफॉर्मिटीज़ हो, तो क्या ऐसे बच्चे का ज़ाया करना कैसा? तो देखिए, बच्चा चाहे जितना भी डिफॉर्म हो, जितना भी ख़राब हो, अगर ज़िंदा है और माँ की जान को ख़तरा नहीं है तो उसका पैदा होना हक़ है, फर्स्ट राइट, ठीक। भाई का दूसरा हिस्सा था कि ऐसे बच्चों को लोग क्या करते फिर आश्रमों में इसमें डाल देते, नहीं, उनको आप पालेंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस फरमाते हैं, तुम्हें तुम्हारे कमज़ोरों की वजह से रिस्क दिया जाता है। जो कमज़ोर होते हैं, माजूर बच्चे हैं, लंगड़े हैं, लूले हैं, अंधे हैं, काने, चूँकि आप इनकी खिदमत करते हैं, ये कमज़ोरों की वजह से हमें रिस्क दिया जाता है, मालूम आप। तो लिहाजा ऐसे बच्चे मुस्तहक नहीं है कि वो यतीम खाने या गैर मुस्लिम इदारों में भी डाल देते हैं उठा के ले जाके, तो ये मुस्तहक नहीं, इनको आप पालेंगे। और ऐसे वालदैन क्या कहेंगे इनको, एक कुत्ता बिल्ली को भी अगर आप देखेंगे ना, कि अगर उसका बच्चा मरा हुआ भी हो तो कई दिन मुँह में लेके घूमते हैं, कि कम अज़ कम अगर जाग जाए तो क्या है। या जानवरों के बच्चे अगर मुर्दार पैदा हो तो जानवरों को आप देखिए हला हला के उठाना चाहते हैं उसको, पता नहीं इंसान इतने कठोर, इतने संगदिल और ऐसे कैसे जहन हो गए कि सीनों के बदले ऐसा लगता पत्थर है वहाँ, कि जो बच्चों के साथ ये सलूक, तो वो बच्चों को आप पालेंगे और वो बच्चे आपके साथ रहेंगे, और अल्लाह के रसूल हदीस के मुताबिक इस उम्मत को हम अपने कमज़ोरों की वजह से रिस्क दिया जाता है। वाट इज़ द फेट ऑफ द वूमेन इन आखिरा हु हैज़ डन ट्यूबेक्टॉमी इन हर लाइफ, उस औरत का क्या होगा, उन्होंने सवाल किया, जिसने
मैंने जो ट्यूबल लाइगेशन कहा था, इसको ट्यूबेक्टॉमी बोलते हैं, वैसेक्टॉमी मर्दों पे होती है, ट्यूबेक्टॉमी औरतों में होती है, तो उसने वो अपना जिस्म का वो हिस्सा ज़ाया कर दिया, ख़त्म कर दिया, काट दिया, बनवा दिया, जिसके वजह से औलाद वजूद में उसके पेट में अब नहीं आ सकती, उसका क्या होगा। बहरहाल देखिए, ऐसे लोग जो इस तरह का काम करते हैं जिससे हमेशा के लिए औलाद को रोक लिया जाता है, वो अल्लाह के सामने बहुत बड़े गुनहगार हैं। अब जिन्होंने कर लिया, लाइली में कर लिया, वो अल्लाह से तौबा करे, खूब तौबा करे, इस हद तक करे कि लगे कि अल्लाह ने उनको माफ़ कर दिया, इसलिए कि ये दुरुस्त नहीं है शरीयतन। लेकिन हरगिज़ ये ऐसा भी जुर्म नहीं है कि अब जहन्नुमी है तुम्हारे लिए सिर्फ। अल्लाह से तौबा कीजिए, तौबा के दरवाजे अल्लाह के हमेशा खुले। लाइलमी में हुआ गुनाह जानते मुझते हुआ, अब बस तौबा उसका है, तो आप खूब तौबा कीजिए, इसलिए कि आखिरत में क्या होगा हम नहीं जानते, हमको नहीं पता, क्योंकि ये ऐसे गुनाह हैं जिनकी सजाएं बताई नहीं गई। लेकिन जो बात बताई है समझ में आ रही हो, ये कि गुनाह का अमल था, लिहाजा अल्लाह से खूब तौबा करे, इतनी तौबा करे कि लगे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको या उनको माफ़ कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम, हमारा नाम वजाहत अली है। हमारे दो सवाल है। पहला सवाल कि जो कपल 5-6 साल गैप रखना चाहते हैं और शरीयतन परमिसिबल स्टेप लेते हैं, जो कि हाउसवाइफ होते हैं और वो फिर भी 5-6 साल गैप रखना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या हुक्म है? और दूसरा सवाल, जो गायनकोलॉजिस्ट और डॉक्टर्स कहते हैं कि ये कामों में जो मुलविस हैं एबॉर्शन के और उसके, और कहते हैं कि हमारे पास जब पेशेंट आता है तो वो शरीयतन ही सही बताता है या अपनी कहीं ना कहीं मजबूरी लेकर आता है, तो हम कहाँ तक उसको इंक्वायरी करेंगे और कहाँ तक करेंगे, तो क्या हम उसे कर सकते हैं? मैंने दो सवाल की, पहला ये था कि कोई हाउस वाइफ है या आम औरत है और वो चाहते हैं कि 4-5 साल बच्चे में गैप रखे, जिसके लिए वो हलाल तरीके इख्तियार करते जो मैंने बताए। तो देखिए, अगर वो हलाल तरीके इख्तियार करते हैं तो इंशाल्लाह गुनाहगार तो नहीं होंगे, लेकिन पसंदीदा अमल नहीं होगा। दोनों बातें बाएक वक्त है, मतलब इंशाल्लाह चूंकि वो हराम तरीकों की तरफ नहीं जा रहे तो गुनाहगार नहीं होंगे, लेकिन ये पसंदीदा अमल तो नहीं है, लेकिन फिर भी इंशाल्लाह अजीज वो गुनाहगार नहीं होंगे अल्लाह के सामने, पहला, अगर वो हलाल तरीकों से जा रहे हैं। दूसरा, उनका सवाल था कि कुछ डॉक्टर्स के पास पेशेंट आते हैं और बताते हैं कि वाकईतन जो है हम जेन्युइन है, शरीयत के मुताबिक आए और आपको ये काम करना है, तो क्या डॉक्टर इस मामले में क्या करें? तो देखिए, सबसे पहले डॉक्टर्स को, जो मुस्लिम डॉक्टर्स है मेल फीमेल, उनको शरीयत के मुताबिक स्टडी करना चाहिए कि कहाँ तक जवाज़ और इजाज़त है, ताकि उनको भी पता हो कि जब पेशेंट आकर बता रहा है तो क्या ये शरीयत से है। जैसा कि एक डॉक्टर को मैंने कहते हुए सुना, अल्लाह उन पर रहम करे, बहुत पुरानी बात, हो सकता आप तक इल्म हासिल कर लिए होंगे, उन्होंने कहा उनको एक बच्ची को लेकर एक औरत आई, और चूंकि मैं छोटा था तो मैं वहाँ बैठा था, लेडी डॉक्टर थे, मैं भी बैठा था वहाँ, किसी वजह से मैं गया था, तो एक बच्ची को लेकर आई, तो उन्होंने कहा कि फिर पैदा कर लिए, क्या पूछे औरत से, फिर पैदा कर लिए, तो बोली हाँ हो गई, बोली अब मतलब आप किसी को प्रेशराइज करेंगे कि भाई फिर पैदा कर लिए तो क्या बिचारी बोलेंगी, अब वो इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, कहाँ नहीं बस हो गई वो, तो कहा अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अगर एक बच्चा है और परवरिश ना हो सके तो पहले बच्चे को घोड़े पे बिठा के लात मार दो, तो तुम अबॉर्शन क्यों नहीं करा लिए? उन्होंने हाँ ना वो भी नहीं हो सका, बहुत दिन हो गए थे। कहा ठीक है, अगली बार आना जरूर, ना मतलब कस्टमर तैयार कर रहे हो अगली बार के लिए, अगली बार आना, ऐसा कुछ हो तो अपन कर लेंगे हिसाब हिसाब से, ठीक है, मतलब सस्ते में भी करेंगे, गरीब औरत थी वो, ठीक है तो अपन कर लेंगे, वो चले गए। मैंने जब बात सुन ली, मुझे तो कोई इल्म भी नहीं था, मैं बहुत छोटा था, बाद में मुझे बात लेकिन याद रही क्लिक उसकी, कि बच्चे को घोड़े बिठा के मार देना। मैंने काफ़ी तलाश की, हदीस कभी नहीं मिली मुझे आज तक, कहीं भी नहीं मिली कि अगर बच्चा आपका दूसरा है और पहले की तरह परवरिश नहीं होती तो घोड़े बिठा के मार देना, ये ना कोई ज़ईफ रिवायत मिली, ना मेरे को आज तक कोई मौजू रिवायत मिली। अब शायद उन तक वहीं पहुँची हुई है, उन्होंने गढ़ लियो, वल्लाह आलम ना क्या हुआ, चूँकि वो बात कहाँ से पता चली उन्हें। और अगर उस हदीस को हदीस मान, मतलब उस बात को हदीस मान ले, समझ लीजिए मान ले कि हदीस है सिर्फ बहस की हद तक, तो क्या लफ्ज है उसके अंदर, घोड़े में बिठा कर लात मार दे, तो घोड़े बिठा के लात मार दो, वो मरेगा थोड़ी, टांग टूटेंगे उसकी, सिर्फ पिपा लो उसको लंगड़ा। हदीस में हुबहू अल्फाज में करो ना अमल, घोड़े बिठाओ और लात मारो फिर उसको। अब घोड़े को या बच्चे को, मेरे को नहीं मालूम क्या बोलना चाह रहे थे, अगर घोड़े को मारे तो घोड़ा राउंड दे के आएगा, बच्चे को मारे तो बच्चा गिर के मुँह हाथ फूटेंगे, हाथ टूटेंगे, फिर लंगड़ा लुल्ला पालो उसको। तो हदीस पे अमल करो ना, हदीस पे अमल होना चाहिए ना, मारना कहाँ हदीस में, घोड़े बिठा के धक्का दे दो, दे दो धक्का। तो मुझे ताज्जुब हुआ उस औरत ने कैसा बोल दी थी इतनी जसारत की बात, इसलिए कि इससे तो इंसानी जिंदगियां पता नहीं कितनी मार दी होंगी उसने अपनी जिंदगी में। तो कुछ चंद टुकड़ों के लिए आप इंसानी जान ले लेते हैं, व्हाइट कॉलर मर्डर्स करते हैं ऐसे, हाँ उभारते हैं उस पर, अरे कर लो कुछ नहीं होता, आसान है, उभारते हुए देखा कुछ लोग उभारते हैं लोग। देखिए,
सबसे पहले मैं कहूंगा इंसानी जान का जहां भी मसला आता है, और इस हद तक नहीं, मैं तो ये भी कहता हूं अगर लड़कियां गाड़ियां चलाती है ना तो उनको पहले सिखाया जाए गाड़ी चलाना, वरना ये गाड़ी गलत चलाना भी इंसानी जान से खिलवाड़ होता है ना। जाके किसी को मार दिया आता नहीं, और आंख बंद कर लेती लड़कियां तो अपना वो बेचारे को सहना हो उस मर्द को ये तकलीफ पूरी, आंख बंद कर लिया बोलकर आने वाला भी इनको ही उठाता, इनको ही पानी मारता, वो लंगड़ा हो गया उसका खून जा रहा उधर ही रहता हो है, उसको ही उठा के उसको ही पानी मारता और इसको ही डांटता, देखता नहीं कहा देखो बाजी अच्छा चला रहे तू गलत आया। इंसानी जान आप जान भी ले सकते ना ऐसी गलती से किसी की, तो मैं तो वहां एहतियात का बोलता हूँ। यहाँ तो डॉक्टर्स इस्लाम में बर्थ प्रिवेंशन की क्या हकीकत है, फैमिली प्लानिंग क्या होती है, बर्थ कंट्रोल और प्रिवेंशन ये क्या होता है, उसकी तफसीलात पहले पढ़े, जिसके ताल्लुक से जो है मोहम्मद अल जिबाली की बहुत अच्छी किताब है बर्थ प्रिवेंशन, बहुत बेहतरीन अंदाज से और लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज को लेते हुए, चूंकि यूनाइटेड स्टेट्स के रहने वाले हैं, बहुत अच्छे अंदाज से उन्होंने लिखा। या फिर अहमद एच सक्र की एक पुरानी किताब है, वो उन्होंने 72 में लिखा था, 80s में लिखा था, वो किताब भी बड़ी अच्छी है, लेकिन उसमें थोड़े से आउटडेट हो गई क्योंकि उसमें जो टेस्ट थे वो सब पुराने थे। तो उसके अंदर भी फैमिली जो है फैमिली वैल्यूज इन इस्लाम ये पढ़े, या फिर मोहम्मद अल जिबाली के नेट पे मिल जाएंगे आसानी से, इनकी बर्थ प्रिवेंशन बेहतरीन किताब है आज के जदीद दौर में, इसको पढ़े पहले, और उसके बाद अगर वो आकर बताता है मैं शरीयतन फला हूं फला हूं, तब भी आपको पता हो वो जो बात बोल रहा शरीयतन है नहीं है, तब आगे बढ़े वरना आगे ना बढ़े। इसलिए कि बहुत सारे उलमा ने ये लिखा है कि अगर कोई डॉक्टर किसी बच्चे को सिर्फ माँ बाप की बात सुन के शरीयतन वो मारना दुरुस्त नहीं अबॉर्शन करता है, और अगर माँ भी शामिल है बाप भी शामिल है डॉक्टर भी है, तो ये तीनों मिलके खून बहा देंगे, खून बहा बच्चे का खून बहा आधा होता है बड़े का, खून बहा देंगे किसको, उसके वारिसों को, अगर बाप तैयार नहीं था तो बाप को जाएगा, अगर माँ बाप दोनों तैयार थे तो बच्चे के दादा दादी को जाएगा, फिर खून बहा डॉक्टर भी देंगे आधा और आधा वालदेन देंगे, समझे, इसलिए कि वो खून मर्डर में शामिल है उसके, तो ये मर्डर माना गया शरीयत में, अदर के खून कत्ल है बच्चों का, ठीक है। तो लिहाजा डॉक्टर्स कोई कत्ल में हाथ डालेंगे, कोई डॉक्टर जानते पूछते किसी बड़े आदमी को मारने में नहीं, तो बच्चों का भी तो आप पढ़े, डॉक्टर्स ही बड़े आसान, अच्छा तुम बोल रहे हो तो फिर हम कर रहे, नहीं आप पढ़ेंगे आप देखेंगे और परखेंगे उस शरीयत के मुताबिक है तो आगे बढ़ेंगे, वरना आप कहेंगे कि भाई मैं ये काम नहीं कर सकता, आप किसी और के पास चल जाइए सीधे से, और उसको भी ताकीद करें कि तुम भी कहीं मत जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ऐसे डॉक्टर्स देखे अपनी जिंदगी में जो वाकईतन जो लेडीज आ रहे हैं औरतें आ रही हैं मर्द उनको साथ ला रहे हैं, समझा कर भेजते कि बाजी या मेल है फीमेल है समझा समझा बेटा इसको पैदा होने दो, पैदा होना उसका हक है मत मारो इसको, तो लोग आते हैं अबॉर्शन की नीयत से समझ कर बात जाते हैं, लेकिन मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो रास्ता चलने वाले को पकड़ के बुलाते आइए ये कर लीजिए फायदा है, बहुत संगीन जुर्म है, कैसे अजीब बात है ना, कत्ल के लिए आप तैयार है, कत्ल के लिए तैयार है, कत्ल है मर्डर है कत्ल के लिए तैयार, तो बहरहाल डॉक्टर्स पढ़े, पढ़कर फिर उनकी राय सुनने के बाद अपनी राय रखें, शरीयतन जवाज है तो करहात के साथ आगे बढ़े, इसमें भी नहीं कि अब शरीयतन जवाज मिल गया, करहात के साथ कि एक बड़ी जान को बचाने के लिए हम छोटी जान ले रहे हैं, और अल्लाह मैं माफी मांगता हूं तुझसे इसके लिए, इसलिए कि इस औरत की जान बचाने में ये काम कर रहा हूं, बस इसके तहत वो करेंगे, वरना बगैर पढ़े कि शरई इल्म उसने कह दिया कि मौलवी से पूछ लिया हमने, मौलवी ने कहा तुम कर दो, नहीं मौलवी तो बोल रहे 120 दिन में कर दो कभी भी, शरीयतन 120 दिन क्या कभी भी वजूद में आने के बाद आप उसको जाया नहीं कर सकते। मुस्लिम डॉक्टर है पेशेंट नॉन मुस्लिम है तो क्या यही मामला होगा, और अगर नॉन मुस्लिम पेशेंट आके इलीगल एबॉर्शन और इलीगल कॉन्ट्रासेप्टिव अगर बताता है तो मामला क्या है? मैंने कहा कि अगर डॉक्टर मुस्लिम है पेशेंट नॉन मुस्लिम है और इलीगली, तो देखिए पेशेंट मुस्लिम हो नॉन मुस्लिम हो इंसानी हुरमत वही है, उसके पेट में जो बच्चा है उसकी हुरमत यकसा है, मुस्लिम औरत का भी और गैर मुस्लिम औरत का भी यकसा हुरमत है, उनकी दीनी एतबार से उनकी वैल्यूज अलग है लेकिन ह्यूमन वैल्यूज सेम है, उस औरत की भी इस औरत की उसके बच्चे की और इस बच्चे की भी, तो लिहाजा डॉक्टर नॉन मुस्लिम औरत पे भी नहीं कर सकता, इसलिए कि जो शरीयत में हराम है वो सबके लिए है, मतलब अगर शरीयत में मेरी शराब पीना हराम है तो किसी को पिलाना भी हराम है, फिर अब नॉन मुस्लिम पी सकता है पिला नहीं सकते आप उसको, ठीक है कि उसके शरीयत में जायज होने थे हम अपनी शरीयत नहीं बदल सकते, तो लिहाजा नॉन मुस्लिम पेशेंट्स भी आए और बोले तो डॉक्टर इलीगली कोई काम नहीं करेगा और ये काम बिल्कुल बिल्कुल अबॉर्शन का, इसलिए कि इंसानी जान का मसला है। वही आपको किसी ने एक सवाल किया, अगर किसी शख्स को अल्लाह सुबहान व तआला औलाद दें औलादें अता कर रहा है तो रिश्तेदार यानी उस शख्स के ससुराल वाले कहते हैं कि बस ना अब बहुत हो गई औलादें 5 काफ़ी हैं करवा लो ऑपरेशन, तो जो अल्लाह के प्लानिंग में दखल कर रहे हैं तो ऐसे गुनाह करने वालों लोगों को अल्लाह
अजाब नहीं देगा क्या? इसने एक सवाल किया। देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये, यकीनन ये इंसानी कत्ल है, अल्लाह अजाब देगा ऐसे लोगों को। लेकिन ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, जब दो चार बच्चे हो जाते हैं हम खुद मशवरा देते हैं। ये तो कैसा अजीब मशवरा हुआ ना कि मैं आपसे ये कहूँ आपके पांच बच्चे हयात है समझ लीजिए, अभी छोड़ दीजिए वजूद में आने वाले पांच हयात, और मैं आके कहूँ यार ये पांच बहुत तंग करते, एक को मार डालो इसमें से। यकीन मानो वैसे पूरों को मारे चलेगा, लेकिन एक को तो मार दो, पांच बहुत ज़्यादा हो गए। आप मार देंगे उसको? मारेंगे क्या? फिर ये कैसा होगा कि आप कहेंगे बहुत हो गए पांच और ख़त्म कर दो, अब बस हो गया ऑपरेशन कर लो? इसलिए कि हमको शरीयत के अहकाम मालूम कहाँ हैं, हमको जो किसी ने बता दिया बस हम उसके मुताबिक बक रहे हैं बस सब जगह जाके। शरीयत में ही हराम है, याद रखिए। तो कोई इंसान किसी को ना बोले पांच बच्चे, अल्लाह मुबारक करे आपको और अता करे, बरकत दे उनके अंदर, ये अलग चीज़ है। लेकिन आप ये सब चीज़ें हराम कार्या नहीं, जो शरीयत के अतबार से आप अपने आप को रोकना चाह रहे हो एक अलग चीज़ है, लेकिन इस तरह से किसी को बोलना बहुत बच्चे हो गए ऑपरेशन करा, और ये कॉमन है हर जगह, मैंने देखा ससुराली लोग या सास खुद बोलती बस बहुत बच्चे हो गए फला हो गए ऑपरेशन करा लो, इनकी आगे की पढ़ाई का क्या, ये बड़े बड़े शोबों में नहीं जा सकेंगे, डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनेंगे तुम्हारे बच्चे, इसलिए इतने पैदा कर दिए तुमने फला। नहीं, अल्लाह ने जिसको जो बनाना है अल्लाह बना के रहेंगे। और हमने ये देखा ज़्यादा बच्चे कभी भी जो फ़ायदेमंद रहे, ज़्यादा बच्चे जिसको थे आज जिंदगी उसके वालिद की बचपन में हो सकता बड़ी तंग दस्ती में गुजरी हो, लेकिन आज आप देखेंगे एक बच्चा इतने हज़ार कमाता, दूसरा उतने हज़ार, दूसरा इतने लाख, बाप आराम से जो है करिश्मा पे घूम रहा है। क्या हजरत तुम तो बीड़ियाँ पीते बैठते थे, वाला अरे बच्चे ने दिला दिया हम दिला। देखिए, और वहाँ जिन साहब ने एक पैदा किया था वो जब एक बड़ा होता है बूढ़े माँ को बोलता है बाप ओल्ड होम में चल जाइए, अब बहुत हो गया आपका यहाँ। तो उसको जो तालीम आपने दी वो तालीम ने उसको क्या किया, आपको खारिज करने मजबूर कर दिया। आप समझ रहे बात को? ज़्यादा बच्चे कभी भी अच्छाई करें, कभी इसको बुरा मत जानिए, और कोई बढ़ावा ना दे। ठीक है किसी को मसला है प्रॉब्लम्स है तो आप मशवरे दे सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट हर कोई मैंने देखा है, और लेडीज़ में कॉमन होता है, अरे इतने बच्चे अब तो ऑपरेशन करा लो ना, गोया ऐसा है कि मतलब कोई बात ही नहीं ऑपरेशन कराना, कोई हराम चीज़ है ही नहीं, बिल्कुल करा लो बस उठ। बल्कि एक साहब ने तो एक वाकया सुनाया, वाकया सुन के मेरे आंख पर कांटे आ गए। उनका हज को नंबर लग गया, उन्होंने कहा, मैंने कहा माशाल्लाह, तो बोले बस अभी दवाखाने से आ रहा हूँ ऑपरेशन करा के। सुभान अल्लाह, मैंने कहा हज को जाना तेरे पे फर्ज नहीं था और तेरी बीवी पे भी नहीं था, अगर तू बीवी को छोड़ के नहीं जा सकता था तो तू भी नहीं जाना था और उसकी बीवी को भी ले जाना था। तुमने कहा ऐसा काम किया जैसा कि मुझे हज को जाना है और मेरे बाप की तिजोरी में पैसा है, उसकी गर्दन काट के पैसा चुरा के हज को जा रहा हूँ, वैसे हुआ ना। वो अब वो चाह रहे थे उमार, क्या मुबारकबाद दू, लानती आदमी है, मुबारकबाद देंगे उसको हज की, ऐसे हज की क्या कबूल करेंगे अल्लाह ऐसा हज कि तुम हज को नंबर लग गया। बल्कि औलाद, चूंकि चार पाँच महीने की औलाद थी, हज को नंबर लग गया, बाद में चांस नहीं मिलेंगे, औलाद जाहिर कर दी। सुभान, कैसी शरीयत का मजाक बना रहे, देख रहे हैं? एक अमल करने जा रहे अल्लाह के घर और वहीं उसके अहकामात को इधर पामाल करते औलाद को कत्ल करके, वो रब क्या कबूल करेंगे आपकी इबादत है कि एक तरफ तो कत्ल करते उस तरफ उसके समझ सामने उसी घर के पास जाके। आप यहां से भी तो अल्लाह की इबादत कर सकते हैं ना, कोई जरूरी थोड़ी वहीं जाना। अल्लाह ने दिया है रास्ते की सहूलत, सेहत तो ठीक, आपकी सेहत नहीं थी ना, औलाद थी पेट में तो नहीं जा सकते थे, मत जाइए। नहीं बोले अब चांस मिलेगा नहीं मिलेगा, हज कमेटी से फुकट छाप हो गया था हम जा रहे, मतलब थोड़े से पैसे बचाने को किया उस आदमी ने, जब तो 40,000 में होता था शायद हज, और यहाँ से 1,00,000 में होता था, अब तो बहुत महंगा हो गया। तो तुमने सिर्फ 60,000 के लिए जान ले लिया, पैदा होने के बाद जाते नहीं, जाते अगले साल जाते, बीवी को छोड़कर जाते, ये कौन सा हल था? लेकिन ये समझ में नहीं आया मुझे ये वाकया, तो फिर भी कुछ समझ रहे अल्लाह की बात करी। बहुत से लोग ऐसे घर में शादियाँ निकलने वाली, दो तीन बच्चे को ज़ाया कर दो, इसलिए कि शादियाँ हैं, घूमना है, सजना है, संवरना है, बच्चों को ज़ाया करते हैं। बच्चों को ज़ाया करना एक ऐसा मामूल बना दिया है कि अल्लाह की पनाह रोज़े क़यामत अल्लाह उन वालिदैन से बात नहीं करेगा, जो कहा ना वाइज़ल मौऊदत सुइलत बिअय्यि ज़म्बिन क़ुतिलत, उलमा लिखते हैं कि वो इसलिए बच्चे से पूछेगा कि वालिदैन से अल्लाह की नाराज़गी होगी, तो उससे बात नहीं करना है मुझे, इसलिए इससे पूछूंगा क्या हुआ। बहुत संगीन जुर्म है, अल्लाह रब्बुल इज्जत से हिफाजत फरमाए। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा सवाल का कुछ जवाब तो आपने, आपके पर जो सवाल हुआ था कि चार शादियाँ क्यों नहीं करते बल्कि, उसी में कुछ मिल गया था। उसके आगे ये सवाल था कि अगर दूसरी शादी का अगर बोलते हैं किसी को, तो वो बोलता है कि मैं एक को पाल सकता है, मेरे मतलब एक ही बीवी के बच्चे को पाल सकता, तो मतलब ये उसका अकीदा किस तरफ जा रहा है? मतलब कुछ कुछ जो है वो अपने आप को मतलब उसका राजी बना ले रहा है कुछ इस तरीके से, और फिर उसका शौहर अगर किसी औरत का शौहर मर जाता है तो वो सोचती है कि उसके बाद मेरा कौन पालने वाला है कौन नहीं है, तो ये अकीदों में थोड़ा सा उसके वजाहत चाहता हूं। मैंने एक सवाल किया कि अगर कोई शख्स निकाह एक तो चार क्यों नहीं करते, उसकी वजूहत जो दी मैंने समझ में आई। दूसरा, निकाह जब एक इंसान दूसरा कर सकता है, जब उसको बोलते हैं तो बोलता नहीं अभी इतना इनकम नहीं है कि दूसरी बीवी पाल सकूं, दूसरे बच्चे पाल सकूं और ये कर सकूं। देखिए, कुछ एतबार तक तो ज़ाहरी अजबाब पे शरीयत ने भी कहा कि एतमाद के साथ अल्लाह पर तवक्कुल है,
तवक्कुल के साथ ज़ाहरी असबाब पे भी एतमाद है, दुआ है और अमल भी है, अमल भी है और दुआ भी है, दोनों चीज़ें हैं। तो अगर वाकईतन वो बिल्कुल ही इतना खल्लाश और कंगाल है कि वो दूसरे निकाह नहीं कर सकता तो अलग चीज़ है, एक अलग चीज़ है। लेकिन इसके बरक्स एक वाक़ जो मिलता है हमको सीरत में वो ये है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आए और कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी बड़ी मुफलिसी है, परेशान हाल ये तंगदस्ती है, क्या करूँ इस मामले में। तो आपने फरमाया तेरा निकाह हुआ, तो कहा हो गया, तो कहा फिर दूसरा कर जा, तो कहा अल्लाह के रसूल दो है परेशान है अब ज़्यादा हो जाएंगे तो मुश्किल होंगे। फिर यार आपसे हमसे पूछा था, आपने कहा निकाह करके आ गए। फिर थोड़े दिन बाद आगे कहा अल्लाह के रसूल मेरे हालात तो और बुरे हो गए, एक रोटी में दो खाते थे अब तीन खाते, तंगदस्ती होकर अभी भी तो मुफली से दूर नहीं कहा और एक निकाह कर। अब चूंकि आप सबने बयान किया था साहबी का ईमान तो चले गए, तीसरा निकाह करके आ गए। उसके बाद फिर पूछा क्या बात है, तो कहा पहले एक रोटी में दो खाते थे तीन अब चार खा रहे, मतलब इनकम तो नहीं बढ़ी खाने वाले बढ़ गए। कहा अभी भी हल नहीं हुआ, एक और कर। कहा अल्लाह के रसूल मैं चार हो गए की रोटी खा रहे, कहा एक और कर। जब उन्होंने चौथा निकाह किया उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मिले तो वो कहते हैं कि जो पांच चौथी बीवी मिली थी उनको वो बहुत माहिर थी सीने पुरोनों में, वो जैसी घर में आई उसको आठ हाथ पहले से मिल गए, वो तो माहिर थी आठ मिल गए, वो सब मिलकर सीने पुरोने का इतना काम किए कि एक बहुत मालदार ताजिर बन गए कुछ सालों में। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो गुर्बत का हल दिया निकाह। बहर याल लेकिन हर किसी का तवक्कुल उस मयार पर नहीं होता जैसा वो सहाबी का था, है ना। हर जाहिर सी बात है अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु किसी ने एक बार कहा बीमार थे दवा लो, तो कहा मेरे तबीब ने तो मुझे बीमार किया है, अल्लाह ने तो किया है, शफा देने वाले ने तो बीमार किया है, ठीक है। ये तवक्कुल एक अलग चीज़ है हर आदमी, लेकिन वो लेवल को तवक्कुल के नहीं पहुंच सकता। तो बहरहाल दहरी अजबाब भी देखे वो, और उसके बाद अगर अल्लाह ने ऐसे हालात बनाए हैं तो वो निकाह कर ले, इसलिए कि पालने वाला अल्लाह रब्बुल इज्जत याद रखे हम और आपने, ठीक है। तो जहरी अजबाब जो उसको लगते हैं कि भाई इतने से इतने हो जाते मैं करूँगा, एक अच्छी बात है, लेकिन हरगिज औरतें मेरे खिलाफ मुहिम ना खड़े कर दे, भाई बहुत शादी की बात कर रहे ये खतरनाक है हमारे खिलाफ दिख रहे, तो मतलब मर्दों की गा रहे और औरतों की नहीं। देखिए शरीयत ने जो एक से ज्यादा निकाह का हुक्म दिया है ये आपकी और हमारी खैर और अच्छाई के लिए, और शरीयत जिसने बनाया वो हकीम रब अल्लाह है, वो तमाम चीज़ों और इंसानों को इंसानों से बेहतर जानता है, उसने किसी हिकमत के तहत ही अमल दिया है, याद रखिए। तो अगर हम ना करते हो अलग चीज़, लेकिन कराहत और बुरा नहीं माना, वरना बहुत सी औरतें क्या अजीब है शरीयत में ये हुक्म, अजीब नहीं है ये हकीम है, ये बेहतरीन हुक्म है, इसकी हिकमतों को जब इंसान समझ जाता है ना तो फिर लपक पड़ता है उन चीज़ों की तरफ। तो बहरहाल अगर उनके अजबाब है तो भर अल्लाह पे तवक्कुल करके आगे बढ़े, इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रोज़ी देने वाला है। किसी ने एक सवाल किया, किसी ने कहा कि इंडियन पॉलिटिक्स में किसी का दाखिला नहीं होता अगर दो से ज़्यादा बच्चे हैं, हाउ कैन वी मेक लीडर्स, तो हम लीडर्स कैसे बनाएं। तो देखिए सबसे पहले चीज़ तो ये कि ये चीज़ तो बहुत पहले से आना चाहिए था, अब उल्टे जाने की आप बात कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिसको हमको पहले से अमल में लाना था तो ये मामला होते ही नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद भी मैं कहूँगा माशाल्लाह ऐसे बहुत से लीडर्स हैं जिनको पाँच पाँच छः छः सात सात आठ आठ नौ नौ भी है और उसके बाद भी आज बड़े बड़े पोजिशन पर जीत के आ रहे हो लड़ रहे हैं। तो ये कोई कंपलसरी नहीं है, मैं जानता हूँ कि कानून बन चुका है कि दो से ज़्यादा बच्चे रहेंगे तो लीडरशिप में नहीं आ सकता, लेकिन उसके बाद भी जितने धारकारियों पर बैठे हैं माशाल्लाह देखो कितने बच्चे हैं उनको, ठीक है। तो बहरहाल रास्ते बहुत है, बताने की ज़रूरत नहीं आपको, ये वजह ना बने कि लीडर नहीं बन सकते बोल के हम ये ना करें, बल्कि आप इतने पैदा कर दें कि आपको मजबूरन वो लीडर बना ही देंगे बना के, नहीं बनना है इसको हमारा आदमी हम चुन के लाएंगे इसको, दस बीस भी है तो उसको क्या हम लाएंगे चुन के, तो सब मुसलमानों के उतने रहेंगे जाहिर से, तो वोट भी तो एक चीज़ होती है ना, ऐसे लीडर्स आ जाएंगे। तो बहरहाल मैं यकीनन इसको ये नहीं कहूँगा कि आप दो बच्चे इसलिए पैदा कीजिए कि आपको पॉलिटिक्स में जाना है, हालात ऐसे लाइए कि वो खुद कहे, और वोट बैंक बढ़ना चाहिए ना यार, वोटर्स कम नहीं ज़्यादा होना चाहिए। बहरहाल तो ये कोई जवाब वजह नहीं है बच्चे कम पैदा करने की या फिर दूसरे काम करने के जो होते हैं। बहरहाल जी अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह के रसूल की हदीस है कि निकाह के ताल्लुक से कि दीनदार को मियार दीनदारी को मियार बनाया जाए, लेकिन कुछ घरों में जब रिश्ता भेजा जाता है तो हसब नसब की बुनियाद पे उसको ठुकरा दिया जाता है, तो ये कहाँ तक सही है। देखिए आपने फरमाया भाई ने कहा कि दीनदारी को बुनियाद बनाइए, मुत्तफ़िक़ अलैह रिवायत है, लेकिन बहुत से लोग होते हैं कि हसब नसब भाई इनका ननिया ददियाल ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस बुनियाद पर ठुकरा देते हैं। तो देखिए हमारे लिए तो असल दीनदारी ही है, दीनदारी को ही तरजीह देना चाहिए, वालिदैन भी इस चीज़ को याद रखे, लड़का हो लड़की हो, आप सामने वाला अपना बहू लाना है या अपना जो है अपनी बेटी को ब्याहना दामाद, इन मामले में दीनदारी को तरजीह दे दी, क्या कमाता है इंशाल्लाह आज कम कमाता है कल ज़्यादा कमाएंगा, और नहीं भी कमाए तो आखिरत असल चीज़ है कि उनकी बन जाए, दीनदार होंगे तो बच्चे दीनदार होंगे आखिरत संवरेंगी आखिरत बनेंगी।
तो लिहाजा दीनदारी को तरजीह दें। लेकिन आजकल दीनदारी बहरहाल कहीं ना कहीं कुछ हद तक नहीं बहुत हद तक मार खा रही कि हमारे पास अगर दीनदार लड़का है और लड़की को रिश्ता भेजे तो बोलते हैं हमारी लड़की से इतना नहीं जमेगा दीनदारी, हम नहीं दे सकते। बहरहाल लेकिन फिर भी दीनदारी ही मायार होना चाहिए। लड़के इस मायार को डिमांड में डाले अपने, ये डिमांड में आएगा तो इंशाल्लाह ऐसी लड़कियां भी होंगी जो दीनदारी पे। वरना आज बहुत सी लड़कियां दीनदारी पे इसलिए नहीं चलती है क्योंकि घर वाले बोलते हैं तुम दीनदार बन जाओगे ऐसा लड़का नहीं मिलेगा, तुम्हारी शादी में तकलीफ होंगी, लिहाजा कम दीन पर चलो। तो बहरहाल डिमांड डालिए और दीनदारी बोले तो वाकईतन दीनदारी, वो नाम निहाद दीनदारी नहीं कि दीनदार चाहिए और फिर कप कैसे थे, चद्दर कैसी थी, वो पर्दे कैसे थे, घर कितना था, कलर कैसा था, दीनदारी में ये सब नहीं आता है। दीनदारी में उसके उसका उसका इस्लाम, उसका तौहीद परस्त, उसका अरकान इस्लाम पे अमल और उसके अखलाक, ये देखना है बस आपको। उसके बाद वो तनख्वाह वनख्वाह घर सब हो जाता है बाद में, और आखिरत में तो जन्नत ही मिलेंगी ना अच्छे लोगों को। तो दीनदार होगा दामाद, दीनदार होंगी बेटी आपकी जाएंगी, बच्चे दीनदार होंगे, जन्नती बनेंगे, तो बहरहाल बहुत से फायदे। तो बहरहाल दीनदार ही जो है दीन मसल है, शेख वगैरह ये सब बहरहाल ये तो हम ना डिस्कस करें तो ये अच्छा है कि खानदानी जो असब नसब होता है कि भाई हम फलां हैं तो फलां को देंगे, हम फलां खानदान के तो ये खानदान में नहीं जमता, ये छोटे और हम बड़े हैं। शरीयत में कोई छोटा बड़ा नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को ऐलान कर दिया और फरमाया था कि मैंने जहालत के तमाम रसूमात को अपने पैरों तले रौंद दिया है, इसमें हसब नसब की ऊंच नीच भी इसी में शामिल है। अदर की हसब नसब हम फलां और हम फलां रौंद दिया आपने और कहा कोई अजम कोई अरब पर और कोई अरब कोई अजम पर अफजल नहीं, कोई काला कोई गोरे पर, कोई गोरा कोई काले पर अफजल नहीं सिवाय तक़वे की। तक़वा किसी का मापा नहीं जा सकता, तो बहरहाल तक़वा मैंने, इसके अलावा ये तमाम चीज़ें बहरहाल दुरुस्त नहीं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ये फैज भाई ये टॉपिक ये सवाल टॉपिक से हट के लेकिन चूँकि बहुत बड़ा मजमा यहाँ मौजूद है इसलिए सवाल करना हम चाहते हैं। सवाल इस तरह है कि आमतौर पर जो ईद की जो शब होती है यानी चांद रात तो उसको लैलतुल जायदा के नाम से मौसूम किया जाता है, तो इसकी हकीकत क्या है? क्योंकि बहुत बड़ी उम्मत मतलब उम्मत के लोग उसका मतलब इबादत वगैरह करते हैं और कहते हैं कि इससे मैंने एक अच्छा सवाल किया कि लोग रमज़ान की जो आखिरी रात होती चांद रात जिसको बोलते हैं कल दिखेगा चांद या आज दिखेगा मतलब या कल दिखेगा जब भी होंगे 29-30 तो उसको लैलतुल जायज़ा बोलते हैं, उसमें इबादतें करते हैं मखसूस हैं। लैलतुल जायज़ा मतलब रात की नाम का ये चांद रात का ये नाम सुन्नत से भी साबित नहीं है और इसमें कोई मखसूस इबादत साबित नहीं है, ठीक है? तो लैलतुल जायज़ा की पहले तो ये नाम भी सुन्नत से साबित नहीं है। अब लोग बोलते जायज़ा मतलब क्या किया उस पर रो नादिम हो, लेकिन ये नाम भी साबित नहीं है और ना इस रात में जाके कोई खास इबादत है। अगर आप रोज़ करते थे आदि है तो उस दिन भी कर लीजिए, मखसूस इसकी कोई अहमियत, मखसूस कोई आमाल, कोई इबादत, कोई असकार, कोई चीज़ साबित नहीं है, सिवाय इसके कि आप जो आम मामूल रोज़ करते तहज्जुद तो रोज़ पढ़िए, फजर पढ़ते वो कीजिए, लेकिन मखसूस इसकी कोई हैसियत या अहमियत शरीयत में नहीं है। भाई ने बहरहाल एक सवाल किया है कि कुछ जगह रिश्ते हम ले जाते हैं तो बोलते हैं कि हमको शॉर्ट फैमिली में देना, मतलब कम तादाद हो, ऐसा लड़का है बस एक आध बहन हो उसको और बस इस तरह से शॉर्ट फैमिली में देना है, इसका क्या है? तो देखिए ये सब वो जो मंसूबा बंदी के नाम पे गलत अफकार गलत बातें फैलाई गई उसका नतीजा ही कि कम बच्चे होंगे, छोटी छोटा खानदान होगा तो बच्ची खुश रहेंगी, बच्चा खुश रहेगा, ज़्यादा खाने पीने को मिलेगा, फला होगा, ये सब उस जहनीत का नतीजा याद रखें। तो उम्मत मुस्लिमों को अपनी जहनीत को तब्दील करना होगा। बल्कि एक साहब मुझे बताने लगे कि उनका रिश्ता कहीं वो ले गए और उनको दो माएँ थी, दो वालदाएँ थी उनको, तो वो उनका रिश्ता सब पसंद आ गया। अब जब गए वो दो वालदाएँ को लेके तो बोले हम नहीं कर सकते शादी, बोले आपसे क्यों? बोले तो बोले इससे डर लगता, बोले हमको मतलब उनके वालदाओं की तरफ हाथ बता के बोल रहे हैं कि तुम्हारे वालिद जैसे दो की हमको डर लगता है तुम भी करेंगे, कैसी अजीब बात है ना। बहरहाल लेकिन ये एक जहनियत बन चुकी है, ये जो जो मईशत इकोनॉमिकल सिस्टम हमारा है उस सिस्टम में ये सब चीज़ें डाल दी गई कि कम बच्चे होना इकोनॉमी को बढ़ाता है फलां करता है, तो लिहाजा ये उनकी बदबख्ती है या नासमझी है। अल्लाह सुब्हान तआला ऐसे लोगों को जो है समझ दे, लेकिन बहरहाल ये दुरुस्त नहीं है, ऐसा कहना बिल्कुल दुरुस्त नहीं। ये अलग बात है किसी को पसंद है कि वो उसका खानदान छोटा हो, लेकिन ये उस बुनियाद पर करते हैं कि अगर खानदान छोटा होगा तो फलां फायदे होंगे, बच्ची को कम काम करना पड़ेगा ज़्यादा पैसे, ये बहरहाल शरीयत दुरुस्त नहीं है। दीनदारी असल पैमाना और बुनियाद है। किसी ने एक सवाल किया, कोई डॉक्टर सलीम है, इफ़ पेशेंट इज विलिंग अबॉर्शन अंडर 12 वीक्स एज एट दिस एज फीटस इज नॉट अलाइव, कैन वी सजेस्ट फॉर दैट? किसी ने एक सवाल किया, कोई डॉक्टर है कि एक पेशेंट है जो चाह रहा है कि उसका अबॉर्शन हो और 12वां हफ्ता है, 12th वीक है, एज चूँकि फीटस उस बच्चे की उम्र, उस जनीन जिसको कहते हैं जनीन की उम्र अभी चूँकि 12 हफ्ते हैं सिर्फ, तो क्या उसको हम ज़ाया कर सकते हैं चूँकि 12 हफ्तों में वो ज़िंदा नहीं होता? तो देखिए सबसे पहली चीज़ मैंने इस चीज़ की वजाहत कर दी थी कि शरीयत में एक गलत फहमी किसी ने ला ली कि 120 दिन बोले तो 12 वीक के अंदर ही हो रहा हो,
माफ करना 16 होंगे हफ्ते, तो चूंकि ये 12 हफ्तों में वो बता रहे हैं, 16 हफ्ते नहीं हुए, 4 महीने नहीं हुए, तो क्या अगर उसके वालिदैन राजी तो कर सकते हैं? तो याद रखिए, शरीयतन अगर माँ की जान को खतरा नहीं है तो डॉक्टर, चाहे पेरेंट्स विलिंग हो या चाहे पेरेंट्स कुछ भी करें, डॉक्टर ये काम नहीं कर सकता, शरण याद रखिए। चूंकि वो अभी जिंदा नहीं इंसान होने के एतबार से कि उस पर रूह नहीं फूकी गई, लेकिन फिर भी वो जिंदा है, वो हलता है, सब कुछ करता है, याद रखिए। लिहाजा ये गलत फहमी थी, पता नहीं कहां से आ गई, उस हदीस के साथ गलत मफहूम से आई कि 4 महीने बाद 120 दिन बाद रूह आती, लिहाजा रूह से पहले वो बेजान होता है, उसको कुछ भी किया जा सकता है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त नहीं, याद रखिए, बिल्कुल सही नहीं है। लिहाजा 12वां वीक हो या 12वां दिन हो, आप उसको चाहे वालदेन राजी हो चाहे वालदेन कुछ भी कहे, डॉक्टर उसका एबॉर्शन नहीं कर सकते, इसलिए कि शरीयत ने दुरुस्त नहीं है। अगर डॉक्टर वो करेगा तो उसको खून बहा में आधा देना पड़ेगा उसको, कि तो उसको मजबूर तो नहीं करना ना, गले पे चाकू रख करो, नहीं, तो लिहाजा वो मजबूर नहीं है, लिहाजा वो कह दे और समझाए ऐसे लोगों को कि 120 दिन से कम भी रहे तो भी जाया नहीं किया सकता, इसलिए कि वजूद में आने के बाद पैदा होना उसका हक है। जी अस्सलाम वालेकुम, भाई मेरे दो सवाल है, एक जो ना टॉपिक से रिलेटेड है, अगर टॉपिक से ना एक अलग इंशाल्लाह ले लेंगे, चूंकि 2-5 हो गए तो पीछे और 4-5 लोग हैं। ठीक है, मुबाशरत की जो बात हो रही है ना, तो क्या जन्नती जो है मुबाशरत भी करेंगे और क्या उनकी औलाद भी होगी? क्या मैंने एक सवाल किया कि जन्नत में, जब मैंने मुबाशरत की बात की, तो क्या जन्नत में लोग मुबाशरत करेंगी और औलाद होंगी? तो सही जो उलमा के अकवाल और रिवायतों से पता चलता है, वहाँ जन्नती मुबाशरत करेंगे लेकिन ना औलाद पैदा होंगी, ना औरतों को हैज आएंगा, ना मनी खारिज होगा, ना किसी भी किस्म की वो जो गिलाजत दुनिया में होती वो होंगी। ठीक है, तो जन्नती जन्नत में मुबाशरत करेंगे लेकिन कोई औलाद पैदा नहीं होंगी, कोई औरतों को हैज नहीं आएगा, कोई इस तरह की कोई चीज़ नहीं होगी। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरे दो सवाल है, बस एक आपको इसमें, क्योंकि पीछे और 4-5 लोग, यहाँ पर उतना टाइम नहीं, आपको एक चॉइस करके लिख बस मुझे। चले जी। एक शख्स है, वो उसकी शादी की उम्र हो गई है, गवर्नमेंट जॉब पे, उसने उसके घर वाले से बात किया कि मेरी शादी करना है, तो उसके घर वाले बोले तो अभी बच्चा है जी। उनकी एक बहन भी है समझो, और उसने बोला कि पहले बहन के घर, तो वो नहीं बोले अभी तू बच्चा ही बोले, तेरे बाद में सोचेंगे, तो वो क्या मतलब है? वो घर वाले पे उसमें होकर शादी का समझ रहा हूँ। मेरा भाई ने सवाल किया कि उनके एक दोस्त है जो गवर्नमेंट जॉब पर है, लेकिन जब निकाह कर उन्होंने अपने वालदेन से कहा तो उन्होंने कहा तुम बच्चे अभी तुम्हारी शादी नहीं कर सकते, और उनकी बहन भी है, वो चाह रहे पहले उनकी हो। देखिए उम्मत मुस्लिमा में ये भी एक अजीब एक रिवाज है कि बोलते बहनों की शादी पहले होना, भाइयों की बाद में होना, ये पता नहीं मतलब ये कहाँ से आ गया। देखिए जिसको रिश्ता आ रहा है, जहाँ मामला हो रहा है वो कर ले। अब मैं एक मिसाल देके समझाता हूँ, समझ लीजिए हम इतने लोग इस शहर औरंगाबाद में रहते हैं और इतने लोगों से ये शहर बना हुआ है। ठीक है, अब मुझे 2-3 बच्चियाँ हैं, 2-3 बच्चे हैं, आपके घर में भी 2-3 बच्चियाँ हैं, 2-3 बच्चे हैं, और इनके घर में भी बच्चे बच्चियाँ, इनके घर में बच्चे बच्चियाँ, उनके घर में भी लड़के लड़कियाँ। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे लड़कियों की शादी पहले हो, आप चाहते हैं आपकी लड़कियों की शादी पहले हो, आप चाहते हैं आपकी लड़कियों की पहले शादी हो, आप चाहते हैं इनकी लड़कियों, क्या ये लड़कियों की शादी फरिश्तों से करते अब? नहीं, होंगी किससे? तो जब मैं अपने लड़कों की शादी करूंगा तो कुछ की लड़कियां रिलीज होंगी उधर से, तो लड़के फ्री होंगे उधर से शादी के लिए। समझ रहे हैं बात को? यहाँ हर शख्स ने लड़की की पहले, लड़की की पहले, लड़की की उम्र गुजर गुजर के बिल्कुल वैसा होता कि कभी कभार वो बोलते रसम कर देते लड़के का, रसम, मैं रसम करने को बोलता हूँ लॉलीपॉप दे रहे उसके हाथ में, शादी नहीं होती उसकी। अब 6-7 साल बेचारा खाली रसम, बोलते बच्चे को, आप बच्चा बोलता मेरे को गाड़ी होना था, बोलते बेटे लॉलीपॉप, तो लग जाता लॉलीपॉप, तो रसम कर देते। अब शादी कब होती है? रसम हुआ 20 साल की उम्र में, शादी होती 30-32 में, तो लोग बोलते बेटा आप थोड़े दिन के लिए गाय को, अब बस जाने का वक्त आ गया, आधी जिंदगी गुजार लिया और वो कर रहे हैं। तो बहरहाल वो वालदेन को समझाए, उनको मनाए, उनको बताए, लड़की से पहले लड़के की शादी भी हो सकती है, बहनों के अंदर छोटी बहन की शादी भी पहले हो सकती है, सबसे छोटी किसी की भी हो सकती है, जिसको रिश्ता है दे दीजिए बोलना, इसी तरह तो फिर माहौल में शादी होंगी, वरना हर शख्स रोक के रखा हुआ लड़कों को, लड़कियों को करना है उसकी शादी, तो किससे करेंगे लड़कियों की शादी? लड़कों से करो तो फिर शुरू होगा मामला, सबके मामला, और इसी से निकाल लेट हो रहे हैं। तो उनके वालदैन को बहरहाल वो समझाएं। जी अस्सलाम वालेकुम, औलाद ना होने के साइंटिफिक रीज़न क्या है और इस्लामिक क्या है? देखिए औलाद ना होने के साइंटिफिक रीजंस तो बहुत ज़्यादा है, मेरे लिए मुमकिन नहीं कि मैं उसको वो कर सकूं। शरई एतबार से आप अल्लाह से दुआ कीजिए, इसलिए कि कितने भी अगर रीज़न हो ना होने के, तब भी एक चीज़ दुआ आपके पास एक बेहतरीन हथियार है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नबी, दो अंबियाओं के वाक़े कुरान ने लिए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम और ज़करिया अलैहिस्सलाम, दोनों को बूढ़ी उम्रों तक, बाल सफ़ेद होने तक, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ साथ 80 या उससे ज़्यादा उम्र थी, और ज़करिया अलैहिस्सलाम भी इसी तरह,
तब नव्वद या कुछ उम्र थी तब उनको औलादे हुई। तो असल ये अल्लाह रब्बुल इज्जत जब चाहता है, जिसको चाहता है, जैसे चाहता है, जितने चाहता है लड़के लड़कियां या सिर्फ लड़के और सिर्फ लड़कियां अता करता है। ये बात याद रखिए, कुरान की आयत है अल्लाह जिसको चाहता है लड़के, जिसको चाहता है लड़कियां, जिसको चाहता है दोनों, और जिसको चाहता है कुछ अता नहीं करता है। तो आप दुनियावी एतबार से जो हो सकता ऐसे लोग करते रहें, इलाज करवाएं, लेकिन उसके साथ दुआ याद रखें, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ बड़ी उम्र में सुनी थी। और मैं एक वाकया अपनी ज़िंदगी में जानता हूँ, एक मेरे नाना के एक दोस्त थे, नाना के साथ रहते थे, उनको औलाद नहीं थी, लेकिन तमाम नाना बताते रहते थे मेरा दोस्त है उसको औलाद नहीं है, तो उनके साथ थे वो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अच्छे से याद है उनको 82 साल की जब थे वो तो उनको पहला लड़का पैदा हुआ था, तो 82 ईयर्स, ठीक है, तो वो दुआ करते रहे अल्लाह से, ठीक है। और बहरहाल उनका दूसरा, उनकी बीवी का इंतकाल हो गया था, फिर उन्होंने दूसरा निकाह किया था, और उस बीवी से जब उनकी एज 82 थी, और वो जब नाना से मिलने आते तो बच्चे को साथ लाते थे, नाना के बच्चों के बच्चे हम हैं और वो उनका बच्चा छोटा सा लेकर आते थे। तो असल ये दुआ, तो वो दुआ करते रहे, दुनियावी असबाब कोशिशें भी करते रहे, दुआ असल है। अब कितने असबाब अल्लाह वालम बहुत से, अब साइंटिफिकली आपको पढ़ना पड़ेगा कितने असबाब है, लेकिन आप दुनियावी एतबार से इलाज और साथ में अल्लाह से दुआ कीजिए इंशाल्लाह अज़ीज़। जो भी ऐसे लोग हैं जिनको औलाद नहीं, वो दुआ करें, और कोशिशें लेकिन असल है, कोशिशें भी हो, इलाज हो, दूसरा निकाह भी एक कोशिश में शामिल है, वो भी करते रहें, अल्लाह से दुआ करें इंशाल्लाह अज़ीज़, अल्लाह औलाद अता फरमाए। जी बस जी, अस्सलाम वालेकुम। फैज भाई मेरा एक सवाल है कि हम मेडिकल स्टोर पे जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो बेचते हैं, तो क्या हम उनकी मदद कर रहे हैं ऐसा काम करने में जी? या फिर और एक सवाल ये भी है कि अगर हम उनको नहीं देते तो वो तो कहीं ना कहीं से ले लेंगे। भाई ने बड़ा अच्छा सवाल किया कि अगर कोई मेडिकल स्टोर चलाता है, अब कुछ लोग उससे माने हमल दवाएं चीज़ें मांगने आते हैं तो वो क्या करें? देखिए पहली चीज़, जब भी कोई मेडिकल स्टोर या ऐसा कुछ चीज़ चलाता है और वहाँ लोग ऐसी चीज़ मांगने आते हैं, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन आप नहीं देंगे उनको। क्यों? जब उसने डॉक्टर से प्रिस्क्राइब किया तो इसका मतलब ये कि एक अटेस्टेशन, एक सर्टिफिकेट है कि ये लीगली आ रहा है पूरे प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। क्योंकि अब उलमा तो अटेस्ट यहाँ नहीं करते हिंदुस्तान में, तो डॉक्टर्स तो करते हैं, लेकिन तो मुस्लिम डॉक्टर्स अटेस्ट कर रहे हैं, लिख रहे हैं, मतलब वो चाह रहा है। उसके बाद अगर वो आपके पास देने में कोई हर्ज नहीं आपको, उसके बाद, वरना आप किसी को भी दे देंगे तो आज कहाँ कहाँ कैसे कैसे इस्तेमाल होता दवाओं का, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। प्रिस्क्रिप्शन आप देखिए, हुकूमत क्या बोलती है वो छोड़ दीजिए, इस्लाम भी बोलता है कि जब तक कोई चीज़ अटेस्ट ना हो उसको आप ना दें। चूंकि दवाएं एक मखसूस चीज़ है और बिल्कुल ऐसी दवाएं जो माने हमल की हैं ये बहुत खास है, तो लिहाजा डॉक्टर्स का प्रिस्क्रिप्शन लाइए। उसके बाद वो कोई भी, आपको पूछना नहीं कौन क्या किसका, डॉक्टर्स का प्रिस्क्रिप्शन मतलब ऑथेंटिसिटी कुछ हद तक है, उसने बताया है और हम ये सोच रहे हैं कि उसकी मजबूरी होंगी देने में कोई हर्ज नहीं। अब आपका सवाल कि हम ना दे तो कहीं से लेगा? देखिए अगर वो लीगली नहीं आया है तो जाके लीगली कहीं से भी ले, उसका मसला है। हम लेकिन ऐसे गुनाह में उसका साथ नहीं दे सकते, इस बात की आप एहतियात करें। अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल यह है कि जो चार शादियों के ताल्लुक से अभी आपने बात की है, तो सूरह निसा में जो शुरुआत में यह है कि आप चार शादियां कीजिए, 3, 2 या, और अगर आप इंसाफ नहीं कर सकते तो फिर सिर्फ एक ही निकाह कीजिए, और वहीं सूरह निसा की आगे की जो आयत है उसमें है कि आप और आप इंसाफ नहीं कर सकते लोगों, तो इन दो आयतों के मद्देनजर कैसे, किस तरीके से चार शादियों के बात को लिया जाएगा? मैंने ऐसा सवाल किया कि एक जगह तो सूरह निसा में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि निकाह करो, सूरह निसा आयत नंबर 3 में निकाह करो, 2, 2, 3, 3, 4, 4, इंसाफ ना कर सको तो एक करो। उसी सूरह में आगे फरमाया कि तुम इंसाफ ना कर सकोगे औरतों के अंदर। तो अब इन दोनों बातों को हम कैसे समझेंगे? हम ये देखेंगे कि सहाबा ने इस मामले में क्या किया, और सहाबा और ताबईन की जिंदगी में उन्होंने क्या किया और इस बात को कैसे समझा। तो सहाबा और ताबईन ने इस बात को ऐसे ही समझा कि इंसाफ करना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं, मुश्किल है, क्योंकि दो बीवियों की अनबन होती फलाती, मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। इसीलिए सलफ सालहीन में आपको एक से ज्यादा निकाह बिल्कुल आम थे, किसी ने भी ये माना हरगिज नहीं लिया कि इस आयत से ये माना है कि तुम इंसाफ नहीं कर सकते लिहाजा निकाह मत करो एक से ज्यादा। ये आयत उसके लिए हाँ बिल्कुल है, जो इंसाफ नहीं कर सकता वो ना करे। जैसे कुछ लोग होते हैं, एक भी उन्होंने निकाह किया, उसके बीवी का रंग कम है, दूसरा कर लिया वो गोरी है तो उसी के पीछे लग गए, इसको छोड़, ना इंसाफी की, तो फिर ऐसे आदमी का निकाह नहीं करना चाहिए उसने दूसरा। लेकिन जो आदमी लगता है इंसाफ कर सकता है तो यकीनन वो निकाह कर सकता है, इसलिए कि सहाबा ने और ताबईन ने इस आयत को, क्यों, तो आप सब के पास ये अहकाम आने के बाद भी छोटे सहाबा थे जो बड़े होकर निकाह किए, फिर उन्होंने जो एक से जायद किए, ये उसकी दलील है कि मुश्किल है, मुहाल और नामुमकिन जैसी चीज़ नहीं है। बस समझाने को कहा गया कि देखो इनके अहकाम देना है तुमको और बहुत बार पामाल होंगे, तो लिहाजा थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन नामुमकिन जैसे नहीं है, और ताबईन और सहाबा का ये अमल हमारे लिए दलील है। के लिए हम क्या ये समझ सकते हैं कि शौक के लिए आप दूसरा निकाह ना करें, कि आपको कोई दूसरी लड़की दिखने में पसंद है या सिर्फ खूबसूरती के लिए आपको पसंद है? हाँ ये बिल्कुल हो सकता है उसमें कि शौक के लिए नहीं, जाहिर सी बात है निकाह शौक के लिए नहीं होगा। आप इसलिए करेंगे कि किसी भी लड़की को जब देखेंगे दीनदारी की बुनियाद पर, आप थोड़ी उसकी खूबसूरती देखें,
ये तो बुनियादी गलत हुई ना। पहली लड़की भी दीनदारी, दूसरा निकाह भी दीनदारी, तीसरा भी दीनदारी, चौथा भी दीनदारी, दीनदारी बुनियाद है। तो लिहाजा आपको लगता है कि आपके पहले बीवी से दीनदारी औरत है जो आपके दीन में आपको मदद कर सकती है, आपके काम में हाथ बढ़ा सकती है, इससे होने वाली औलाद बिल्कुल इस बुनियाद पे आप बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन ये शौक ही नहीं कि इससे अच्छी खूबसूरत वो मिल गई, इससे फला वो मिल गई, ये तो फिर बहरहाल एक ओछापन है किसी चीज के पीछे। आज ये कल और कोई खूबसूरत आ जाएंगे तो क्या इसको छोड़ देंगे? बहरहाल वही माना है दीनदारी, तो करने वाला भी दीनदारी की बुनियाद पे, लाने वाली चीज को भी दीनदारी की बुनियाद पे परखेंगा। जी सवाल नहीं कर, अच्छा सवाल है बोले तो सबसे अच्छा है क्या वो पूछ लो। एक मर्द को चार निकाह करने की इजाजत है, मगर क्या घरेलू झगड़ों की वजह से माँ बाप के बोलने पे या कई और बोलने से निकाह करना जरूरी है या शोहर की मर्जी से करना चाहिए? देखिए इंसान एक से ज्यादा जो निकाह करेगा इसके लिए सिर्फ उसकी मर्जी होंगी, अगर उसको जरूरत है हाजत है वो करेगा, ठीक है। तो अगर किसी को हाजत है एक से ज्यादा निकाह करने की तो वो कर सकता है। ये अलग बात है झगड़े फितने फसाद होंगे तो उसका हल आपको निकालना पड़ेगा कि वालदेन को कैसे समझाएंगे, बीवी कैसा, वो आपका मसला है, लेकिन वो आपकी अपनी चॉइस है, इसमें किसी की इजाजत की आपको जरूरत नहीं है। और एक सवाल है बस, वो ऑपरेशन जो आजकल ज्यादा हो रहे हैं, सर्जरी से औलाद हो रही है, तो ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 सर्जरी कर सकते हैं, और इसके उसकी वजाहत कीजिए कि औलाद की कैसा करना। देखिए बहरहाल भाई ने कहा कि सर्जरियन बहुत ज्यादा होती है आजकल, तो इस मामले में हम क्या करें, औलाद पैदाइश चूंकि सीजेरियन हो जाएगा 2-3 मुश्किल से होती है, फिर क्या करें? तो सबसे पहले आप ऐसे डॉक्टर्स के पास जाएंगे जो डॉक्टर्स है, बुचर्स नहीं है, खसाब नहीं है, क्योंकि आज ये सीजेरियन एक इजी मनी है। आ गया, तकलीफ हो रही, बच्चा पलट गया पेट में तुम्हारे, बच्चा घूम गया उसका वो जो नाली जिससे खाना पीना उसे गले में आ गया, बच्चे ने पैखाना कर दिया, कॉमन हैवॉक क्रिएट कर देते आपके जाते, उसी औरत को तो घाटी ले जाइए नॉर्मल। अब बोलिए कहाँ उल्टा हुआ, कहाँ सीधा हुआ, कहाँ पैखाना किया, कुछ भी नहीं इसमें, तो समझ रहा है बात को? डॉक्टर्स जेन्युइन डॉक्टर्स हो जो वाकई में पेशेंट को वो दे, उनके थोड़े माल के लिए अपनी आखिरत बर्बाद ना करे। तो क्या करते हैं, अरे फला ये ज्यादा तकलीफ हो रही बर्दाश्त नहीं कर सकते, चलो इंजेक्शन दे देते और पेट चीर देंगे तुम्हारा। एक आसान रास्ता, तो पहले लड़कियां घर वाले ये समझे औलाद की पैदाश में तकलीफ सबको ही होती है, कोई भी मुस्तस्ना नहीं इस तकलीफ से, है ना। मरियम अलैहिस्सलाम को ईसा भी हुए अलैहिस्सलाम तो तकलीफ हुई आपको, हालांकि अल्लाह की तरफ से मौजजा थे, लेकिन फिर भी तकलीफ हुई, हुई ना, हर किसी को होती है, ठीक है। एबनॉर्मली ना ले उसको कि तकलीफ नहीं, नहीं समझा रही बेटे तो ऑपरेशन कर लेंगे, ठीक है। इसलिए कि ऑपरेशन सिर्फ आपकी औलादों को नहीं रोकता है, आपकी सेहत बर्बाद कर देता है। एबनॉर्मली औरतें मोटी हो जा रही है, औलाद पैदा नहीं हो सकती है, जिंदगी में काम नहीं कर सकती इसलिए कि पेट खुलने का डर हो जाता है, मुख्तलिफ चीजें हैं। तो बहरहाल सबसे पहले डॉक्टर्स के पास जाए जो जेन्युइनली आपको गाइड करे कि ये हो सकता है नहीं हो सकता है, चाहे फिर उनको 0 रुपया ना मिले उसके अंदर, जेन्युइनली। इसलिए इंसानी नस्ल की बका और थोड़े से आप काम के लिए इंसानी जिंदगी बर्बाद करे तो पहले वो करे, उसके बाद मजबूरी हो तो फिर मजबूरी का तो बहरहाल कोई हल नहीं है। अगर वही एक हल है, सिजेरियन भी एक इलाज है, तो आप कर सकते हैं। उसके बाद जाहिर सी बात है आप बच्चे ज्यादा नहीं पैदा कर पाएंगे। अल्लाह से आप इस मामले में फिर दुआ करें कि अल्लाह जितने बच्चे उसमें बरकत अता फरमाए आपके। अस्सलाम वालेकुम। मौल साहब, अब तक जितनी हमने बात की है, यानी ये तो सिर्फ मर्दों और औरतों को लेकर जो है तो बात, लेकिन एक और एक जमात हमारे पास, क्योंकि अब ये बहुत बड़ी तादाद में है, जिनका ना हम औरतों में शुमार कर सकते हैं ना ही मर्दों में। जैसे पहले मौल साहब ने जो जिक्र किया कि नबी के ज़माने में भी एक जमात इस तरह की, तो इनका एक तो इस्लामी शरीयत से इनका कहाँ जिक्र है, और दूसरा कि ये जो जमात है आज हमारे पास, तो इनका यानी वजूद हुआ कहाँ से, ये एक बेसिक कंसेप्ट जो अब तक क्लियर ही नहीं। भाई ने एक अच्छा सवाल किया कि मुखन्नस लोग होते हैं, हिजड़े जिनको आम जबान में बोलते हैं, मेल फीमेल जो दोनों नहीं होते हैं, उसका शरीयत में क्या मुकाम है और इनका क्या मामला है? तो देखिए शरई एतबार से वो भी अल्लाह के बंदे हैं, सिवाय इसके कि उनमें जिस्मानी या साइकोलॉजी या हार्मोनल कुछ तब्दीलियां होती है, फिजिकल या हार्मोनल कुछ ऐसे चेंजेस बॉडी में होते हैं, डिफेक्ट्स जिसको बोलेंगे आम जबान में, जिन डिफेक्ट्स की वजह से जिसके तरफ ज्यादा होते उस तरफ हो जाते हैं। अगर मर्दों जैसे हो तो मर्दों की तरफ, औरतों जैसे तो औरतों की तरफ, ठीक है। तो इनकी कई अकसाम होती है, ठीक है, कोई मेल की तरफ होते हैं और कुछ फीमेल की तरफ होते हैं, दोनों बातें, कुछ मेल की तरफ होते हैं फीमेल औसाफ होते हैं, कुछ फीमेल की तरफ होते हैं मेल औसाफ होते हैं, ठीक है। तो बहरहाल ये डिफेक्ट है, लेकिन ये अल्लाह के मुकम्मल बंदे हैं, इनकी मुकम्मल अल्लाह के पास वही हैसियत है। आखिरत में क्या अंजाम होगा वो अल्लाह आलम, वो उस मामले में हम नहीं जानते, ठीक है। वो जिसकी तरफ ज्यादा होंगे हो सकता है अल्लाह उस मामले में फैसला करे, वो अल्लाह आलम, ठीक है। तो वो चीज हमको समझना है। दूसरा, ये बुरे नहीं होते, हर समाज ने इन लोगों को बुरा कहकर निकाल दिया, जिसकी बुनियाद पे होता ये
कि ये एक अलग कम्युनिटी सोसाइटी बनाते हैं, इसमें खूब शर खूब फितना करते हैं और बुराई की तरफ ज़्यादा मायल हो जाते हैं। अब शरीयत में इसका क्या है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हदीस में बयान किया वो हिजड़े वो मुखन्नस लोग हैं जो गंदे होते हैं, उनको घर से और बस्ती से निकालना, अच्छों को नहीं, गंदे। इसलिए कि ये चूँकि इनमें कुछ जिस्मानी डिफेक्ट्स होते हैं, साइकोलॉजिकली ये मर्द और औरतों की तरफ नहीं होते हैं, लिहाजा ये फिजिकली बहुत फिट होते हैं, याद रखिए। इस वजह से आप देखेंगे बादशाहों के पास काम करने के लिए, खुद हरमैन के अंदर बहुत से लोग जो मुखन्नस काम करते हैं उनको रखा गया, इसलिए कि दिन रात करते मर्द औरतों दोनों में काम करते जाकर, एक तो ये सहूलत हो जाती है कि औरतों की सफाई मर्दों का सब कर लेते हैं और दिन और रात काम करते हैं, इसलिए कि ये जिस्मानी एतबार से बहुत जिसको कहेंगे बहुत ज़्यादा वर्क कर पाते हैं, इसलिए कि वो सेक्सुअली जो है उनका मामला वैसा नहीं होता। ठीक, तो शरीयत में इनका मुकाम है, अल्लाह के पास इनका मुकाम है, इस्लाम में अगर है तो ये मोमिन है, नमाज रोज़ा ज़कात सब इन पर वाजिब है। भाई जो है तो कुरान में अपना नहीं, इनका कोई जिक्र कुरान में नहीं, कुरान में इनका जिक्र नहीं, बस मैं इसको ये कहूंगा कि जिसकी तरफ ज्यादा माहिर है उस तरफ उसमें शामिल कर सकते अपने आप को, मर्दों की तरफ तो ईमान वालों में और औरतों की तरफ तो ईमान वालियों में। जी एक शख्स है, उसकी शादी लव मैरिज में हुई थी, कुछ 2-3 साल में उसको 3 मरहूम बच्चे पैदा हुए, तो उसके घर वालों को बोलने की वजह से उसने वो लड़की से तलाक कर लिया, पर वो जब तलाक कर रहा था तो बच्ची लेडीज वो उससे थी, हमलते थी, पर उसको दिन बाद उसको जिंदा बच्चा पैदा हुआ और वो शख्स बोला मेरे को उससे शादी करने का, तो फिर क्या करने का। देखिए भाई का सवाल जो है तलाक से मुताल्लिक है, इंशाल्लाह बाद रमजान अगर IRC पर आए इस्लामिक रिसर्च सेंटर पे उसकी तफसीलात लेकर ही जवाब दे पाऊंगा, मतलब खाली सुनने ही जवाब देना मेरे लिए मुमकिन नहीं, तलाक कैसी हुई थी क्या है वो पूरा हमको तफसीलात दे। और वो घर वालों के खिलाफ हो गए लड़का शादी, इंशाल्लाह फिर हम नहीं नहीं वो नहीं, पिछले जो सवाल किया था मैं वो नहीं, घर वालों से खिलाफ होकर निकाह नहीं करना चाहिए, घर वालों को आप मनाएं, इसलिए कि जिन वालदे ने हमको पैदा किया हमको पालते हैं उनकी इजाजत के बगैर करना ये शरीयतन दुरुस्त नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम फैज भाई, मेरा नाम फरदीन सिद्दीकी है और मैं बाय क्वालिफिकेशन साइकोलॉजिस्ट हूँ। तो मेरा सवाल ये कि इमरजेंसी कॉन्सेप्टिव पिल्स के बारे में आपने जो बताया कि कम मिकदार में ले सकते हैं कुछ उन्माओं का, ये तो एक्चुअली कैसा है, जो बेसिक हमारा नजरिया है कि हमल कायम होने से पहले रोकना है, और इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव जो पिल्स है वो इस तरह से काम करती है कि जैसे पहली रात में किसी का हो गया है आपस में तो क्रोमोसोम जो है तो ओवियम से जाके मिल चुका है, यानी हमल कायम होने की प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई है, और ये गोली 72 घंटे के अंदर जब हम इस्तेमाल करते हैं तो ये उस प्रोसीडिंग को रोकता है, यानी आगे अलग जो स्टेजेस है हमल की उसमें नहीं पहुंचने देता है, तो ये किस तरह से, यानी हम ये भी एक तरह का अर्ली अबॉर्शन हो गया। अच्छा सवाल किया कि जो मैंने कहा जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल होती है इमरजेंसी में जो ली जाती है वो भी तो वही काम करती है जिस तरह से दूसरे कॉन्ट्रासेप्टिव वजूद में आने के बाद करते हैं। देखिए मैंने उसकी एक तो वजाहत की वो क्या है, दूसरा उसको बिना शरई उज्र के कोई नहीं ले सकता है, वरना वो तो फिर वैसे ही हो जाएगा कि आप अर्ली स्टेज अबॉर्शन मतलब बिल्कुल शुरुआत में, ठीक है, तो बिना शरई उज्र के वो नहीं ली जा सकती। याद रखिए शरई उज्र क्या हो सकता है कि हम बिस्तरी मना थी या एहतियात का हुक्म था, वजूद में आने से माँ की जान को खतरा हो सकता, तब उस हालत में समझ रहे आप, वो चीज भी तब उस हालत में ली जाएंगी जब जरूरत है। उमूमी एतबार से मैंने नहीं कहा कि थोड़ी मकदार में, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स अगर थोड़ी मकदार में हो जैसे जनरल होते वो जायज है, लेकिन जो बड़ी मकदार में जैसा ये जो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव ये तो वो तो बड़ी मकदार में ली जाती, मतलब हैवी इसमें हॉर्मोन्स होते हैं, तो इसको तो मना किया उलमा ने, सिवाय इसके जो मजबूर कर दिया जाए या मजबूर हो जाए या सेहत साथ ना दे या डॉक्टर ने कहा था कि हम बिस्तरी ना करो वजूद में आने से माँ की जान को खतरा है, तब उस सूरत में ये लिया जा सकता है, वह नाम हालत में दुरुस्त नहीं है। आखिर दावाना अलहमदिल्लाबीआलमीन सुबहान रबी रबीन वसलम वसलिन अलहमदिल्लाबीआलमी।